आइए भक्तों, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा कवितावली प्रारंभ करते हैं। जय श्री हरि। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। कवितावली बालकांड। एक सखी किसी दूसरी सखी से कहती है, मैं सवेरे अयोध्यापति महाराज दशरथ के द्वार पर गई थी। उसी समय महाराज पुत्र को गोद में लिए बाहर आए। मैं तो उस सकल शोकहारी बालक को देखकर ठगी सी रह गई। उसे देखकर जो मोहित ना हो उन्हें धिक्कार है। उस बालक के अंजन रंजित मनोहर नेत्र खंजन पक्षी के बच्चे के समान थे। हे सखी, वे ऐसे जान पड़ते थे मानो चंद्रमा के भीतर दो समान रूप वाले नवीन नीलकमल खिले हुए हो। उस बालक के चरणों में घुंघरू कर कमलों में पहुंची और गले में मनोहर मणियों की माला शोभ्यमान थी। उसके नवीन श्याम शरीर पर पीला झंगुला झलकता था। महाराज उसे गोद में लेकर पुलकित हो रहे थे। उसका मुख कमल के समान था, जिसके रूप मकरंद का पान कर देखने वालों के नेत्र रूप भोरे आनंद मग्न हो जाते थे। श्री गोसाई जी कहते हैं, यदि मन में ऐसा बालक ना बसा तो संसार में जीवित रहने से क्या लाभ है। उनके शरीर की आभा नील कमल के समान है तथा नेत्र कमल की शोभा को हरते हैं। धूली से भरे होने पर भी वे बड़े सुंदर जान पड़ते हैं और कामदेव की महती छवि को भी दूर कर देते हैं। उनके नन्हे नन्हे दांत बिजली की चमक के समान चमकते हैं और वे किलक किलक कर मनोहर बाल लीलाएं करते हैं। अयोध्यापति महाराज दशरथ के वे चारों बालक तुलसीदास के मन मंदिर में सदैव विहार करे। जय श्री हरि। बाल लीला कभी चंद्रमा को मांगने का हट करते हैं, कभी अपनी परछाई देखकर डरते हैं, कभी हाथ से ताली बजा बजा कर नाचते हैं, जिससे सब माताओं के हृदय आनंद से भर जाते हैं। कभी रूठकर हट पूर्वक कुछ कहते मांगते हैं और जिस वस्तु के लिए अड़ते हैं उसे लेकर ही मानते हैं। अयोध्यापति महाराज दशरथ के वे चारों बालक तुलसीदास के मन मंदिर में सदैव विहार करें। कुंदकली के समान उज्जवल वर्ण दंतावली अधर पुटों का खोलना और अमूल्य मुक्ता मालाओं की छवि ऐसी जान पड़ती है मानो श्याम मेघ की भीतर बिजली चमकती हो। मुख पर घुंघराली अलके लटक रही है। तुलसीदास जी कहते हैं, लल्ला, मैं कुंडलों की झलक से शोभित तुम्हारे कपोलों और इन अमूल बोलों पर अपने प्राण न्योछावर करता हूँ। उनके चरण कमलों में मनोहर जूतियां सुशोभित हैं। वे कर कमलों में छोटा सा धनुष बाण लिए हुए हैं। बालकों के साथ सरयूजी के किनारे चौराहे और बाजारों में खेलते फिरते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि ऐसे बालकों से प्रेम ना हुआ तो बताइए जप योग अथवा समाधि करने से क्या लाभ है। वे लोग तो गधों शूकरों और कुत्तों के समान हैं। बताइए संसार में उनके जीने का क्या फल है। श्री रघुनाथ जी उनके सखा और सब भाई पवित्र सरयू नदी के किनारे किनारे घूमते फिरते हैं। उनके हाथ में छोटे छोटे धनुष बाण हैं, कमर में तरकस कसा हुआ है और शरीर पर नूतन पीताम्बर सुशोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री शारदा की मति उस समय की सुंदरता की उपमा 14 भुवन नवो खंड तीनों लोक और 2100 ब्रह्मांडों में जब विचार पूर्वक खोजने पर भी नहीं पा सकी तब कुंठित हो गई। जय श्री हरि। धनुर्यज्ञ जिनके ऊपर राज छत्रों की छाया शोभ्यमान है, ऐसे पृथ्वी भर के राज लोग झुंड के झुंड महाराज जनक के यहाँ आकर उनके स्थान में छाए हुए हैं। वे बड़े बलवान प्रतापी और तेजस्वी हैं। उनके शरीर और वेश भी बड़े सुंदर हैं और वे श्री सीता जी को वरण करने के शुभ कार्य से बुलाए गए हैं। श्रेष्ठ वंदी जन उनकी वृद्धावली का बखान करते हैं।
बाजे वाले बाजे बजाते हैं तथा उस राज समाज के कोई कोई वीर भी अपनी भुजाएं ठोकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, इस समय जनकपुर के जितने नर नारी हैं, वे सभी अवध केसरी भगवान राम का मुख बारंबार देखते और मन ही मन प्रसन्न होते हैं। सीता जी के स्वयंवर में जहां राजाओं का समाज जुड़ा हुआ था, बहुत से राज राजेश्वर और सम्राट थे, उनके नाम कौन जानता है। वे वायु, इंद्र, अग्नि, सूर्य और कुबेर के समान गुड़ के भंडार और ऐसे रूप राशि थे कि उनके सामने चंद्रमा तथा कामदेव भी क्या है। उनमें बाणासुर और राक्षस राज रावण जैसे शूरवीर भी थे, जिन्हें संग्राम भूमि में सदा ही सकुशल रहने का अभिमान था, अर्थात जो संग्राम में सदा ही दृढ़ रूप से शक्ति रहित विजय लाभ करते थे। उसी राज समाज में तुलसीदास के समर्थ प्रभु दशरथ नंदन राम ने चपलता से चंद्रमोली भगवान शंकर का धनुष चढ़ा दिया। श्री महादेव जी ने काम का दलन और त्रिपुर का नाश बहुत कठिन समझकर सब कठोर पदार्थों को मंगाकर उनका सार रूप यह धनुष बनवाया था। उसने जनक जी की सभा में जितने बड़े बड़े राजा आए थे, उन सभी को बलहीन कर अपना ही बल बढ़ा रखा। वज्र से भी कठोर और कछुए की पीठ से भी कड़े उस धनुष को कोई भी राजा बलपूर्वक फुर्ती से नहीं चढ़ा सका। तुलसीदास जी कहते हैं, किंतु वही धनुष भगवान राम के कर कमल का स्पर्श होते ही टूट गया, मानो महादेव जी का उसे बालेपन आरंभ से यही पाठ पढ़ाया हुआ था। जिस समय श्री रामचंद्र जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा, उस समय उसका प्रचंड शब्द ब्रह्मांड को पार कर गया और उसके आघात से सारे पर्वत, समुद्र और तालाबों के सहित अत्यंत भारी पृथ्वी डगमगाने लगी। सर्प बहिरे हो गए, संपूर्ण चराचर एवं इंद्र अर्थात दिक्पाल गण व्याकुल हो उठे, दिग्गज लड़खड़ाने लगे, रावण मुंह के बल गिरने लगा, देवताओं के विमान चंद्रमा और सूर्य आकाश में परस्पर टकराने लगे, महादेव जी सहित ब्रह्मा जी चौंक पड़े और वाराहा, कच्छप तथा शेष जी भी कलमला उठे। कोई सखी दूसरी सखी से कहने लगी, अरे सखी, रामचंद्र जी के इस नयन सुखदायक मेघश्याम रूप रूपी शिशु का तो प्रेम रूपी दूध से पालन कर। यहाँ एकत्रित हुए मंडलेश्वरों को जो अपने प्रताप का अभिमान था, उसे चूर्ण कर इस राजकुमार ने संकल्प मात्र से ही धनुष तोड़ डाला। मैंने जो तुझसे कल कहा था, अब महाराज जनक का, सीता का, हमारा, तेरा और तुलसी का, सभी का मन माना होगा। अरे आली, अब संतुष्ट होकर रानी कौसल्या की कोख पर अपना शरीर न्योछावर कर दो और महाराज दशरथ की भी बैलिया लो। सौभाग्यवती स्त्रियां स्वर्ण के थालों में दूब, दही और रोली भर भर कर आरती सजा गाती हुई चली। श्री जनक जी के कर कमल जयमाला लिए सुशोभित हो रहे हैं। उन्हें सखियां सिखाती हैं कि श्री रामचंद्र जी को जयमाल पहना दो। तुलसीदास जी कहते हैं, जनकपुर के सभी लोग मन में प्रसन्न हैं। जरोखों में आकर झांकती हुई रानियां भी बड़ा ही शोभा पा रही हैं, मानो अपने अपने घोंसलों में बैठी हुई मनोहर चकोरियां चंद्रमा की किरणों का अनिमेश नेत्रों से पान कर रही है। नगर में मनोहर नगाड़े और आकाश में दुदुम्बिया बज रही है। देवांगनाएं विमानों पर चढ़ गा गा कर नृत्य कर रही है। तीनों लोकों में जय जयकार छाया हुआ है। भगवान राम के गले में जयमाला सुशोभित है। देवता लोग भगवान के सुंदर रूप पर मुग्ध होकर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, महाराज जनक की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, सब लोगों की अभिलाषा पूरी हो गई। अंतः आनंद के कारण उनके रोम रोम में हर्ष भर गया। युवतियां उस श्याम सुंदर कुमार और गौरवर्णा कुमारी की शोभा पर तृण तोड़कर मानती है कि यह जोड़ी युग युग जीवित रहे।
अच्छे राजा लोग नीच राजाओं को भली प्रकार समझाकर कहते हैं कि समाज को देखकर आयुर्चित पवित्र ढंग से बात कीजिए। श्री जानकी जी को जगत की माता और कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी को जगत के पिता जानकर मन में ऐसे विचार कर देखो जिससे मुंह में कालीमा ना लगे। अनेकों विवाह देखे हैं, वेद पुराण भी सुने और श्रेष्ठ साधु पुरुषों से तथा जो अन्य स्त्री पुरुष परीक्षा कर सकते हैं उनसे भी पूछा है, परंतु ऐसे समान समधि और समाज की जोड़ी कहीं नहीं है और ना श्री रामचंद्र जी के समान दूल्हा तथा श्री जानकी जी जैसी दुल्हन ही है। सरस्वती, ब्रह्मा, पार्वती, शिव, शेष और गणेश ने कहा है और चिरंजीवी लोमवश तथा काक भुशुंड जी ने साक्षी दी है। जिन नारद जी से कहीं पर्दा नहीं है और जिनके सामने दूसरा कोई स्त्री पुरुषों के लक्षणों का जानकार नहीं है, उन्होंने भी 14 भुवनों के समस्त स्त्री पुरुषों को देखकर यही कहा है कि संसार में एक श्री राम जानकी जी की ही जोड़ी जगमगा रही है। उनसे बढ़कर और कौन चार आंखों वाला बतलाने और सुनने वाला है। स्वयं लक्ष्मी और श्रीमन नारायण तथा तत्वज्ञ हनुमान जी ने कहा है कि जानकी जी के समान स्त्री और श्री राम जी के समान पुरुष नहीं है। सुंदर राजमहल में श्री रामचंद्र जी दुल्हा और श्री जानकी जी दुल्हन बनी हुई है। समस्त सुंदरी स्त्रियां मिलकर गीत गा रही है और युवक ब्राह्मण लोग जुटकर वेद पाठ कर रहे हैं। उस अवसर में श्री जानकी जी हाथ के कंकड़ के नग में पड़ी हुई श्री रामचंद्र जी की परछाई निहार रही है। इससे वे सारी सुधी भूल गई है, अर्थात रूप की शोभा में मलिन हो गया है। उनके हाथ जहाँ के तहाँ रुक गए हैं और वे पल के भी नहीं हिलाती है। जय श्री हरि। परशुराम लक्ष्मण संवाद। परशुराम जी ने गरज कर कहा, राजाओं की मंडली में जिसने शिव जी का प्रचंड धनुष तोड़ा है और जिसके भुजदंड बड़े प्रचंड है, मैं उसी से कहता हूँ, मैं अपने कठिन कुठार की धार को धारण करने की उसकी धीरता और प्रसिद्ध वीरता देखना चाहता हूँ। वह राज समाज को छोड़कर आज अलग विराजमान हो जाए, अर्थात राज समाज से बाहर निकल आवे। जैसे हाथी को सिंह पकड़ता है, वैसे ही मैं उसे पकड़ूंगा। मैंने पृथ्वी पर राजाओं के छिपे हुए छोटे बालक को भी नहीं छोड़ा। मैं राजाओं को मारने की उत्कृष्ट कीर्ति धारण किए हुए हूँ। जब परशुराम जी ने अत्यंत निरादर पूर्ण वचन कहे, तब सब राजा लोग भयभीत हो ऐसे चुप हो गए मानो मौन ग्रहण कर लिया हो। किंतु ऐसे अनखावने वचन सुनकर लक्ष्मण जी रोष में भर गए और हंसकर इस प्रकार नम्र वचन बोले, हे भृगु कुल तिलक, तुम्हारे सुयश से 14 भुवन भरे हुए हैं। आपने जो अपना प्रसिद्ध प्रताप बखान किया है सो सब सही है, परंतु शिव जी का जो धनुष टूट गया वह तो अब जुड़ नहीं सकेगा। इस धनुष में तो आपका कोई हिस्सा भी नहीं था जो आप इतना क्रोध करते हैं। तब परशुराम जी बोले, जिसके भयंकर कुठार की धार गर्भ के बालकों को भी काटने में कुशल है, वही मैं इस राजसभा में पूछता हूँ कि किसने इस धनुष को तोड़ा है, उसके बल को मैं नष्ट करूँगा। छोटे मुँह से बड़े बड़े उत्तर देता है, क्या लड़ मर कर कुछ नाम करेगा। हे कौशिक, यह गोरा और घमंड गुमान से भरा हुआ छोटा सा लड़का किसका है। तब विश्वामित्र जी ने कहा, मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज दशरथ ने इन्हें मेरे संग कर दिया था और इन्होंने ऐसे ऐसे राक्षसों का नाश किया है जो इंद्र को भी जीतने वाले थे। गौतम की स्त्री अहिल्या के बड़े भारी पाप को नष्ट कर उसे तार दिया है। अब नरनाथ जनक के नेत्रों के अतिथि हुए हैं, इन्होंने अपने प्रचंड भुजदंड के बल से शिव जी के धनुष को तोड़ डाला है और देश देश के राजाओं को जीत कर जानकी जी को विवाह लिया है। इन सांवले और गोरे शरीर वाले बड़े वीर और धीर दोनों बालकों का नाम राम और लक्ष्मण है।
ये कोसल देशपति महाराज दशरथ के राजकुमार हैं। धनुष भंग सुनकर राजाओं के कराल काल रूप श्री परशुराम जी अपना कुठार लेकर दौड़े। मोहिनी मूर्ति श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को पहले प्रेम पूर्वक देखा, फिर महाक्रोध में आंखें दिखाने लगे। श्री रामचंद्र जी स्वभाव से ही धीर शिरोमणि महावीर परम विनय और विजयशील हैं। यद्यपि भृगु नायक परशुराम जी बड़े सुयोगी वीर थे, तो भी उन्हें अपने धनुष बाण सौंप कर चले गए। इस प्रकार बाल कांड संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। अयोध्या कांड वन गमन। श्री राम के अंगों ने राजोचित वस्त्रों और अलंकारों का त्याग कर वही शोभा पाई जो सुगगा अपने पंखों को त्याग कर पाता है। अयोध्या को मार्ग निवास चट्टी के वृक्षों और वहां के स्त्री पुरुषों को रास्ते के साथियों के समान त्याग दिया। साथ में सुंदर भाई और पवित्र प्रिया ऐसे मालूम होते हैं मानो धर्म और क्रिया सुंदर देह धारण किए हुए हो। कमल नयन श्री रामचंद्र जी अपने पिता का राज्य बटोही की तरह छोड़कर चल दिए। जैसे सुगगा वसंत ऋतु में अपने पुराने पंखों को त्याग कर आनंदित होता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी ने राजवस्त्र और अलंकारों को आनंद से त्याग दिया। जैसे रास्ते में निवास स्थान के वृक्ष को त्यागने में कुछ भी खेद नहीं होता, वैसे ही उन्होंने अयोध्या को सहर्ष त्याग दिया और रास्ते के संगी साथियों को त्यागने में जैसे मोह नहीं सताता, वैसे ही पूर्ववासी नर नारियों को त्यागने में उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। तात्पर्य यह है कि जैसे बटोही मार्ग की सब वस्तुओं को बिना खेद त्याग कर चला जाता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी अपने पिता के राज्य अर्थात को किसी अन्य पुरुष के समान त्याग कर चल दिए। भगवान के लिए वस्त्र और आभूषण तोते के पंख के समान थे, उन्हें त्याग देने पर उनका शरीर ऐसा सुशोभित हुआ जैसे काई को हटाने पर जल। माता पिता और प्रिय लोगों को स्वभाव से ही उनके स्नेह और संबंध अनुसार सम्मानित कर कमल नयन भगवान राम साथ में सुंदर स्त्री और भले भाई को ले अपने पिता का राज्य अन्य पुरुष की भांति छोड़कर चल दिए। मानो वे अयोध्या में दो ही दिन की मेहमानी पर थे। कौसल्या जी प्रेम से विह्वल होकर सुमित्रा जी से कहती है, हे सखी, मैंने कैकेयी को कभी सोत नहीं समझा, सदा अपनी बहन के समान उसका पालन किया। जब रामचंद्र जी मुझको मैया कहते थे तो मैं यही कहती थी, मैं तेरी नहीं भरत की माता हूँ। भैया, मैं तेरी भलैया लेती हूँ, तेरी माता तो कैकेयी है। गोसाई जी कहते हैं, रामचंद्र ने भी सरल भाव से मन वचन कर्म से कैकेयी को माता ही माना, कभी भी माता नहीं समझा, परंतु वाम विधाता ने हमारे सिरस सुमन सुदर्श सुकुमार सुख को काटने के लिए छल रूपी छुरी को वज्र पर पहनाया है। सुमित्रा जी कौसल्या जी के पैरों पर पड़कर कहती है, बहन जी क्या किया जाए, विधाता जो कुछ चाहता है वह सहना ही पड़ता है। आपका स्वभाव तो राम जी के जन्म ही से जाना जाता है, परंतु भरत की माता को क्या ऐसा करना उचित था? तुमने राजा के घर में जन्म लिया, राजा के घर ही ब्याही गई, राज्य अधिकारी सर्वश्रेष्ठ पुत्र भी पाया, पर तो भी तुम सुख लाभ न कर सकी। देखो, चंद्रमा का शरीर अमृत का आश्रय है, किंतु उसे मृग ने कलंकित कर दिया और ऊपर से बाहु रहित राहु भी उसे ग्रस लेता है। जय श्री हरि। गुहा का पाद प्रक्षालन। जिसके नाम ने संसार रूपी अपार नदी में डूबते हुए अजामिल जैसे करोड़ों पापियों का उद्धार कर दिया और जिसके स्मरण मात्र से सुमेरु के समान पर्वत पत्थर के कण के बराबर और बढ़ा हुआ समुद्र भी बकरी के खुर के समान हो जाता है। गोसाई जी कहते हैं, जिनके चरण कमल से श्री गंगा नदी प्रकट हुई है, जो बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है, वे समर्थ श्री रामचंद्र जी इस नदी को पार करने के लिए किनारे पर खड़े होकर नाव मांग रहे हैं।
केवट कहता है, इस घाट से थोड़ी ही दूर पर केवल कमर भर जल है, चलिए मैं थाहा दिखला दूंगा। मैं नाव पर तो आपको ले नहीं जाऊंगा, क्योंकि यदि अहिल्या के समान आपकी चरण रज का स्पर्श कर मेरी नाव का भी उद्धार हो गया तो मैं घर की स्त्री को कैसे समझाऊंगा। मुझको जीविका के लिए और कुछ अवलंब नहीं है, अंततः फिर अपने बाल बच्चों का पालन मैं किस प्रकार करूंगा। हे नाथ, बिना आपके चरण धोए मैं नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा, चाहे आप मुझे मार डालिए, इसमें आपके चरणों का कोई दोष नहीं है। आपके चरण की धूलि का प्रभाव भी बहुत बड़ा है, जिसके स्पर्श से अहिल्या पत्थर से सुंदरी स्त्री हो गई। उससे इस नौका का उद्धार हो जाना कौन बड़ी बात है, क्योंकि पत्थर की अपेक्षा तो यह काट का जलयान कोमल है और तिस पर यह पानी खाए हुए है, अर्थात पानी रहने से और भी अधिक कोमल हो गया है। अंततः मैं तो आपके पवित्र चरण कमल को धोकर ही नावों पर चढ़ाऊंगा, कहिए क्या आज्ञा है। गोसाई जी कहते हैं कि केवट के ये श्रेष्ठ चतुरता के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी जानकी जी की ओर देखकर ठहाका मारकर हंसे। घर में पत्तल पर मछली के सिवा और कुछ नहीं है और बच्चे सब छोटे छोटे हैं, अभी कमाने योग्य नहीं है। जाति का मैं केवट हूँ, उन्हें कुछ वेद तो पढ़ाऊंगा नहीं। राजा जी, मेरा तो सारा परिवार इसी के आश्रय है तथा मैं धनहीन और दरिद्र हूँ, दूसरी नौका भी कहाँ से बनवाऊंगा। यदि गौतम की स्त्री के समान मेरी यह नाव भी तर गई तो हे प्रभु, जाति का निषाद होकर मैं आपसे बात भी नहीं बढ़ा सकूंगा, झगड़ नहीं सकूंगा। हे नाथ, हे तुलसीदास राम, आपसे मैं सच कहता हूँ, बिना पैर धोए आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। जिन चरणों के धोवन रूप पवित्र जल श्री गंगा जी को शिव जी अपने सिर पर धारण करते हैं, जिन गंगा जी के यश का वेद भी गा गा कर वर्णन करते हैं, जिनके लिए योगेश्वर मुनिगण और देवता लोग देह का दमन कर मन लगाकर अनेक प्रकार के योग और जप करते हैं, गोसाई जी कहते हैं जिनकी धूलि को स्पर्श कर अहिल्या तर गई और गौतम जी गोने के समान अपनी स्त्री को लिवाकर घर ले गए, उन्हीं चरणों को पाकर बिना धोए नाव पर चढ़ाकर मैं अपनी मजूरी नहीं खोऊंगा और ना अपनी हंसी कराऊंगा। श्री रामचंद्र जी का रुख देख केवट ने अपने लड़के और स्त्री को बुलवाया, वे सब प्रभु के चरणों की वंदना कर चारों ओर से उन्हें घेर कर बैठ गए। पुनः छोटे से काठ के कठौते में गंगा जी का जल लाया और चरण धोकर उस पवित्र जल को बार बार पीने लगा। गोसाई जी कहते हैं कि देवता लोग केवट के भाग्य की बड़ाई कर प्रेम सहित फूल बरसाने और पुकार पुकार कर जय जयकार करने लगे। केवट परिवार की नाना प्रकार की प्रेम भरी भोली भोली बातों को सुनकर श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देख देख कर हंसते हैं। जय श्री हरि। वन के मार्ग में रघुवीर प्रिया श्री जानकी जी जब नगर से बाहर हुई तो वे धैर्य धारण कर मार्ग में दो डग चली। इतने में ही सुकुमारता के कारण उनके ललाट पर जल के कण पसीने की बूंदे भरपूर झलकने लगे और दोनों मधुर अधर पुट सूख गए। वे घूमकर पूछने लगी, हे प्रिय, अब कितनी दूर और चलना है और कहाँ चलकर पूर्णकुटी बनाएगा। पत्नी की ऐसी आतुरता देख प्रियतम की अति मनोहर आंखों से जल बहने लगा। श्री जानकी जी कहती हैं, प्रियतम, लक्ष्मण जी बालक है, वे जल लाने गए हैं, सो कहीं छह में एक घड़ी खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कीजिए। मैं आपके पसीने पोंछकर हवा करूंगी और गर्म बालू से जले हुए चरणों को धोऊंगी। प्रिया की थकावट को जानकर श्री रामचंद्र जी ने बैठकर बड़ी देर तक उनके पैरों के कांटे निकाले। जब जानकी जी ने अपने प्राण प्रिय के प्रेम को देखा तो उनका शरीर आनंद से रोमांचित हो गया और नेत्रों में आंसू भर आए।
किसी नवीन वृक्ष की ढाल को पकड़े हुए श्री रामचंद्र जी खड़े हैं। वे कंधे पर धनुष धारण किए हुए हैं और हाथों में बाण लिए हुए हैं। उनकी भ्रिकुटी टेढ़ी है, आंखें बड़ी बड़ी हैं और कपोलों की शोभा अनमोल है। पसीने की बूंदों से सांवला शरीर ऐसा सुशोभित हो रहा है मानो तारों से युक्त महान तमुराशी हो। गोसाई जी कहते हैं, रे जड़, ऐसी मूर्ति को प्राण निछावर करके भी हृदय में बसा। मार्ग के गांव के नर नारी श्री राम लक्ष्मण और सीता को देखकर आपस में इस प्रकार बातें करते हैं, इनके नेत्र कमल के समान है तथा मुख भी कमल के ही सदृश है। इनके सिर पर जटाएं हैं और प्रशस्त अंगों में यौवन की उमंग झलक रही है। सांवरे श्री रामचंद्र और गोरे लक्ष्मण जी के मध्य में बिजली के समान आभा वाली एक रमणी सुशोभित है। ये तीनों मुनियों के वस्त्र धारण किए हैं और इनके हृदय में फूलों की मालाएं हैं। हाथों में धनुष बाण लिए और कमर में तरकस कसे ये किसी राजा के अत्यंत ही अनुपम कुमार हैं। गोसाई जी कहते हैं कि त्रिलोकी के इन तीन तिलोकों को देखकर वे नरनारी ऐसे स्तब्ध रह गए मानो चित्रशाला के चित्र हो। आगे आगे सांवरे और पीछे पीछे गोरे राजकुमार सुंदर मुनि वेश धारण किए सुशोभित है, जिन्हें देखकर कामदेव भी लज्जित होता है। वे धनुष बाण लिए हैं और वन के वस्त्र धारण किए हैं। कमर में भी वन के ही वस्त्र अच्छी तरह कसे हुए हैं और सुंदर तरकस भी सुशोभित है। साथ में समुद्र सूता लक्ष्मी के समान एक चंद्रमुखी है। गोसाई जी कहते हैं, वे तीनों देखने से मन को संग लगा लेते हैं। उनके मन में आनंद की उमंग है, शरीर में यौवन की उमंग है और रूप की उमंग अंग अंग में उमंग रही है। उनका सुंदर मुख है, कमल के समान सुहावने नेत्र है और मस्तक पर जटाओं के मुकुट है जिनमें सुंदर फूल खोसे हुए हैं। कंधों पर धनुष, हाथों में सुंदर बाण, कमर में तरकस और वस्त्रों की शोभा को लूटने वाले मुनि वस्त्र सुशोभित हैं। उनके साथ एक सुकुमारी नारी है जिसके अंगों में उबटन लगाकर उसके मैल से ब्रह्मा ने विगुच छटा के समूह रचे हैं। गोरे लक्ष्मण जी के रंग को देखने पर सोना सुहावना नहीं मालूम होता और सांवरे कुंवर को देखने से श्याम मेघों का गर्व घट जाता है। वलकल वस्त्र धारण किए, हाथों में धनुष बाण लिए, कमर में तरकस कसे दोनों राजकुमार रूप के राशि तथा क्रमशः मेघ और बिजली के रंग के हैं। साथ में सुंदरी स्त्री है, अंग स्वाभाविक ही सलोने हैं और चरण नवीन कमल से भी अधिक कोमल हैं। लक्ष्मण जी मानो दूसरे वसंत, सीता जी दूसरी रति और श्री राम दूसरे कामदेव हैं। उनकी मूर्तियां अवलोकन करने से तन मन को हरने वाली है। ऐसा जान पड़ता है मानो ये तीनों वसंत रति और काम सुंदर तपस्वियों का वेश बनाए पथिक रूप से मार्ग में लोगों के नेत्रों को सफल करने चले हैं। एक ग्रामीण स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है, अरे सखी, सांवरे और गोरे कुंवर के बीच में एक स्त्री विराजमान है, उसे तनिक मेरे समान होकर देखो। वह बड़ी कोमल है, मार्ग में चलने योग्य नहीं है, कैसे चलेगी? फिर इसके कोमल चरण कमलों का स्पर्श करके तो पृथ्वी भी सुकुचाती है। गोसाई जी कहते हैं कि उसकी बातें सुनकर सब ग्राम की स्त्रियां थकित हो गई, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों से जल बहने लगा। सब कहने लगी कि ये दोनों राजकुमार सब प्रकार मनोहर, मोह लेने वाले और अनुपम सुंदर हैं। ये श्याम और गोर वर्ण बालक स्वभाव से ही सुंदर है, इन्होंने मनोहरता में कामदेव को भी जीत लिया है। ये धनुष बाण लिए और तरकस कसे हुए हैं, इनके सिर पर जटाएं सुशोभित हैं और इन्होंने मुनियों का सा वेश बना रखा है। साथ में चंद्रवदनी स्त्री को लिए है जिसने रति को अपना थोड़ा सा रूप दे रखा है। इन्हें देखकर हृदय सकुचाता है कि इनके पैरों में जूते भी नहीं है, ये पैदल कैसे चलेंगे। मैंने जान लिया कि रानी महामूर्ख है, उसका हृदय वज्र और पत्थर से भी कठोर है। राजा को भी कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रहा। जिन्होंने स्त्री के
कहे हुए पर कान दिया, अरे इनकी मूर्ति ऐसी मनोहारिणी है, भला इन लोगों का वियोग होने पर इनके प्रिय लोग कैसे जीते होंगे। हे सखी, ये तो आंखों में रखने योग्य है, इन्हें वनवास को दिया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री सीता जी से गांव की स्त्रियां पूछती हैं, जिनके सिर पर जटाएं हैं, वक्षः स्थल और भुजाएं विशाल हैं, नेत्र अरुण वर्ण है, बोहे तिरछी है, जो धनुष बाण और तरकस धारण किए वन के मार्ग में बड़े भले जान पड़ते हैं और स्वभाव से ही आदर पूर्वक बार बार तुम्हारी ओर देखकर जो हमारा मन मोह लेते हैं। बताओ तो हे सखी, वे सांवले से कुंवर आपके कौन होते हैं। गांव की स्त्रियों के अमृत से सने हुए सुंदर वचनों को सुनकर जानकी जी जान गई कि ये सब बड़ी चतुरा है। अंतः नेत्रों को तिरछा कर उन्हें सैन से ही समझाकर मुस्कुराकर चल दी। गोसाई जी कहते हैं कि उस समय लोचन के लाभ रूप श्री रामचंद्र जी को देखती हुई वे सब सखियां ऐसे सुशोभित हो रही हैं मानो सूर्य के उदय से प्रेम रूपी तालाब में कमलों की मनोहर कलियां खिल गई है। अर्थात श्री रामचंद्र जी सूर्य के उदय से प्रेम रूपी सरोवर में सखियों के नेत्र कमल कली के समान विकसित हो गए। वे सखियां धीरज धारण कर परस्पर कहती हैं, हे सजनी, चलो रात को जहाँ ये रहेंगे उस स्थान को जाकर देखें। यदि संसार हम लोगों को खोटा भी कहेगा तो कुछ परवाह नहीं, नेत्र तो अपना फल पा जाएंगे और कान इनकी सुंदर बातों को सुंदर सुख पावेंगे। हमसे नहीं तो आपस में तो अवश्य ही कुछ कहेंगे ही। गोसाई जी कहते हैं, अत्यंत प्रेम से उनकी आंखें बंद हो गई और श्री रामचंद्र जी को हृदय में देखकर वे पुलकित हो गई। वे दूसरी स्त्रियों से कहने लगी, अरे सखी, आज एक चंद्रवदनी बाला के सहित दो कुमार स्वभाव से ही इस मार्ग से गए हैं। उनके चरण बड़े कोमल थे तथा श्याम और गोर शरीर करोड़ों काम देवों को लज्जित करते हुए सुशोभित हो रहे थे। उनके हाथ में धनुष बाण थे, सिर पर जटाएं थी तथा कमल के समान अरुण वर्ण नेत्र बड़े ही शोभ्यमान थे। जिन्होंने उन्हें सद्भाव से भी देख लिया वे फिर उनकी ओर से अपने मन को नहीं लौटा सके। उनके मुख कमल के समान और नेत्र भी कमल के ही समान सुंदर थे तथा बोहे कामदेव के धनुष के समान बनी हुई थी। उनके अति सुंदर और सुकुमार श्याम गोर शरीर थे, किशोर अवस्था थी एवं सिर पर जटाएं सुशोभित थी तथा वे कमर में तरकस कसे और धनुष बाण लिए थे। जिस समय से अचानक ही उनकी तिरछी निगाह मुझ पर पड़ी है, अरे सखी, तुझसे किस प्रकार कहूँ, वे दोनों मृदुल मूर्तियां मेरे मन में बसकर मोहित कर रही है। जय श्री हरि। वन में श्री राम पीछे की ओर प्रेम पूर्वक तिरछी दृष्टि से दत्त चित्त से प्रिया की ओर निहार कर उनका चित्त चुरा कर आखेट को चले। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु के श्याम शरीर में पसीना सुशोभित है, वह छवि मेरे हृदय में उल्लास भर देती है। प्रभु के नेत्र चंचल है और सुंदर बोहे चलायमान हो रही है, जिन्हें देखकर कामदेव की जो कमान है वह भी तीर्ण तोड़ती अर्थात लज्जित होती है। इस प्रकार तरकस बांधे तथा धनुष्वर बाण चढ़ाए भगवान राम हरिण के साथ दौड़ते हुए बड़े ही सुशोभित हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी वन में शिकार खेलते फिरते हैं, उन्होंने दो चार सुंदर बाण बड़ी सुघरता से कमर में खोस रखे हैं तथा हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि उस शोभा का मैं कैसे वर्णन करूं? उनके अलौकिक रूप को देखकर मृग और मृगी चौंककर चकित हो जाते हैं और चित लगाकर देखने लगते हैं। वे यह जानकर कि पांच बाण धारण किए साक्षात काम देवी ही है, ना तो हिलते हैं और ना भागते ही हैं। विंध्य पर्वत पर रहने वाले महाव्रतधारी उदासी और तपस्वी लोग बिना स्त्री के दुखी थे। वे मुनिगण यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए कि इनके चरण गौतम की स्त्री अहिल्या तर गई और बोले, अब सब पत्थर आपके सुंदर चरण कमलों के स्पर्श से चंद्रमुखी स्त्री हो जाएंगे। हे रघुनंदन जी,
आपने अच्छा किया जो कृपाकर वन में पधारे। इस प्रकार अयोध्या कांड संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। अरण्य कांड मारी चानू धावन पंचवटी में सुंदर पर्णकुटी के समीप स्वभाव से ही सुंदर श्री रामचंद्र जी बैठे हैं, साथ में प्रिया श्री जानकी जी और प्रिय बंधु शोभित हैं। गोसाई जी कहते हैं उनके सब अंग बड़े ही शोभामय हैं। उस समय एक सोने के मृग को देखकर मृगनयनी श्री जानकी जी ने उसे लाने के लिए जो प्रिय वचन कहे वे प्रियतम के मन को बहुत प्रिय लगे। तब रघुनाथ जी धनुष बाण ले उस सोने के मृग के पीछे दौड़ पड़े। इस प्रकार अरण्य कांड संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। किष्किंधा कांड समुद्रोल्लंघन। जब अंगद अर्थात वानरों की गति और बुद्धि मंद पड़ गई, अर्थात किसी ने पार जाना स्वीकार नहीं किया, तब वायु कुमार हनुमान जी को कूदने में पल मात्र की भी देरी नहीं हुई। वे साहस पूर्वक सहसा कौतुक से ही पर्वत पर आ चारों ओर देखने लगे। इससे शत्रुओं की शांति भंग हो गई। गोसाई जी कहते हैं कि रसातल से जल निकल आया। वाराहा भगवान कलमला गए तथा शेष और कच्छप बलहीन हो गए। चारों चरणों से जोर से दबाने से पर्वत पृथ्वी में चिपट गया और फिर उनके कूदने पर पर्वत भी चार अंगुल उचक गया। इस प्रकार किष्किंधा कांड संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। सुंदर कांड अशोक वन। गोसाई जी कहते हैं कि रावण का वन इंद्र वरुण और ब्रह्मा के वन से भी अधिक सुहावना था। वह मानो वसंत का श्रृंगार ही था। तात्पर्य यह कि सब वन और उपवनों का श्रृंगार वसंत ऋतु है, परंतु रावण का बाग वसंत ऋतु की भी शोभा बढ़ाने वाला था। पुराने पत्ते पतझड़ के समय में ही गिरते हैं, क्योंकि वायु वहां आते हुए डरता था और उसके बाग का लालन पालन रति और कामदेव के विहार स्थल के समान करता था। उत्तम बावली तालाब और बाग की बनावट देखकर हनुमान जी जैसे वैराग्यवान भी राग के वशीभूत से हो गए। किंतु जब उन्होंने अशोक वृक्ष के तले श्री जानकी जी की दशा देखी तो उन्हें वह बाग तीनों लोकों के शोक का सार सा दिखाई दिया। वहां मेघों के समूह माली है और बड़े बड़े विकराल भट उस बाग के रक्षक हैं। वे सब समय अमृत के सार सदर्श मीठे जल से उसे अच्छी प्रकार सींचते हैं। धीर वीर रावण के चित में उस बाग के प्रति अत्यंत अनुराग था। उसे वह मेघनाद से भी अधिक दुलारा और प्राणों से भी अधिक प्यारा था। गोसाई जी कहते हैं यह सब जान सुनकर भी हनुमान जी जानकी जी का दर्शन पा श्री रामचंद्र जी के बल से बाग में निःशंक घुस गए और रावण के रहते और देखते हुए भी साहसी वायु नंदन ने उस वन को तहस नहस कर दिया। जय श्री हरि। लंका दहन। राक्षस लोग गली गली दौड़कर कपड़े बटोरकर और उन्हें तेल में डुबा डुबा कर आकर हनुमान जी की पूछ में बांधते हैं। वैसे ही खिलाड़ी हनुमान जी भी डरते हुए से शरीर को ढीला कर करके उनकी लातों के आघात सहन करते हैं और मन ही मन कहते हैं कि ये सब कायर है। बालक किलकारी मारकर ताली बजा बजा कर गाली देते हुए पीछे लगे हैं तथा नगाड़े ढोल और तुरई बजाए जा रहे हैं। पूछ बढ़ने लगी और राक्षसों ने उसमें जहां तहां आग लगा दी, जिससे वह ऐसी जान पड़ती थी मानो वह विंध्य पर्वत की दावाग्नि हो अथवा 100 करोड़ सूर्य हो। बाल समूह पूछ में आग लगा लगा कर जहां तहां भाग गए और हनुमान जी छोटे हो फंदे से निकलकर फिर सुमेरु पर्वत से भी विशाल हो गए। तदनंतर खिलाड़ी हनुमान कूदकर सोने के कंगूरे पर चढ़ गए और वहां से उसी समय रावण के राजमहल पर चढ़कर खड़े हो गए। गोसाई जी कहते हैं उस समय वे आकाश में अपनी लंबी पूछ फैलाए हुए सुशोभित थे। उसको देखकर वीर लोग हर थर्रा जाते थे। उस समय वे काल के समान भयंकर हो गए। वे तेज के पुंजों से जान पड़ते थे।
मानो करोड़ों अग्नि और सूर्य हैं। उनके नख बड़े विकराल थे और वैसे ही मुख भी क्रोध से लाल हो रहा था। भयंकर ज्वालमाला के सहित विशाल पूछ ऐसी जान पड़ती थी मानो लंका को निगलने के लिए काल ने जीभ फैलाई है, अथवा मानो आकाश मार्ग में अनेकों धूम केतु भरे हैं, अथवा वीर रस रूपी वीर ने मानो तलवार निकाल ली है। गोसाई जी कहते हैं कि यह इंद्रधनुष है अथवा बिजली का समूह है। यह सुमेरु पर्वत से अग्नि की भारी नदी बह चली है। उसे देखकर राक्षस और राक्षसियां व्याकुल होकर कहती है, यह वन को तो उजाड़ चुका, अब नगर को और जलावेगा। जहां तहां आग की भभक को देखकर पुकार देते हैं, अरे भागो भागो, आग लग गई है, घर जल रहा है। अरे अभागो, माता पिता भाई बहन स्त्री बोझाई लड़के बच्चे कहाँ है। अरे गवार, भाग भाग, हाथी खोलो, घोड़ा खोलो, भैंस और बैल खोलो, तथा बकरियों को भी खोल दो, वह सोता है, उसे जगा दो। अरे जागो जागो, गोसाई जी कहते हैं कि इस दशा को देखकर राक्षसियां व्याकुल होकर अपने अपने पतियों से कहती है, हे प्रियतम, हमने बार बार कहा था कि इस बंदर के मुंह मत लगो। उस धधकते हुए अग्नि समूह को देख और लोगों का हाहाकार सुन रावण ने कहा, अरे इसे पकड़ो, इसे पकड़ो। यह सुनकर बहुत से बलवान योद्धा त्रिशूल, बरछी, फांसी, मजबूत डंडे और पानी भरे हुए बर्तन लिए दौड़े, और कुछ धीर लोगों ने धनुष बाण भी धारण कर रखे थे। श्री गोसाई जी कहते हैं कि लंका को यज्ञ कुंड समझो, और वहाँ की सामग्री लकड़ी है, तथा राक्षसगण सुपारी, जौ, तिल और धान है। हनुमान जी की पूछ स्त्रुवा है, बलवान शत्रु हवि है, और उच्च हाक रूपी स्वाहा मंत्र द्वारा हनुमान जी हवन कर रहे हैं। हनुमान जी धधकते हुए अग्नि समूह से सुशोभित हुए और बादल की भांति गरजे। इससे बड़े धीर वीर योद्धा भाग गए और रावण भी व्याकुल हो उठा और बोला, दौड़ो दौड़ो, इसे पकड़ लो। यह सुनकर राक्षसों की सेना दौड़ी मानो सावन का बादल जल बरसा रहा हो। वे योद्धा लोग आग की लपेटों की झपट से झुलसकर और वायु के झकोरों से घबराकर व्याकुल हो गए। इस प्रकार उस समय वहां भारी भगदड़ पड़ गई। रावण को भी मंत्री लोग धक्कों से ढकेलकर और जबरदस्ती ठेलकर ले चले और कहने लगे, हे नाथ, आग भयंकर है, इसमें बल नहीं चलेगा। हनुमान जी का बड़ा भयंकर वेश देख और उनका सिंह नाद सुन मेघनाथ उठा और रावण भी चिंता युक्त होकर बोला, इसने तो वेग में वायु को, प्रताप में करोड़ों सूर्य को, करालता में काल को और बढ़ाई, विशालता में भगवान वामन को भी पश्चाताप करते हुए कहने लगे, जिसका दूत ऐसा प्रचंड है वह स्वामी तो अभी आना बाकी ही है, भला राम के क्रोधित होने पर शिवाजी की भी कुशल कैसे हो सकती है। ऐसे बांके वीर से वैर भड़ाना व्यर्थ ही है। सब रानियां व्याकुल होकर पानी पानी चिल्लाती है और दौड़ी चली जा रही है। गज की सी चाल से ही उनकी गति पहचानने में आती है। वे वस्त्र लेना भूल गई है और मणि जटित आभूषणों को भी नहीं संभाल सकी है। उनके मुख सूख रहे हैं और वे कहती है, क्या किसी प्रकार भी कोई हमारी रक्षा करेगा। गोसाई जी कहते हैं, मंदोदरी हाथ मल मल कर और सिर धुन धुन कर कहती है कि अहो, कल मैंने कितना कहा, फिर भी किसी ने उस पर कान नहीं दिया। बेचारे विभीषण ने भी बार बार पुकार कर कहा कि यह मानर बड़ी भारी बला है और बहुत से घरों को चौपट कर देगा। वन को उजाड़ा तो उजाड़ा, उससे कुछ बिगाड़ नहीं हुआ था, किंतु ये बेचारे इस बंदर को उपवन से हठात बांध कर ले आए। उसे बिल्कुल निडर देख कर भी किसी ने कुछ विशेष नहीं समझा और ना कुल कुठार मेघना से कहकर किसी ने उसे छुड़ाया ही। मेरे छोटे बड़े सभी पुत्र अन्यायी हैं, ये सांपों से खिलवाड़ करते हैं और छुरे की धार में
अपनी गर्दने रखते हैं। गोसाई जी कहते हैं कि मंदोदरी रो रोकर अपने को क्षीण करती है और कहती है कि मैंने इस दाढ़ी जार मेघना से बार बार पुकार कर कहा, परंतु इसने मेरी एक बात न सुनी। रानिया सब जलती हुई घबराकर दौड़ी चली जाती है। वे केशरी नंदन हनुमान जी के विकराल वेश को देख नहीं सकती। रावण की स्त्रियां हाथ मलमल कर रह जाती हैं और सिर धुन धुन कर कहती हैं कि तिल भर वस्तु भी घर के बाहर नहीं हो सकी। सब असबाब जल गया, न मैंने ही निकाला और न तूने ही निकाला। सबको अपने अपने जी की पड़ी थी, घर आंगन कौन संभालता। मेघनाथ को देखकर मंदोदरी दुख पूर्वक क्रोधित होती है और कहती है कि इसी दाढ़ी जार का बोया हुआ सब काट रहे हैं। यदि यह इस बंदर को पकड़कर ना लाता तो ऐसी आफत क्यों आती। राक्षसियां जो रावण की रानियां थी बिलक बिलक कर कहती है, हाय हाय, कोई यह हाल 20 भुजा और 10 सिर वाले रावण को सुनावे। क्यों रे मेघनाथ, क्यों रे महोदर, तुम हमें धैर्य क्यों नहीं बनाते और अपने हाथों में आश्रय क्यों नहीं देते। क्यों रे अतिकाय, क्यों रे अकंपन, अरे अभागे गवारो, क्यों स्त्रियों को त्याग कर सास से भागे जाते हो। तुम लोगों ने व्यर्थ ही साल वृक्ष के समान बड़ी बड़ी भुजाएं भड़ा रखी है। अरे मूर्खो, इसी बल से रघुनाथ जी से वैर भड़ाया है। इस प्रकार हनुमान जी ने हाट बाट किले प्रकार अटारी घर दरवाजे और गली गली में दौड़ दौड़ कर भारी आग लगा दी। सब लोग आर्तनाद कर रहे हैं, कोई किसी को नहीं संभालता। सब लोग व्याकुल होकर जहां तहां भाग चले। हनुमान जी पूंछ को घुमाकर बार बार झाड़ते हैं, उससे बूंदिया की बाती चिंगारियां झड़ रही है। मानो लंका को पिघलाकर उसकी चाशनी में उस बूंदिया को पागेंगे। यह देखकर राक्षसियां व्याकुल होकर कहती है कि अब राक्षस लोग चित्र के वानर से भी नहीं भिड़ेंगे। आग लग गई, आग लग गई, ऐसा पुकारते हुए सब लोग जहां तहां भाग चले। ना माँ लड़की को संभालती है और ना पिता पुत्र को संभालता है। केश और वस्त्र खुल गए, सब लोग नंगे हो गए हैं और धुएं की धुंध से अंधे होकर लड़के बूढ़े सब बार बार पानी पानी पुकार रहे हैं। घोड़े हिनहिनाते हुए भागे जाते हैं, हाथी चिघार मारते हैं और जो बड़ी भारी भीड़ लगी हुई थी उसे धक्कों से ढकेलकर पैरों से कुचले डालते हैं। सब लोग नाम ले लेकर पुकार रहे हैं और अत्यंत बिलबिलाते तथा अकुलाते हुए कहते हैं, बाप रे बाप, आग की लपटों से तो झुलसे जाते हैं, तपे जाते हैं। दसों दिशाओं में ज्वालमालाओं की भयंकर लपटें फैल गई है। सब लोग धुएं से व्याकुल हो रहे हैं, उस धूम में कौन किसे पहचान सकता था। लोग पानी के लिए ललायत होकर बिल बिला रहे हैं, शरीर जला जाता है। सब लोग तबाह हुए जाते हैं और कहते हैं, भैया बचाओ, प्रिय तुम भागो, हे नाथ भागो, पिताजी पिताजी दौड़ो, अरे बेटा ओ बेटा भाग। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग व्याकुल और परेशान होकर कह रहे हैं, अरे 10 शीश रावण अब 200 आंखों से अपनी करतूत देख ले। हनुमान जी ऐसी शीघ्रता से घूम रहे हैं कि गली गली बाजार बाजार अटारी अटारी घर घर द्वार द्वार दीवार दीवार पर वानर ही दिखाई पड़ रहा है। ऊपर नीचे और दिशा विदिशाओं में वानर ही दिखता है। मानो वह वानर तीनों लोकों में भर गया है। आंख मूंदने से हृदय में और आंख खोलने से आगे खड़ा दिखाई देता है। जहां और किसी को पुकारते हैं वहां मानो हनुमान जी ही जा धमकते हैं। लो अब लो, पहले तो किसी ने हमारी शिक्षा नहीं मानी। इस प्रकार जिसे रोकते हैं वही 17 चिढ़ जाता है। कोई दौड़ लगाते हैं, कोई कहते हैं असबाब निकालो, कोई उमस से घबराकर पानी पीकर कहते हैं कि आते नहीं बनता, कोई बड़े संकट में पड़ गए हैं, कोई जलते ही निकाले जाते हैं, कोई खड़े खड़े देखते हैं और कहते हैं कि अग्नि बड़ी भयंकर है। तुलसीदास जी कहते हैं,
कोई कहते हैं कि हनुमान जी ने खूब हाथ लगाया, किंतु यह मूर्ख अब भी गाल बजाना नहीं छोड़ता। कोई कहता है अरे दौड़ो, अरे भुजाओ। दूसरा कहता है क्या तुम बावले हुए हो, यह कुछ और ही तरह की आग लगी है जिसे समुद्र और सावन का मेघ भी नहीं बुझा सकते। तब रावण ने क्रोधित होकर प्रलय काल के मेघों को बुलाया और वे रावण की आज्ञा से सब अपना दल बटोर कर दौड़ आए। उनसे लंकापति ने कहा अरे मेघो, जलती हुई लंकापुरी को शीघ्र बुझाओ और बंदर को बहाकर गंभीर जल में डुबाकर मार डालो। तब मेघों के स्वामी महाराज बहुत अच्छा ऐसा कहकर प्रणाम करके चल दिए और बार बार गरज गरज कर मूसलधार पानी बरसाने लगे, किंतु जल से अग्नि और भी प्रज्वलित हो गई और चपलता पूर्वक चौगुनी बढ़ गई। तुलसीदास जी कहते हैं तब सब मेघ घबराकर मुंह मोड़कर भागे। बादल इधर तो अग्नि की लपेटों से जले जाते हैं और उधर उनके शरीर गलानी से गले जाते हैं। सब मेघ शुष्क हो सकुचार पुकारने लगे, हम लोगों ने बारह सूर्य देखे, प्रलय का अग्नि देखा और कई बार शेष जी के मुख की ज्वाला देखी, परंतु कभी जल को घृत के समान हुआ नहीं सुना। यह महान आश्चर्य केशरी नंदन हनुमान जी ने कर दिखलाया। मेघों के वचन सुनकर मंत्री गण सिर धुनने लगे और रावण से बोले यह सब ईश्वर की प्रतिकूलता का विकार है। तब रावण ने कहा अग्नि वायु जल सूर्य हिमाचल यम काल और लोकपाल इंद्र अर्थात मेरे डर से डावाडोल रहते हैं, अर्थात कांपते रहते हैं। हमारे स्वामी श्री महादेव जी हैं, लक्ष्मीपति विष्णु भी हमसे सदा शंकित रहते हैं। मैंने साहसपूर्वक महान तपस्या करके ब्रह्मा जी को भी मोल ले लिया है, अर्थात वे भी मेरे प्रतिकूल नहीं जा सकते। तीनों लोकों में आज कोई दूसरा राजा विराजमान नहीं है, और तो क्या बाजे बाजे राजाओं के बेटा बेटी तक हमारे यहाँ ओल में गिरवी है। माल्यवान तुम्हारे वचन पागलों कैसे है, यह ईश्वर नाम का व्यक्ति कौन है जो मेरे जैसे शूरवीर के प्रतिकूल जा सकता है। तब माल्यवान कहने लगा पृथ्वी में जितने राजा हैं, पाताल लोक में जितने सर्पराज हैं, जितने स्वर्ग के अधिपति और लोकपाल हैं, और जितना वीरों का समाज है, हे राक्षसेश्वर उनमें से आज ऐसा कौन है जो मन से भी आपका अपकार करने की सोचे। किंतु यह अग्नि तो रामचंद्र जी का क्रोध है और वायु जानकी जी का श्वास है, और देखो वानर के रूप में यह ईश्वर की प्रतिकूलता ही है, वानर का तो बहाना मात्र है। इसी से जहाँ तुम्हारे समान शूर शिरोमणि बांका वीर मौजूद है, वही यह बार बार बलपूर्वक किसी प्रकार की शंका ना करता हुआ लंका को जला रहा है। अनेक प्रकार के पेय पदार्थ पकवान आचार सीधा चावल दाल अर्थात और अनेक प्रकार के धान बखार में ही जल रहे हैं। करोड़ों सोने के मुकुट पलंग पिटारे और सिंहासन निकालने में कहार लोग भार लिए हुए जल रहे हैं। प्रबल अग्नि के भड़ जाने से जो वस्तुएं जहां निकाल कर रखी वहीं जल गई, तथा अग्नि की झपट और लपट घर और भंडार में भर गई। गोसाई जी कहते हैं कि ना तो घर बचा और ना दीवार या बाजार ही बचा, हाथी हाथी खाने में और घोड़े घोड़े साल ही में जल गए। बाजार तथा राह में ढेर का ढेर सोना घी के समान पिघलकर बहने लगा। अग्नि के ताप से सोने की लंका रूपी कराही खदक रही है, उसमें बलवान राक्षस रूपी अनेक प्रकार की मिठाइयों को बड़े प्रेम से पाग कर खूब ढेर लगा दिया है, और अपने अग्नि रूपी पाहुने को वायु द्वारा परसवाकर हनुमान जी ने बड़े चाव से आदर पूर्वक भोजन कराया है। यह देखकर शत्रु की स्त्रियां गाली दे देकर कहती है अरे पागल, रावण ने श्री रामचंद्र जी के साथ वैर किया है,
विराट पुरुष के हृदय में रावण रूपी राजरोग भर रहा था, जिससे व्याकुल होकर वह दिनों दिन समस्त सुखों से हीन होता जाता था। देवता सिद्ध और मुनिगण अनेक प्रकार की औषधि करके हार गए, परंतु ना तो वह शोक रहित होता था ना कुछ भी चैन पाता था। तब श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से रसवैग हनुमान जी ने समुद्र के पार उतरकर और लंका रूपी शिकारे को ठीक करके राक्षस रूपी बूटियों के रस में लंका के सोने और रत्नों को यतन पूर्वक फूंक कर मृगांक एक प्रकार का रस औषधि विशेष बना डाला। जय श्री हरि। सीता जी से विदाई। फिर हनुमान जी ने लंका को जला और उसे धूम रहित कर अपनी पूछ को समुद्र में बूता श्री जानकी जी के चरणों में सिर नवाया और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए तथा कहने लगे, हे माता, कृपा कर कोई सही दानी चिन्ह दीजिए। यह सुनकर श्री जानकी जी ने आशीर्वाद दिया और अपनी सुंदर चूड़ामणि उतार कर उसे देते हुए कहा, भैया मैं तुमसे क्या कहूँ, हमारे दिन किस प्रकार कट रहे हैं, सो तो तुम देख ही जाते हो। तुम्हारे रहने से बड़ा सहारा था, उसे भी तुम तोड़कर चल दिए। गोसाई जी कहते हैं, जानकी जी के नेत्रों में जल भर आया और वाणी शिथिल हो गई। इस प्रकार सीता जी को व्याकुल देख हनुमान जी उन्हें विनय पूर्वक समझाते हुए कहने लगे, माता धैर्य धारण करो, आपको 6-7 दिन बीते कुछ मालूम न होंगे। अब शत्रु के नाश की अवधि थोड़ी ही रह गई है। भाई के सहित सूर्य कुल केतु श्री रामचंद्र जी वानर सेना एकत्रित कर समुद्र में पुल बांध यहाँ शीघ्र ही सकुशल पधारेंगे। इस प्रकार नम्र वचन कह जानकी जी को समझाकर हनुमान जी त्रिकुट पर्वत पर चढ़ गए और बड़े जोर से चिल्लाकर बोले, रावण रूप गजराज के लिए मृगराज तुल्य जानकी वल्लभ भगवान श्री राम की जय हो। ऐसा कहकर कपिराज श्री हनुमान जी वायु के आघात से समुद्र में हिलोरे उत्पन्न करते हुए समुद्र के उस पार कूद गए। साहसी वायु नंद ने समुद्र को लांग और लंका रूपी सिद्ध पीठ को जान उसने रात भर मसान सा जगाया है। उनके इस महान साहस को देख श्री जानकी जी जैसी देवी प्रसन्न हुई और उन्हें वरदान दिया। उस समय जामवान कहने लगे, वाटिका को उजाड़, अक्षय कुमार की सेना का संहार कर और फिर लंका को जलाकर भानुकुल भानु श्री रामचंद्र के प्रताप रूप सूर्य की किरण के समान लोक रूपी कमल और वान रूपी चक्रबाको को शोक रहित करते हनुमान जी आ गए। किलकारी के उच्च शब्द को सुनकर सब वानर और भालू आकाश की ओर देखने लगे और हनुमान जी को पहचान कर आनंदित और सचेत हो गए, मानो जहाज के साथ पाथिकों का समाज डूबता डूबता बच गया। वे सब आज अपना नया जन्म जान एक दूसरे से गले लगाकर मिलने लगे। जय जानकीश, जय जानकीश, जय लक्ष्मण जी, जय सुग्रीव। ऐसा कहते हुए वे कोतु की वानर कूदते हैं और समुद्र की रेती पर नाचते हैं। बलशाली अंगद, मयंद, नील, नल ये सब अपनी विशाल पूंछों को घुमाते हैं और अनेक प्रकार से मुंह बनाते हैं। अपने प्राणों की रक्षा करने वाले हनुमान जी को आया देख कोई उनसे गले लगाकर मिलते हैं, कोई चरण धूली लेते हैं, कोई पूछ चूमते हैं, कोई बार बार जानकी जी के समाचार पूछते हैं, जिन्हें कहने ही से हनुमान जी की सारी थकावट और व्यथा जाती रही। कोई हनुमान जी को भूखे जान उनके आगे कंद मूल फल लाकर रख देते हैं, कोई फूल तोड़कर हनुमान जी की बलशालिनी भुजाओं का पूजन करते हैं, कोई कहते हैं कि कृपा सिंधु सीता नाथ जिसके ऊपर अनुकूल है उसके सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। फिर वे सब श्री जानकी जी के प्रेम और शील की तथा लंका की कथा बड़े चाव से कहते हुए चले, जिससे क्षण मात्र में रास्ता समाप्त हो गया। किष्किंधा में पहुंचने पर युवराज अंगद ने कपि समाज को बुलाकर कहा, आज सब लोग फल खाओ,
यह सुनकर वे सबके सब बलपूर्वक मधुवन में घुस गए। उन्होंने जिन बागवानों को मारा वे पुकारते हुए दरबार में गए और शरीर में घाव दिखाकर कहने लगे कि युवराज अंगद ने बागों को उजाड़ दिया और हम लोगों को मारा। तब सुग्रीव ने कहा, तुलसी के स्वामी श्री रामचंद्र जी की शपथ है कि आज मेरे मन में बड़ा आनंद है। मालूम होता है मानरगढ़ कार्य कर आए हैं। जय श्री हरि। भगवान राम की उदारता। कुबेर की पूरी लंका स्वर्णमय होने के कारण सुमेरु के समान है। वह मानो ब्रह्मा की बुद्धि का कौशल ही बनकर खड़ा हो गया है। वहाँ राजसी तेज की खान 20 भुजाओं वाला रावण श्री महादेव जी को अपने मस्तक चढ़ाकर राजा हुआ। तुलसीदास जी कहते हैं, मानो तीनों लोकों की विभूति सामग्री और संपत्ति की राशि को एकत्रित कर यही चांक लगाकर सीमा बांध कर रख दी है तथा इसी का भूसा अर्थात सारा संसार बन गया। यह सारी संपत्ति वनवासी महाराज राम जी को समुद्र तट पर 3 दिन उपवास करने के बाद विभीषण को देते समय 1 दिन का दान हो गई। इस प्रकार सुंदर कांड संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। लंका कांड। राक्षसों की चिंता। लंका का दहा देखकर किसी का उत्साह नहीं रहा। पीछे सब मंत्रीगण प्रण पूर्वक पुकार पुकार कर कहने लगे, महाभयानक भालू और बड़े विशाल काय वानर बड़े बड़े पहाड़ लाकर समुद्र को तोप पाट देंगे। वे अत्यंत प्रबल पराक्रमी और दुर्दंड वीरों के भुजदंडों का खंडन कर और उनसे पृथ्वी को समलंकृत कर त्रिभुवन विजय रावण की मर्यादा का लोप कर देंगे। शिवजी और विष्णु भगवान के बचाने पर भी कोई नहीं बचेगा। यदि श्री रामचंद्र जी ने क्रोध किया तो उनसे युद्ध करने वाला भला कौन है। जय श्री हरि। त्रिजटा का आश्वासन। त्रिजटा राक्षसी तुलसीदास की स्वामिनी श्री जानकी जी से बार बार कहती है कि श्री रामचंद्र जी एक ही बाण से 7 समुद्रों को सोख लेंगे। वे राक्षस सेना का कुल सहित संहार कर गीदड़ों योगनियों और कालिकाओं के समूह को तृप्त करेंगे। वे डंके की चोट विभीषण को राज्य देकर उस पर अनुग्रह करेंगे। उस समय आकाश में बाजे बजने लगेंगे और देवता लोग प्रेम से पुष्ट हो जाएंगे। जब युद्ध क्षेत्र में श्री रघुनाथ जी कुपित होंगे तब भला रावण क्या चीज है। बेचारा मेघनाद भी किस गिनती में है और कीट तुल्य कुंभकर्ण भी क्या है। श्री जानकी जी विनय और प्रेम पूर्वक त्रिजटा से कहती है कि क्या आर्य पुत्र के कोई समाचार मिले। त्रिजटा बोली, हाँ जी पाए हैं। भानुकुल केतु श्री रामचंद्र समुद्र पर पुल बांधकर इस पार उतर आए। घोर राक्षस रावण के दूत यह सब देख देख कर आए हैं। उन लोगों के मुख मलिन हो गए हैं और वे बलहीन तथा दीन हो गए हैं। मानो 14 भुवन का राक्षस रूपी अंधकार मिटना और घटना चाहता है। इंद्र अर्थात लोकपाल रूप चक्रवाकों की शोक निर्वृति और वानर सेना रूप मूंदे हुए कमलों की प्रफुल्लता के लिए श्री राम रूप सूर्य के उदित होने में केवल 2 ही दंड घड़ी काल रह गया है। जय श्री हरि। झूलना। जिसने सुबाहु मारीच खर दूषण त्रिशरा और बाली के मारने में दूसरा बाण संधान नहीं किया उन्हीं श्री रघुनाथ जी से विधि की वामता के कारण पर स्त्री को ले आकर क्या रावण युद्ध ठान सकता है। तुलसीदास के स्वामी श्री रामचंद्र जी के और हनुमान जी के कार्यों का स्मरण करके घर घर रावण की बदनामी होती रहती है तथा समुद्र बांधने का समाचार सुनकर सब लोग व्याकुल हो गए हैं। लंका जैसे विकट गांड में निवास करते और रावण जैसे दुर्दांत शासक के रहते हुए भी लंका में कोई पकाया हुआ भात नहीं खाता क्योंकि उन्हें हर समय आग लगने का भय बना रहता है। लंकापुरी में रहने वाले नर नारी कहते हैं, 1000 भुजाओं वाले शस्त्रार्जुन को मारने वाले परशुराम जैसे विश्व विजय वीर भी इन रघुनाथ जी के सामने
निहत्थे हो गए। देखो इस पागल रावण ने अपने मामा माल्यवान की भी शिक्षा नहीं मानी। तो तुलसीदास कहते हैं, क्या हनुमान जी ने लंका को नहीं चलाया? यदि यह श्री रघुनाथ जी से मेल कर ले तो अब भी अच्छा है, नहीं तो फिर मालूम हो जाएगा कि कौन हाथी है और कौन सिंहा है। इस रावण की कीर्ति बड़ी है, करनी बड़ी है और जनता में बात भी बड़ी है, परंतु यह है बड़ा बजारी बकवादी। जय श्री हरि। समुद्रोत्तरण। जब सेतु बांधते समय पत्थर नाव के समान हो गए, तब वानर लोग समुद्र पार उतर आए और रामचंद्र जी की जय कहने लगे। गोसाई जी कहते हैं, वे सब हाथों में पर्वत और शिलाएं लिए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे ज्वार आने पर समुद्र सुशोभित होता है। वे बड़ा क्रोध करके श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का पालन करते हैं। खेल ही से कूद कर लंका गढ़ पर चढ़ गए, मानो एक ही पल में युद्ध में चतुरंगड़ी सेना को नष्ट कर दुष्ट रावण की सुदृढ़ हड्डियों की मरम्मत कर डालेंगे। बहुत से बड़े बड़े भयंकर वानर और भालू इस प्रकार दौड़े, मानो अनेक वेश धारण किए काल ही क्रोधित हो दौड़ रहा हो। कोई शिला, कोई पर्वत, कोई शाल, कोई ताड़ और कोई तमाल के वृक्ष तोड़ लाए और समुद्र को तोपने लगे। यह देखकर देव समाज हर्षित हुआ। दिशाओं के हाथी डोलने लगे, कश्यप और बारह कलमला गए, पहाड़ कांपने लगे और शेष रब गए। गोसाई जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी की दुहाई देकर सब वानर तमक कर चलते हैं। भला ऐसा कौन है जो उस क्रोध भरे कपि कटक को रोक सके? शुक और सारण वानर सेना देखकर लौट आए हैं। उनके शरीर कपि कटक का ख्याल करते ही पुलकित हो गए। बुलाकर पूछने पर वे कहने लगे, महाबलवान वानर और विशाल भालू काल के समान भयंकर है। वे ना जाने कहाँ रहते हैं और पृथ्वी में कहाँ समाएंगे। श्री रामचंद्र का प्रताप सुनकर रावण हंसा। गोसाई जी कहते हैं, डर से उसका मुंह सूख गया है, किंतु वह उसे हंसकर छिपाता है। श्री रामचंद्र जी से वैर करने से तो ब्रह्मा विष्णु और शिव का भी अहित होता है। सबकी भलाई तो महाराज राम की कृपा में ही है। जय श्री हरि। अंगद जी का दूतत्व। लंका में युवराज अंगद जी के आने पर वहां चारों ओर यही शोर हो गया कि वही लंका जलाने वाला वानर फिर आ गया। वही वानर फिर आ गया। कोई असबाब निकालने लगे और कोई दौड़ने और कहने लगे कि भाई बड़ा बुरा हुआ, न जाने अब क्या होगा। इस प्रकार वीर समाज में बड़ी चिंता हो गई। जब कपिराज अंगद श्री रामचंद्र जी की दुहाई देकर गरजे तो राक्षसों ने कान मूंद लिए, मानो बिजली कड़की हो। वे लोग हनुमान जी को स्मरण कर डर के मारे सूख गए और ऐसे छिपने लगे जैसे बाज के झपटने पर लवा पक्षी छिप जाता है। तुलसीदास जी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के बल पर बाली पुत्र अंगद उस रावण को कुछ नहीं समझते और कड़ी कड़ी बातें कहते हैं कि आज शिव जी की दी हुई संपत्ति नष्ट होती दिखाई देती है, इससे तुम क्रोधित क्यों होते हो? मैं तो तुम्हारे हित की ही बात कहता हूँ। हे रावण सुनो, हमारे स्वामी के साथ के बंदर जब गढ़ के मकानों पर और कोट के सुदृढ़ कंगूरों पर चढ़ जाएंगे और क्रोधित होकर जरा भी धक्का देंगे तो सब ढेलों की डेरी के समान ढह जाएंगे, और उन्होंने लंका में हाथ डाला तो वह हथेली के समान सपाट चौपट हो जाएगी। देखो उन्होंने दूषण विराध खर त्रिशिरा और कबंद को मारा, बड़े विशाल ताड़ों का भी एक ही बाण से छेदन किया। ये सब उनके कल के ही कौतुक एक ही बाण के अधीन हो गया। हम तेरे हित की बात कहते हैं, परंतु जरा भी भय ना मानता सो मेरा क्या जाएगा? तू ही अपनी कुचाल का फल पावेगा। जो वीर रूपी गजराजों के लिए सिंह के समान है, उन कुठार पाड़ी परशुराम जी ने भी जिनसे हार मान ली, अरे नीच उनके सामने तेरी क्या चल सकती है? तेरे जैसों को पासंग के बराबर भी कौन गिनता है? अरे दस कंध मैं तुझसे कहता हूँ,
तो भूलकर भी रघुनाथ जी से विरोध न करना। महाबली बाली और खर दूषण अर्थात जो वीर दीवार पर दौड़े वही गिर पड़े। तेरी भी ऐसी ही दशा होने वाली है, नहीं तो यदि सुख चाहता है तो जानकी जी को लेकर मिल। अरे श्री रामचंद्र के क्रोध से सैकड़ों ब्रह्मा विष्णु और शिव भी रक्षा नहीं कर सकते। तू निशाचरों का महाराज है और मैं रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का सेवक हूँ। अपनी गली में तो कुत्ता भी बलवान होता है, तुमको मेरे सामने गाल बजाते लाज नहीं आती। यदि मैं श्री रामचंद्र जी की आज्ञा भंग से न डरता तो तुम्हारी 200 भुजाओं और 10 सिरों को उतार लेता, जैसे सिंह गजराज का दलन करता है। वैसे ही यदि युद्ध क्षेत्र में मैं तुम्हारी सेना का दलन करूं, तभी तुम मुझे बालिका बालक जानना। कौशलराज, श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए आज मैं त्रिकुट पर्वत को जिस पर लंका बसी हुई है उखाड़कर समुद्र में डुबा दे सकता हूँ। लंका तो क्या सारे ब्रह्मांड को अपने दोनों प्रचंड भुजदंडों की चपेट से दबाकर चटका से फोड़ दे सकता हूँ। यदि मैं आज्ञा भंग से ना डरता तो तुम्हारे सब सभासदों को मुंह के दांतों को तोड़ डालूंगा। तब अंगद जी ने अत्यंत क्रुद्ध हो सभा में पांव रोक दिया। इससे समस्त लंका सशंकित हो गई और उसमें सब और शोर मच गया। मेघनाथ जैसे वीर तमक और ललकार कर उठे और हार कर बैठ गए। सारी राक्षसी सेना भी पचमरी, परंतु पैर ना टला। वह सुमेरु पर्वत से भी भारी हो गया, मानो उसे ब्रह्मा ने पृथ्वी के साथ ही रचा हो। गोसाई जी कहते हैं, सब वीर प्रशंसा करने लगे कि संसार में एकमात्र बलशाली बाली पुत्र अंगद ही है। अंगद जी ने श्री रामचंद्र जी के बल को विचार कर प्राण पूर्वक पैर रोपा। वीरगण जुट कर उसे उठाने लगे, परंतु वह टस से मस नहीं होता। पृथ्वी तक ने धैर्य छोड़ दिया जो धैर्य के लिए प्रसिद्ध है। पर्वत धसकने लगे, परम धैर्यवान शेष जी भी उनका भार नहीं सह सके। बाली के पुत्र महाबली अंगद जी के दबाने से पृथ्वी कांप गई, समुद्र उछल पड़ा और मेरु पर्वत फटने लगा। कमठ के कठोर पीठ में जो मंदराचल का गठा पड़ा है वही काम आया, अर्थात उससे वेदना कम हुई तो भी भार के कारण कलेजा तो कसकने ही लगा। जय श्री हरि। रावण और मंदोदरी। स्वर्णगिरी के शिखर पर चढ़कर वानरी सेना को देखने पर मंदोदरी अत्यंत भयभीत होकर कहने लगी, सहस्त्र बाहु रूपी मत गजराज के लिए रण में केसरी के समान परशुराम जी का गर्व जिनको देखकर जाता रहा, वे श्री रामचंद्र जी रणभूमि में बड़े ही प्रबल हैं। देखो उन्होंने खेल ही में बलशाली बाली को जीत लिया। हे कंत, तुम दांतों में तिनका दबाकर मैं श्री रामचंद्र जी की शरण हूँ ऐसा कहते हुए अब भी जानकी को ले जाकर सौंप दो। अरे नीची, जिसने मारीच को विचलित कर अर्थात बिना फल के बाण से समुद्र के पार फेंक कर ताड़का को मार डाला, शिवजी के धनुष को तोड़कर सबको सुख दिया और फिर 14,000 राक्षसों सहित खर दूषण को यमलोक भेज दिया, उसे तूने तब भी नहीं पहचाना। हे स्वामी, मैं जो सलाह देती हूँ सो सुनो। भगवान से विमुख होकर भला बाली ने भी कौन सा फल पाया? तुम्हारे 200 बाहु और 10 सिर तो तभी नष्ट हो गए जब तुमने शिवजी के स्वामी से वैर किया। कल की ही बात है, उन्होंने बाली को मार समुद्र में पत्थरों की नाव बना दिया। हे स्वामी, तो भी तुमने भगवान को नहीं पहचाना, जिनके साथ काल के समान भयंकर बहुत से रीछ और वानर वीर वृक्ष तथा ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंग लिए हुए हैं तथा जो राज छत्र गिराने के ब्याज से तुम्हारे 10 सिर छेदन कर चुके हैं, वे तुलसीदास के प्रभु कौशलेश्वर भगवान राम आ गए हैं। हे स्वामी, सुनिए, शिव जी की इस देन को नष्ट ना कीजिए। जानकी जी के दे देने से अब भी कुल की कुशल हो सकती है। उनकी सेना के वानरों की गणना कौन कर सकता है? उन्हें अरबों महाबली वीर हनुमान ही जानो। जब श्री रामचंद्र जी क्रोधित होकर बाण चलाएंगे
तब तुम दसों दिशाओं को भूल जाओगे और तुम्हारे मस्तक डोलने लगेंगे। बाली ने भी तो मन में ऐसा ही अभिमान किया था, किंतु इन्होंने उसे मार चौपट कर यमराज की घानी में दे दिया। मंदोदरी कहती है, हे रावण, मेरी सलाह सुनो। शीघ्र ही महारानी जानकी जी को ले जाकर दे दो। तुम्हारा प्रबल शत्रु, जिसका दूत एक मानर तुम्हारे वन को उजाड़, नगर को जला और पुत्र को मारकर कुशल पूर्वक चला गया, और दूसरे दूत ने जब प्रण करके सभा में क्रोध किया तो सबको नीचा दिखा दिया और गर्भ चूर्ण कर दिया। गोसाई जी कहते हैं, मंदोदरी भयभीत होकर कहने लगी, हे मंदमती स्वामी, मेरी सलाह सुनिए। जब तक बड़े यशस्वी वीरवर दशरथ नंदन रण में क्रोधित नहीं होते, तब तक तुम शीघ्र उनसे मिलो। तुमने एक मानर का बल तो अपनी आंखों से देख लिया, उसने अकेले ही वन को उजाड़ डाला, अक्षय कुमार को मारकर उसकी सेना को चूर्ण कर दिया और नगर में आग लगा दी। तुम्हारे रहते हुए ही दूसरे वानर अंगद ने राक्षस मंडली में क्रोध करके पैर रोप दिया, यह जो किसी से नहीं हिला, तुलसी के स्वामी श्री रामचंद्र का ही प्रभाव था। हे नाथ, हमारी सम्मति सुनो, कुल के नाश से अनंत हानि ही है। अंतः अब अपने चित से अपनी 20 भुजाओं का भरोसा त्याग दो, और जब तक श्री रामचंद्र धनुष ना चढ़ावे और क्रोधित होकर दसों मस्तकों को छेदन करने वाला बाण ना निकाले, तब तक शीघ्र ही उनसे मिल जाओ। उनके दूत बांके वीर पवन पुत्र को तुमने देखा, जो लंका जैसे दुर्गम गण को धक्के से ढकेलकर ही ढा गया। बलशाली बाली का पुत्र अंगद तो कल ही बड़ी फुर्ती से क्रोध पूर्वक चरण रोककर तथा तुम्हारा दर्प चूर्ण कर तुम्हारी सेना का उत्साह देख गया। अब वे ही श्री रघुनाथ जी वानरों को साथ लिए समुद्र को बांध कर आए हैं। सो हे नाथ, यदि इस समय तुम भागोगे तो तुम्हें खरोच कर धूल फांकनी पड़ेगी। इसलिए अहंकार को छोड़कर और मिलने की तैयारी कर जानकी जी को दे दो, नहीं तो हे प्रिय, तुम बर्बाद हो जाओगे। देखो, जिसे अपार समुद्र को पार करते देरी नहीं लगी, वह केसरी कुमार हनुमान यहाँ आकर अदृढ़या के समान तुम्हें दंड दे गया। उसने बाघ को उजाड़ तथा अक्षय कुमार एवं अन्य रक्षकों को मारकर तुम्हारे बड़े बड़े वीरों को चावल की तरह कूट गया, और आज तुम्हारे रहते रहते अंगद क्रोध पूर्वक अपने पैर को रोप सबको थोथे बलहीन करके छोड़ गया। हे प्रिय, कहने की तुमको लाज नहीं है, तुम अब भी बाज नहीं आते। आज अंगद सारे गण को समाज सहित रान के घर के समान घूम घूम कर देख गया, जिसके क्रोध रूपी दुसह त्रिदोष के दहा द्वारा नष्ट कर दिए जाने से संसार में खोजने पर भी क्षत्रियो का पता नहीं लगता था। हे नाथ, जरा हृदय में सोच कर देखिए, महिष्मती पुरी का राजा साहसी सहस्त्रबाहु रण में कैसा समर्थ था, किंतु हे महाराज, वह सहस्त्रबाहु रूपी महान जहाज अपने समाज सहित जिस परशुराम के बल रूपी समुद्र की हिलोर में ही डूब गया, वही परशुराम जी धनुष टूटने पर श्री रामचंद्र से कुछ टेढ़े होते ही क्षण भर में बिना ना प्रतिष्ठा के हो गए, अथवा उनकी स्वर्ग प्राप्ति रुक गई। ये राजाओं का संहार करने वाले हैं तथा पृथ्वी को कई बार निहक्षत्रिय कर चुके हैं। इनके हाथ में कठिन कुठार रहता है और इनका वीरों का सा स्वभाव है। यह जानकर भगवान श्री राम ने राजाओं तथा लोकपालों पर अत्यंत कृपा परवश हो मन में यह अनुमान किया कि जिस समय इनका परशुराम जी के साथ धनुष युद्ध होगा, उस समय इन लोगों की क्या दशा होगी, और यह देखकर कि पिनाक के बहाने को लेकर इनकी नाक सिकुड़ गई है, परशुराम जी के परलोक स्वर्ग प्राप्ति को रोक दिया और संसार के भारी भ्रम को कि उनका सामना करने वाला संसार में कोई नहीं है, मिटा दिया। हे प्रिय, उन्हीं श्री रामचंद्र जी को ईश्वर जानकर अपने दसों सिर पृथ्वी पर रखकर और 200 हाथ जोड़कर मिलो। मामा जी, मारिच ने सलाह दी, विभीषण ने भी बार बार कहा, और हे प्रिय, मैं भी अंचल
पसार कर बार बार तुम्हारे पैरों पड़ी और भगवान से विरोध न करने के लिए प्रार्थना की, हे नाथ, जनकपुर में परशुराम जी की क्या गति हुई सो प्रकट ही है। अंतः यह सोचकर कि पहले उनसे वैर ठाना, उनकी शरण कैसे जाऊं, आपको संकोच न करना चाहिए। उन्होंने समय पर जैसा अवसर आ पड़ा वैसे ही चतुराई कर ली, अर्थात रामचंद्र जी के शरण हो गए। जयंत विराध खर दूषण कबंध और बाली किसी का भी श्री रामचंद्र जी से वैर करके पूरा नहीं पड़ा। हे स्वामी, अपने कुविचारों का फल बीसों आंखों से देख लो कि कपी ने खेल ही में लंका को किसी अनाथ बेवा की झोपड़ी के समान जला दिया। श्री रामचंद्र जी से मेल करने में ही सदा भलाई है, ऐसे सुगम कार्य को कठिन ना बनाइए। हे प्रिय, मैं अपनी समझ कहती हूँ, इसे भली भांति समझ लीजिए कि यह स्थान युद्ध करने का नहीं किंतु युद्ध से हटने का ही है। हे नाथ, आपने भृगुनाथ परशुराम जी की भी कथा सुन ही ली, बलवान बाली बात के पीछे बर्बाद हो गए, आपका भाई विभीषण भी उनसे जा मिला। हे स्वामी, सुनती हूँ अब उन्होंने समुद्र के किनारे पहुंचकर पड़ाव डाल दिया है। हे नाथ, वायु पुत्र हनुमान वानर और भालुओं की सेना की रक्षा के लिए यम और कराल काल की भी चौकसी करने वाला है। वह लंका जैसे महाविकट और दुर्गम गढ़ को ढाने और जलाने में बड़ा उत्पाती है। निशाचरों की सेना रूप तीतरों के समूह का नाश करने के लिए वह बड़ा भारी बाज है। हे नाथ, अब रघुनाथ जी से मिलने ही में भला है, निशाचरों की सेना हृदय में थरा गई है। जय श्री हरि। राक्षस वानर संग्राम। तब रावण ने क्रोधित होकर युद्ध के लिए बड़े यशस्वी वीरों को बुलाया जो युद्ध की तैयारी की सारी रीति जानते थे। चतुरंगड़ी सेना ने प्रस्थान किया, बड़े तपाक से नगाड़े बजने लगे। उस समय राक्षस राज रावण की सेना सराहने योग्य थी। गोसाई जी कहते हैं उस सेना को देखकर वानर और भालू किलकारी मारने लगे, जैसे कंगाल सुंदर अनकी परोसी हुई पत्तल देखकर ललचाते हैं। श्री रामचंद्र जी का इशारा पाकर हनुमान जी हर्षित हुए, मानो खिलाड़ी शिकारी ने बाज की टोपी खोल दी, अर्थात उसे शिकार के लिए स्वतंत्रता दे दी। धीर रावण के महाबली वीरों का दल कवच और गज कहा हाथियों की झूल सजाकर उत्साह पूर्वक चला। यहाँ मेरु और मंदर पर्वत के समान विशाल वानर और भालुओं ने समुद्र के किनारे के पर्वत और शाल वृक्ष उखाड़ लिए। गोसाई जी कहते हैं फिर दोनों दल क्रोधित हो तमककर एक दूसरे की ओर ताककर भारी युद्ध में भिड़ गए। सेनापति लोग अपने अपने दल के वीरों की सराहना करने लगे। झुंड के झुंड रुंड बिना सिर के धड़ झूम झूम कर झुकरे से परस्पर क्रोध हुए से नाचने लगे और श्री रामचंद्र के वीर युद्ध में सुमार कठिन मार मारने लगे। जिनके मन में बड़ा गर्व था और रण में जिनका शरीर कभी ढीला नहीं हुआ था, ऐसे चुने हुए छवीले छैल हरिण के समान तेज भागने वाले एवं सुंदर रंग वाले घोड़ों को सजाकर सवार हुए। गोसाई जी कहते हैं कि जैसे हाथी को देखकर सिंह झपटता है, उसी प्रकार हनुमान जी लिलहाई से सब वीरों को झपटकर पटकने लगे और वे घूम घूम कर पृथ्वी पर गिरने तथा कराहने लगे। इस प्रकार हटीले हनुमान जी ललकार ललकार कर राक्षसों का वध करने लगे। बड़े बड़े सजीले वीर सुंदर घोड़ों को सजाकर और तीखे भाले धारण कर घोड़ों की बागडोर छोड़कर अथवा मिलाकर बराबर बराबर चले। उनकी बड़ी बड़ी भरी हुई मांसल भुजाएं और भारी शरीर है, वे सब प्रकार बली विजय और सुहावने मालूम होते हैं। गोसाई जी कहते हैं जिनके दौड़ने से पृथ्वी कांपने लगती है
और कठिन धक्कों से पर्वत डोलने लगते हैं। ऐसे रण में तीक्ष्ण लाखों वीरों को युद्ध भूमि में लक्ष्मण जी ने इस प्रकार पराभव करके नष्ट कर दिया, जैसे कोई दानी पुरुष बहुत सी संपत्ति दान कर दरिद्रता को नष्ट कर देता है। वानर और भालू पर्वतों को लेकर इस प्रकार चले मानो सावन की घटा गिर आई हो। गोसाई जी कहते हैं कि उधर देवताओं का नाश करने वाले रावण के प्रचंड वीर भी झुंड के झुंड क्रुद्ध होकर झपटने लगे। हट पूर्वक वैर भड़ाने वाले रावण के बहुत से यशस्वी वीर जो मैदान में अड़े थे वे एक दूसरे से भिड़ गए और टालने से भी नहीं टलते थे। इस प्रकार श्री रामचंद्र और रावण के वीरों में उपरा उपरी करके युद्ध स्थल में खूब लड़ाई छिड़ गई। राक्षस रावण के वीर तीर बरछी और सेलों के समूह फेंक फेंक कर मारते हैं और इधर से ताड़ और तमाल के वृक्ष तथा पर्वतों के बड़े बड़े पैने टुकड़े चलते हैं। गोसाई जी कहते हैं कि सब वीर सिंहनाद करके भिड़ गए। उनमें जो शूर थे वे तो तलवारों के बीच में धंस गए और कायर खिसक गए। वानरगढ़ नख और दांतों से भुजदंडों को विदीर्ण करते हैं और भूमि पर पड़े हुए मुंड एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं। हनुमान जी राक्षस रूपी मतवाले हाथियों के समूह का नाश करते हुए सिंहा के समान युद्ध करते हैं। वे झपटकर करोड़ों वीरों को पृथ्वी पर पटक कर गरजते हैं और श्री रामचंद्र जी की दुहाई देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि उधर से रावण हाँक देता है, जिसे सुनकर रामचंद्र जी के पक्ष के वीर अचेत हो जाते हैं। उस हाक को सुनकर कौन ऐसा है जो धैर्य धारण कर सके। यशस्वी वीर वायु नंदन युद्ध भूमि में भिड़ गए, जो इस समय काल को भी काल से दिख पड़ते हैं। जिन विशाल वीर निशाचरों को विकराल समझकर काल ने भी नहीं खाया, उन रणकर्ष बलवानों को केसरी किशोर ने अपने दावों में पड़े पाया और उन्हें ललकार कर हठी हनुमान जी ने आकाश की ओर देखते हुए पूंछ में लपेट कर फेंक दिया। उनके शरीर सूख गए और बवंडर में पड़ने से आकाश में चले जा रहे हैं, लौटकर पृथ्वी पर नहीं आते। जो रावण शिव जी को पर्वत कैलाश को 200 भुजाओं से उठाकर सचंदता पूर्वक खेलने वाला था, जिसके भारी साहस को सुनकर लोकपाल दिक्पाल दैत्य और देवगण सभी डर गए थे, जो बड़ा यशस्वी और बलशाली वीर था तथा जिसकी कीर्ति तथा आज भी जगत में गाई जाती है, उसी रावण को हनुमान जी ने मुक्के से मारा तो जैसे वज्र के प्रहार से पर्वत गिर जाता है, उसी प्रकार गिर गया। जिनके महाप्रचंड भुजदंड दुर्ग किले से भी दुर्गम और पहाड़ से भी विशाल है, जो लाखों में प्रबल है और जिनका तेज बड़ा तीक्ष्ण है तथा जो शूर समाज में बिजली के समान गिने जाते हैं, उन रण बांकुरे प्रसिद्ध पराक्रमी निशाचरों को हठी हनुमान जी ने प्रचार कर मारा है और जो वीर बहुत चोट खाए हुए घूम रहे हैं, उनको श्री रामचंद्र जी नाम ले लेकर अपने भाई लक्ष्मण जी को दिखला रहे हैं। हाथियों से हाथियों को मार डाला है, घोड़ों से घोड़ों को संहार कर दिया और रथों से मजबूत रथ को टकराकर तोड़ डाला। हनुमान जी की चंचल चपेट, लातों की चोट और चुटकी काटना देखकर निशाचरों की सेनाएं घबरा गई और चक्कर खाकर गिरने लगी। श्री राम बार बार अपने सेवक की सराहना करते हुए कहते हैं, लक्ष्मण तनिक हनुमान जी का युद्ध कौशल तो देखो, उनकी लंबी पूछ कैसे शोभ्यमान है, जिसमें लपेट लपेट कर वे राक्षस वीरों को पटक रहे हैं। गोसाई जी भी अपने सुजान स्वामी की सेवक वत्सलता की रीति की सराहना करते हैं। उन्होंने किसी को चुपके से दबोच डाला, किसी को समुद्र में डुबा दिया, किसी को पृथ्वी में गाड़ दिया, किसी को आकाश में उड़ा दिया, किसी को हाथ पकड़कर पछाड़ दिया, किसी के पैर उखाड़ लिए, किसी को चीर पार डाला और किसी को लात से मसलकर मार दिया। गोसाई जी कहते हैं कि उन्हें देखकर श्री राम और रावण देवगण ब्रह्मा विष्णु शिव और चंडी मन ही मन प्रशंसा कर रही है। हनुमान जी ने बड़े बड़े यशस्वी वीर और बलवान निशाचर सेनापतियों को मार डाला। तब जिनकी भुजदंड बड़े उदंड है, ऐसे बहुत से प्रबल और प्रचंड राक्षस वीर दौड़े और उन्होंने हनुमान जी को घेर लिया।
किंतु महाबल राशि वीर हनुमान जी सिंहा के समान गरजकर उन वीरों को लांगुल घुमा घुमा कर जहाँ तहाँ पटकने लगे। उन्होंने मारे लातों के राक्षसों के अंग प्रत्यंग तोड़ डाले। वे गिड़गिड़ाते हुए भागे जाते हैं और श्री रामचंद्र की दुहाई देकर कहते हैं कि हे तुलसीदास के स्वामी हनुमान, हमारी रक्षा करो। वीर ठोर ठोर पड़े करहा करहा कर उठते हैं। उन्हें देख देख कर शिवजी और सिद्धगण ठाका मारकर हंसने लगे। जिसकी बाकी वीरता को सुनकर वीर लोग भय खाते हैं। जिसकी लगाई हुई आज से आज भी लंका लहासी मालूम होती है, वही बाके बाने वाले बलवान हनुमान जी निशाचरों की सेना को देखकर उसकी थांसी लेते चले। उस समय अकंपन रावण का पुत्र कांपने लगा। अतिकाय रावण के पुत्र का शरीर सूख गया और कुंभकर्ण भी आकर आहासी लेकर पड़ रहा। जैसे गजराजों को देखकर सिंगा दौड़ता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के वीर साहसी पवन पुत्र हनुमान जी उन्हें देखते ही गरजकर दौड़े। जय श्री हरि। झूलना जो उन्मत्त वीरों में शिरोमणि रावण के साहसी रूपी शैल शिखर को विदीर्ण करने के लिए मानो वज्र की टांकी है, उन हनुमान जी की भयंकर ललकार को सुनकर दिक्पाल दांतों से पृथ्वी को दबाकर चिकारने लगते हैं। कच्छप और शेष जी भय के मारे सिकुड़ जाते हैं और शिव जी भी संदेह में पड़ जाते हैं। पृथ्वी तथा सुमेरु विचलित हो जाते हैं। सातों समुद्र उछलने लगते हैं। ब्रह्मा जी व्याकुल तथा बधिर होकर दिशा विदिशाओं को झांकने लगते हैं और घर घर में निशाचरों की स्त्रियों के गर्भपात होने लगते हैं। किसकी हाक पर ब्रह्मा और शिव जी चौंक उठते हैं और सूर्य थकित होकर फिर अपने रथ के घोड़ों को हाँकते हैं। किसके तेज की भयंकरता को देखकर भीमसेन जैसे बलसीम वीर भी हाथों से नेत्र मूंद लेते हैं। बुद्धिमान लोग तुलसीदास के स्वामी हनुमान जी के यश का गान करते हुए कहते हैं कि उन्होंने अच्छे अच्छे कीर्तिशाली वीर शत्रुओं पर धाक जमा ली। कोई बतलावे तो सही कि हनुमान जी के समान बाकर वीर आकाश मनुष्य लोक और पाताल में कहा है। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड को देखकर सिंह पर्वत पर से उन पर टूट पड़ता है, वैसे ही राक्षसों के समूह को देखकर हनुमान जी उन पर झपट पड़े। चपतों की विकट चोट से और पांव पड़कर पृथ्वी पर पछाड़ने से सब वीर निहाशेष हो गए और सबका बल जाता रहा। गोसाई जी कहते हैं कि वीरों के पृथ्वी पर गिरने से पृथ्वी धड़कने लगी और वीरों को गिरते गिरते सियारों ने इस प्रकार लूट लिया जैसे उठती हुई टैठ को लुटेरे लूट लेते हैं। श्री रामचंद्र जी के धीर वीर रणबांकुरे हनुमान जी ने ललकार ललकार कर सारी सेना की कुंदी कर दी। जय श्री हरि। छप्पे वे कहीं तो वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर शत्रु सेना पर बरसाते हैं, कहीं घोड़े से घोड़े को मसल डालते हैं और कहीं हाथियों को घसीट घसीट कर मारते हैं। उनके लात और थप्पड़ के चोट शत्रुओं की छाती और सिर पर बसती है। वे वीरवर उस कठिन सेना का संहार करते हुए मेघ के समान गरजते हैं। योद्धाओं को पूछ में लपेटकर पृथ्वी पर पटकते हुए वे जय राम उच्चारण करते हैं। इस प्रकार तुलसीदास के प्रभु पवन कुमार हनुमान जी क्रोधित होकर अविचल युद्ध लीला करते हैं। लक्ष्मण जी के द्वारा मारे हुए रावण के लाखों वीरों का अंग अंग घायल हो गया, जिससे वे फूले हुए सुंदर पलाश के समान मालूम होते हैं। और कुछ वीरों को हनुमान जी ने मारकर पछाड़कर उनके प्रबल भुजदंडों को उखाड़कर विदीर्ण कर तथा खंड खंड करके डाल दिया। कबंदों के झुंड बन बन शब्द करते कूदते फिरते हैं और दौड़ दौड़ कर मानो श्री रामचंद्र के बाणों की शीघ्रता दिखाते हैं। गोसाई जी कहते हैं कि उस समय शिव ब्रह्मा आठों लोकपाल और अन्य देवगण भी विमानों पर चढ़े रणभूमि का तमाशा देखते हैं। जहां तहां लोथो से लोह की धाराएं बह चली मानो पर्वतों से गोरू के झरने झर रहे हैं। लोहू की भयंकर नदी बहने लगी। हाथी उस नदी के भारी करारे हैं और घोड़े गिरते हुए ऐसे मालूम होते हैं
मानो किनारे के वृक्ष जड़ सहित उखड़कर पड़ रहे हैं। वीरों के शरीर उस नदी के बड़े बड़े जल जंतु है। उस दृश्य को देखकर शूरवीरों को तो बड़ा उत्साह होता है, किंतु निकम्मे और कायर लोग डरते हैं। सियार चिल्ला चिल्ला कर पेट फाड़ फाड़ कर खाते हैं और कोए गृध्र अर्थात बालकों के समान कोलाहल कर रहे हैं। कंधे पर पेट की पचोनी की झोली लिए अंतड़ियों की सेलही गंडा बांधे और खोपड़ी के कमंडलू को खुरचकर खप्पर बनाए जटाधारी जोगिनियों के झुंड के झुंड तपस्विनियों की भांति समर रूपी नदी में स्नान कर किनारे किनारे बैठी है। वे गूदे मांस को रुधिर से सान सान कर सत्तू के समान खा रही है और कोई कोई प्रेत उसे घोल घोल कर पी जाते हैं। गोसाई जी कहते हैं कि भूतनाथ भैरव भूत और वेतालों को साथ लिए उनकी ओर देख देख कर हाथ से हाथ मिला हंस रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के धनुष से छूटकर बाण रावण के शरीर में अटकते नहीं, अस्थि पंजर को फोड़कर निकल जाते हैं, तो भी धीर रावण इस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनता। यह देखकर जोगनिया हाथ में खप्पर लेकर रक्त पनार्थ जूट गई। रुधिर के छींटों की छटा से युक्त होकर तुलसीदास के प्रभु भगवान श्री रामचंद्र बड़े सुहावने मालूम होते हैं। उनकी सुंदर छवि ऐसी मालूम होती है मानो मरकत के विशाल पर्वत पर सुंदर वीर बहुटिया फैल गई हो। जय श्री हरि। लक्ष्मण मूर्छा बड़े बड़े वीर अभिमानी मेघना से ललकार कर भिड़ गए और उन्होंने अपने अपने पुरुषार्थ में कमी नहीं की। लक्ष्मण जी को घायल देखकर श्री रामचंद्र जी बिलखने लगे और जगत के निवास स्थान भगवान के दिल की आशाएं शिथिल हो गई। तुलसीदास के स्वामी को ना तो भाई का मोह है और ना जानकी जी की ममता है। वे यही कह रहे हैं कि मैंने विभीषण के लिए कुछ भी प्रबंध नहीं किया, उन्हें तो अपने शरण में लिए की लाज है और अपने अनुग्रहित दास की सार संभाल का ख्याल है। श्री रामचंद्र जी के समान कोई स्वामी नहीं है, मैं उनके शील की बलिहारी जाता हूँ। वन में निवास है और दशमुख रावण के समान प्रबल शत्रु है, तो भी प्रभु के मुख की शोभा ने चंद्रमा की शोभा को जीत लिया है। महाबलशाली बाली को मारकर सुग्रीव की रक्षा की और विभीषण को राजा बनाया। इधर स्त्री हरी गई और भाई भी समर में गिर गए, तो भी हृदय में शरणागत की ही चिंता है। भला श्री रामचंद्र जी के समान अपनी भुजा का आश्रय देने वाला उदार और दयालु वीर दूसरा कहाँ मिलेगा। लक्ष्मण जी की मूर्छा निर्वृत्ति के लिए जब सुवेशण ने संजीवनी बूटी निश्चिंत की, तो उसे लाने के लिए श्री हनुमान जी द्रोणाचल पर्वत पर आए। तब उसे पहचान ना सकने के कारण उन्होंने उस विशाल पर्वत को उखाड़ लिया और तनिक भी विलंब ना कर तत्काल चल दिए। उस समय मारुत नंदन हनुमान जी ने वायु गरुण और मन की गति को भी लज्जित कर दिया। गोसाई जी कहते हैं कि मैं उनके प्रचंड वेग का वर्णन करता, परंतु हृदय में उसकी उपमा की सामग्री कहीं नहीं मिली। हनुमान जी झपट कर ऐसे दौड़े आकाश में पर्वत की प्रत्यक्ष लकीर सी शोभित होने लगी। तात्पर्य यह कि ऐसी शीघ्रता से हनुमान जी पर्वत लेकर चले कि चलने और पहुंचने के स्थान तक एक ही पर्वत मालूम होता था। हनुमान जी का जाना सुन रावण ने राक्षस कालनेमी को भेजा। उसने मुनि का वेश बनाया और इस प्रकार छल करने का फल पाया अर्थात मारा गया। हनुमान जी ने अनेकों योजन के पर्वतों को सहसा उखाड़ लिया और राक्षसों को मारकर बड़े बड़े अनेक वीरों का नाश कर दिया। देखो हनुमान जी चलकर पर्वत और भरत जी का कुशल समाचार लाए हैं। ऐसा कहकर कृपालु रघुनाथ जी उनके बल साहस और वेग की सराहना करने लगे, मानो श्री रामचंद्र जी कपिनाथ हनुमान जी के हाथ बिक गए। तुलसीदास के स्वामी शील सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सम्यक प्रकार से उनका उपकार किया। जय श्री हरि। युद्ध का अंत, पिता ने वनवास दिया, रावण जैसा वीर शत्रु हो गया जिसके द्वारा सीता जी हरी गई, तो भी जिनका मुख बड़ा प्रसन्न रहा मलिन नहीं हुआ। बलशाली बाली को मारकर सुग्रीव की रक्षा की, विभीषण पर कृपा की और पुल बांधकर समुद्र को लांघा।
फिर जिनके घोर युद्ध को देखकर शिव और ब्रह्मा भी हृदय में हार गए और वीर लक्ष्मण जी घायल होकर खून और मिट्टी से ऐसे लथपथ हो गए कि उनका रंग वानरों का सा भूरा हो गया। ऐसे शोक में भी जिन्होंने तीनों लोकों में पल मात्र में विशोक कर दिया, अर्थात लक्ष्मण जी को सचेत और रावण को मारकर सबकी रक्षा की, वे तुलसीदास के प्रभु सभी को शरण देने वाले हुए। भगवान राम ने युद्ध में कुंभकर्ण को मारा और रावण की गर्दनें तोड़कर उसका भी वध किया। इस प्रकार सूर्य वंश विभूषण श्री राम रूप सूर्य के प्रताप रूप तेज से शत्रु रूपी ओले गल गए। देवता लोग नगाड़े बजाकर गाते हैं क्योंकि उनका सामंतपना अधीनता चला गया और उनकी मनभाई बात हुई है, तथा वानर भालू भी सबके सब ओहोरे खूब हुई ओहोरे खूब हुई ऐसा कहकर नाचते हैं। श्री रामचंद्र जी ने रावण का उसके कुल सहित दलन कर युद्ध में राक्षसों का संहार किया। इससे देवता और मुनिगण प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे। यह देखकर नाग नर किन्नर तथा ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी के शरीर पुलकित हो जाते हैं और हृदय में प्रेम और आनंद भर जाता है। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की बाएं ओर जानकी जी विराजमान है, जिनके दर्शन से विषाद मिट जाता है और आनंद वृद्धि को प्राप्त होता है। लोकपाल सब आज्ञा पाकर अपने अपने लोकों को चले गए। गोसाई जी कहते हैं कि भगवान ने सबको निहाल कर करके मानो परवाना दे दिया कि अब तुम लोग निर्भय रहो। इस प्रकार लंका कांड संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। उत्तरकांड राम की कृपालुता। बाली से वीर को मारकर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को राज्य दिया। इससे देवता लोग हर्षित होकर बाजे बजाने लगे। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र ने पल भर में रावण को मार डाला और लंका में विभीषण राज्य पर सुशोभित हुए। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी का स्वभाव सुनकर मेरे जैसे और आलसी भी आनंदित होकर गाल बजाते हैं। जो लोग कायर क्रूर और कपूतों की हद थे, उन पर भी गरीब निवाज भगवान राम ने कृपा की। रावण के यहाँ ब्रह्मा जी स्वयं वेद पाठ करते थे और शिवजी भयवश नित्य पूजन कराने के लिए आते थे, तथा दैत्य और देवगण दुखी दीन एवं दया पात्र होकर उसे प्रतिदिन दुरही से सिर नवाते थे। ऐसा भाग्य भी जिसकी प्रभुता कवि कोविंद गाते हैं, उस रावण को छोड़कर भाग गया। श्री रामचंद्र जी से विमुख होने पर सारी सुख संपदाएं उस वाम से विमुख हो जाती है। वेद विरुद्ध आचरण करने वाले रावण ने पृथ्वी मुनिगण और साधुओं को शोक युक्त कर दिया, तथा देवलोक को उजाड़ डाला और कहां तक कहे उसने उनकी स्त्री तक को चुरा लिया। तब भी करुणा कर प्रभु ने उस पर क्रोध नहीं किया। गोसाई जी कहते हैं कि हे श्री रामचंद्र जी, मैंने आपका स्वभाव जान लिया। आपने सेवक विभीषण के स्नेहावश ही अपनी स्वाभाविक क्षमा को छोड़ा, क्योंकि जब तक रावण ने विभीषण को लात नहीं मारी तब तक आपने उसके दर्प को चूर्ण नहीं किया। आपने शोक रूपी समुद्र में डूबते हुए सुग्रीव को निकालकर जिस प्रकार वानरों का राजा बनाया, सो सारा संसार जानता है। नीच निशाचर और अपने शत्रु के भाई विभीषण को इंद्र के समान ऐश्वर्यशाली बना दिया। केवल नाम लेने से ही तुलसी जैसे को भी अपना लिया, जिसके समान बुरा संसार में कहो दूसरा कौन है। भगवान राम ही दुखियों के दुख को दूर करने वाले हैं, उनके जैसा कोई दूसरा गरीब निवाज नहीं है। उन्होंने वानर और भालुओं तक को अपना पवित्र मित्र बनाया और उनकी ऐसी रक्षा की जैसे कोई अपने बालक पुत्र की भी नहीं करेगा। और वे विभीषण जो चिरंजीवी होने के कारण आज तक अपने बड़े भाई की स्त्री मंदोदरी का उपभोग करते हैं, साधुता की सीमा बन गए। गोसाई जी कहते हैं कि कौशलेश्वर श्री रामचंद्र जी के अतिरिक्त कोई दूसरा ऐसा कृपालु और शरणागतों की रक्षा करने वाला नहीं है। जो मनुष्य उनकी पूजा करते हैं उन सभी की बन जाती है, चाहे वे क्रूर कुजाति कुपूत और पापी ही क्यों ना हो।
जिन्होंने अग्नि की अपवित्रता दाहकता को भी जला डाला, अर्थात जिनका पवित्र स्पर्श पाकर अग्नि भी पवित्र और शीतल हो गई, ऐसी नारी शिरोमणि जानकी जी को भी उन्होंने लोक पवाद सुनकर त्याग दिया। यही नहीं, अपने धर्म धुरंधर बंधु लक्ष्मण जी को भी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए त्याग दिया और पुरजनों को बुलाकर कर्तव्य का उपदेश दिया। किंतु बंदर सुग्रीव अर्थात और राक्षसों विभीषण अर्थात की करनी भ्रात्र वधु से भोग को ना तो सुना ना देखा और ना चित में ही रखा। इस प्रकार श्री रामचंद्र ने अपने शरणागतों की क्रोध उत्पन्न करने वाली बात और अनुचित बर्ताव को भी सदा स्वभाव से ही सहा है। सेवकों से भारी भारी अपराध हो जाने पर भी आप उन्हें अपने मन में नहीं लाते, उन पर ध्यान नहीं देते। गड़ी का गज गीद और अजामिल के पातक कुंज गिरने पर समाप्त होने वाले नहीं थे, किंतु उन्हें एक बार नाम लेने से भी वह परम धाम दिया जिसमें महामुनि भी नहीं जा सकते। गोसाई जी अपने से ही कहते हैं कि अरे तुलसीदास, दीन दयाल श्री रामचंद्र जी को भज, वे अनाथों के अनुकूल सहायक हैं। भगवान ने प्रहलाद के वचन को सत्य किया और महान खम्भ के बीचों में से नरसिंह रूप में प्रकट हुए। जब ग्रह ने गज को पकड़ा तो तत्काल ही कृपा की, जरा सा भी विलंब नहीं किया। करोड़ों राजाओं के सामने जिसका वस्त्र लूटा जा रहा था, उस द्रौपदी की देवताओं को साक्षी बनाकर रक्षा की। गोसाई जी अपने से ही कहते हैं कि अरे तुलसीदास, शोक से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी को भज। उन्होंने सेवक के प्रण को कहा नहीं निभा। नरावतार अर्जुन की स्त्री द्रौपदी सभा में नंगी की जा रही थी, उसे वस्त्र देकर उसके मन का सोच दूर किया। जो प्रहलाद के दुख को दूर करने वाले, गज को बचाने वाले बिना कारण के मित्र और सच्चे दीन दयालु कहलाते हैं, जिनको अपने प्राण का सदैव भार ध्यान रहता है। गोसाई जी कहते हैं कि औरों का भरोसा त्याग कर उन भगवान का भजन करने से वे अपने दास का भला करेंगे ही। भगवान राम ने ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया और दुष्ट केवट को मित्र बनाकर पवित्र कर दिया और इस प्रकार सुकीर्ति प्राप्त की। शबरी और गिद्ध को अपना लोक दिया और सुग्रीव को राज्य पर स्थापित किया। सो सबको मालूम ही है, रावण के विरोध से डरे हुए विभीषण को राजा बनाया, जिससे उनकी कीर्ति संसार भर में छा गई। गोसाई जी कहते हैं अरे तुलसीदास, करुणा निधि श्री रामचंद्र को भज, वे अनाथों के सच्चे स्वामी हैं। श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र ऋषि पत्नी अहिल्या और मिथिलापति महाराज जनक की सभी चिंताओं को पल भर में हर लिया। बाली और रावण के भाई सुग्रीव और विभीषण की कथा सुनकर शत्रु भी हमारे श्रेष्ठ स्वामी श्री रामचंद्र जी के शील की सराहना करते हैं। गोसाई जी श्री रघुनाथ जी की ऐसी अगणित अनुपम गुण गाथाएं कहते हैं। आर्त दीन और अनाथों को रघुनाथ जी अपने हाथ की छाया तले कर लेते हैं। तुम्हारे खरीदने अपना लेने से जीव औरों को भी खरीद गुलाम बना सकता है, और सब अन्य देवता तो खरीद कर बेच देने वाले हैं। आकाश रसातल और पृथ्वी में अनेकों निर्दय राजा और दुष्ट स्वामी भरे पड़े हैं, किंतु वे तो मुफ्त में मिले तो भी त्यागने योग्य ही हैं। गोसाई जी कहते हैं कि उनकी सेवा करके कौन मरे। धूल के समान लघु सेवक को सुमेरु से भी बड़ा बनाने वाला तुम्हारे सिवा और कौन है। हे दशरथ नंदन, तुम्हारे समान सुशील समर्थ और सुजान स्वामी तो तुम ही हो। हे नाथ, आपने निशाचर भालू वानर केवट पक्षी जिस जिसको अपनाया, वही तुरंत निकम्मे से काम का हो गया। दुखी अनाथ दीन मलिन जो भी शरण में आए, उन्हीं को आपने अपना लिया। ऐसा महाराज का स्वभाव है। नाम तो मेरा तुलसी है, पर हूँ मैं भांग से भी बुरा। और कहलाने लगा दास, और आपने ऐसे दगाबाज को भी अंगीकार कर लिया। हे दशरथ नंदन, आपके समान कोई दूसरा समर्थ स्वामी अथवा दयालु देव नहीं है। अपने शरणागत की लज्जा रखने वाले तो आप ही हैं।
हे महाराज, आपने महाबलवान बाली को मारकर कायर सुग्रीव को मित्र बनाया जो किसी काम का नहीं था। भाई को धोखा देने का पाप करने वाले राक्षस को शरण आने पर इतना प्रतिकूल होते हुए भी स्वीकार कर लिया। हे महाराज, दशरथ के समर्थ सुपूत तुम्हारा नाम लेने से आज तुलसी जैसे कपटी को भी लोग राम का कहते हैं। अपने अनुग्रहित दास की लाज रखना तो महाराज का स्वभाव ही है। यह समझकर सेवक का मन आनंदित होता है। भगवान राम रूप और शील के सागर, गुणों के समुद्र, तीनों के बंधु, दया के निधान, ज्ञानियों में शिरोमणि तथा वचन और बाहुबल में शूरवीर हैं। उन्होंने गृधर का श्राद्ध किया, शबरी के फलों की प्रशंसा की, शीला बनी हुई अहिल्या के शाप को शमन किया और भीलों के साथ प्रेम निभाया। गोसाई जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र के स्वभाव को सुनकर उत्साह होता है। उस पर कौन न्योछावर नहीं होगा और कौन उसके हाथ बिना मोल नहीं बिक जाएगा। ऐसे उत्तम स्वामी से भी जिसे प्रीति नहीं है वह बड़ा ही अभागा है और उस लोभ से चलाया मान मनुष्य का भाग्य ही उससे दूर भाग गया है। जो वीरों के शिरोमणि और महाराजों के महाराज हैं, जिनका नाम लेते ही बंजर जमीन भी उपजाऊ हो जाती है, उन जनकपति श्री राम के समान सुजान स्वामी संसार में कौन है। जिस कृपालु को स्मरण करने से ही उल्लू भी हंस हो जाता है, उन्होंने केवट, शिलारूप, अहिल्या, राक्षस, वानर और भालुओं को तारा और तुलसी से गवार मुस्टंडे को भी अपना लिया। उनके समान बात का पक्का और भुजाओं का आश्रय देने वाला तथा दुखियों का सगा, दुर्बलों का दानी और दया का भंडार दूसरा कौन है। लोगों को शोक रहित करने के लिए इंद्रादिक सभी लोकपाल थे, परंतु आज तक रीच वानरों को खिलाने पिलाने वाला कोई कहीं नहीं हुआ। बेचारा विभीषण जो बालू के गरौंदे खेलवाड़ के घर के समान निर्बल था, उसे श्री रामचंद्र ने संकल्प मात्र से वज्र के पहाड़ की तरह दुर्धर्ष बना दिया। खोटे और दुष्ट लोग भी उनके नाम की ओट लेते ही निर्दोष हो जाते हैं। भला बिना परिश्रम धन की गठरी पाकर कौन निहाल नहीं हुआ। तुलसीदास जी कहते हैं, हे शील सिंधु, मेरी बार बड़ी ढिलाई हो रही है। भला बिगड़ी को बनाने वाला आपके सिवा दूसरा कौन कृपालु है। आपने पुत्र का नाम लेने से ही पातकियों के सरदार अजामिल को पवित्र कर दिया और रक्षा करो ऐसा कहते ही गजराज का दुख दूर कर दिया। जो छलियों की लड़की अभागी जाति पाती में छोटी तथा गवार भील की स्त्री थी, उसे भी आपने अपने में लीन कर लिया। अब आप तुलसी को भी तार दे, अंत में मुझे ही ना भूल जाए। आपके शील स्वभाव का मुझे खूब भरोसा है। हे देव, आप तो दया धाम है, गरीबों की सदा ही सहायता करते हैं। हे नाथ, अब मेरी बार मेरे ही दुर्भाग्य से आपने ढिलाई की है। हे नाथ, आपने कृपा करके अपने आगे पड़ी शीला को तथा किरात, भिलनी, सुग्रीव और केवल सिर नवाने से ही राक्षस विभीषण को अपना लिया। हे सुजान शिरोमणि, सच्ची सेवा तो आपके हनुमान जी ने की, जो आप उनकी रणी कहलाए और उनके हाथ बिक गए। तुलसी के समान दम्भी भी आपके नाम की ओट लेने से ही सच्चे हो जाते हैं। जैसे रास्ते की मिट्टी कस्तूरी के संसर्ग से बहुमूल्य हो जाती है, इस प्रसंग पर यदि मैं कोई बात पूछूं तो बुरा ना मानिएगा। हे रघुनाथ जी, मैं आपकी बलि जाता हूँ। भला आपने किसकी सेवा से रीझकर कृपा की है, अर्थात आपने अपनी कृपालुता से ही अपने सेवकों को भलाया है। किसी ने भी ऐसी सेवा नहीं की जिससे आप रीझ सके। विश्वामित्र जी की बात केवल साथ चल देने से शीला बनी हुई अहिल्या की चरण स्पर्श मात्र से और राजा जनक की धनुष के टूटने से बन गई। कोल, पशु सुग्रीव अर्थात वानर, शबरी, गिद्ध, जटायु, भालू और विभीषण अर्थात राक्षसों को रत्ती भर का लालच था, उनको मन भर की प्राप्ति हो गई, अर्थात जितना वे चाहते थे उससे बहुत अधिक उन्हें मिल गया। हे करोड़ों कलाओं में कुशल एवं विनीत की रक्षा करने वाले दयालु, आपकी बलिहारी है।
तिनके के समान तुझ इस तुलसीदास की बात ही कितनी है, हे महाराज दशरथ के समर्थ पुत्र राजशिरोमणि राम। तुम्हारी दृष्टि मात्र से ब्रह्मा जैसे ज्योतिषी की लिपि भी मिट जाती है। मैंने शीला बनी हुई अहिल्या के शाप और व्यभिचार रूप पाप निषाद तथा गिद्ध जटायु से मिलने की बात सुनी और शबरी के पास स्वयं बिना बुलाए चले गए, यह सभी मैं सुन चुका हूँ। आपने स्नेह एवं आदर पूर्वक भरत जी के सामने सभा के बीच अपने सेवक मान राज सुग्रीव की और विभीषण की गंगा के समान पवित्र कहकर प्रशंसा की। मैंने मन में अच्छी तरह विचार कर लिया कि आलसी अभागो पापी आर्त और अनाथों का पालन करने वाले समर्थ साहब एक आप ही हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, दोष दुख और दरिद्रता का नाश करने वाले हे दीन बंधु राम, आपके समान दया निधान दुनिया में दूसरा नहीं है। बाली के भाई सुग्रीव को अपना मित्र बनाया, उसके पुत्र अंगद को दूत बनाया, रावण जैसे शत्रु के भाई विभीषण को मंत्री बनाया, जटायु और शबरी का श्राद्ध किया तथा लंका को जली देख चित में विभीषण के लिए चिंता सी हुई कि जली हुई लंका मैंने इन्हें दी। कहो भला ऐसे स्वामी की सेवा में कौन नहीं निभ जाएगा। अनेकों लोकों में वहाँ के लोकपाल एक से एक बड़े हैं, अपने अपने स्वामी को भला कौन घटा कर रखेगा। परंतु दुख में सेवन करने को सहारने को और स्मरण करने को भगवान राम के समान कुंती की निर्वृत्ति करने वाला कोई दूसरा स्वामी नहीं है। पृथ्वीपति नागपति देवलोकों के स्वामी और लोकपाल ये सब कारण वश कृपा करते हैं। मैं सभी के जी की थाह ले चुका हूँ। कायरों का आदर किसी के यहाँ देखने में नहीं आता, सबको सेवा में दक्ष सेवक सुहाते हैं। तुलसी सत्य भाव से कहता है, उसे कोई पक्षपात नहीं है। भला किस स्वामी ने रीछ और वानरों को अपना खास माहली रनिवास का सेवक बनाया है। श्री रामचंद्र ही के द्वार पर मेरे समान दीन दुर्बल कुपुत कायर और आलसी का बुलाकर सम्मान किया जाता है। राजा लोग कूप के समान सेवानुकूल फल देते हैं, बिना गुड़ रस्सी के पथ के पथिक प्यासे चले जाते हैं। तात्पर्य यह है कि जैसे बिना गुड़ डोरी के कूप से जल नहीं आता, वैसे ही बिना गुड़ के राजा लोगों से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। गोसाई जी कहते हैं, शुद्ध चित से भली भांति हिसाब लगाकर देख लिया कि स्वार्थ के लिए धन देने वाले देवता तो बहुत से हैं, परंतु जिन्होंने गिद्ध को गुरु पिता के समान माना और वानर भालुओं को मित्र समझा, ऐसे समर्थ स्वामी के सभी गीत और कीर्ति कथाएं पवित्र हैं। और जितने राजा हैं वे सब तो अपने सेवकों को अच्छी तरह से जांचकर सुराख करके तोलकर तथा तपाकर लेते हैं। परंतु हे दशरथ के राजकुमार, निकम्मों के प्रभु तो बस आप ही हैं। जय श्री हरि। केवल राम ही से मांगो। महाराज की यह रीति है कि जिस याचकों को अपनाते हैं उसके दोष दुख और दरिद्रता को दरिद्र क्षीण करके छोड़ते हैं। जिनका नाम रूप कल्प वृक्ष चारों फलों धर्म अर्थ काम मोक्ष का देने वाला है, गोसाई जी कहते हैं, उन्हें त्याग कर बबुल और ऋण कौन रोपे। राजाओं से याचना कौन करे और देश विदेश घूमने का कष्ट कौन भोगे। जो प्रसन्न होकर बहुत बढ़कर देंगे तो एक दमड़ी से अधिक ना देंगे। कृपा के समुद्र लोकपालों के स्वामी सीतानाथ श्री रामचंद्र जी को छोड़कर और किसके आगे हाथ फैलाया जाए। जिसकी दृष्टि मात्र से मनुष्य लोकपाल हो जाता है और देवता लोक सुंदर शोक रहित स्थान को प्राप्त कर लेते हैं, वह लक्ष्मी अपनी स्वाभाविक चंचलता त्याग कर करोड़ों उपायों से विष्णु रूप श्री रामचंद्र जी को रिझाती है। गोसाई जी कहते हैं कि तू उनका कहलाकर कुत्ते को दिया जाने वाला टुकड़ा तुच्छ भोग मांगने में लज्जित नहीं होता। जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी का सेवक होकर भी जो दूसरे से मांगता है उसकी जीभ जल जाए। भला उस धरणीधर की लीला तो देखो, जिसने पांच जड़ तत्वों को मिलाकर यह देह बनाई है। इस प्रकार जो चराचर की संभाल करता है, कहो भला अपने भक्तों की संभाल वह क्यों ना करेगा। गोसाई जी अपने से ही कहते हैं, हे तुलसीदास बतलाओ तो राम के समान दूसरा कौन है।
जिसके घर की किंकरी लक्ष्मी है, इस संसार में जिसे उस जगतपति का ही भरोसा है, वह मनुष्य की क्या परवाह करेगा। संसार में किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, यदि मांगना ही हो तो जानकीनाथ श्री रामचंद्र जी से मन ही में मांगो, जिनसे मांगते ही याचकता दरिद्रता कामना जल जाती है। जो बरबस जगत को जला रही है, विभीषण की दशा का विचार करके देखो और हनुमान जी का भी स्मरण करो। गोसाई जी कहते हैं कि हे तुलसीदास, दरिद्रता रूपी दोष को जलाने के लिए दावनल के समान और करोड़ों संकटों को काटने के लिए कृपाण रूप श्री रामचंद्र जी को भजो। जय श्री हरि। उद्बोधन। हे तुलसीदास, नित्य नियम पूर्वक कान ध्यान देकर श्री रघुनाथ जी की गुण गाथा श्रवण करो। सुख के स्थान धनुष और तरकस धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी के सुंदर स्वरूप का ही सदा स्मरण करो और जिह्वा से रात दिन आदर पूर्वक श्री जानकी नाथ का ही नाम जपो। सुशील और संत पुरुषों का संग करो एवं कपटी पुरुष कुपंथ और कुसंग को त्याग दो। पुत्र कलत्र घर मित्र परिवार इन सब को महाकुसमाज समझो। सबकी ममता त्याग कर समता धारण कर संतों की सभा में नहीं विराजता, यह नरदेह क्या है जरा विचार कर देखो। तुलसीदास जी अपने लिए ही कहते हैं, अरे गवार काम को ना बिगाड़, लालचे कुत्ते की तरह इधर उधर ना भटक, कौशल राज श्री रामचंद्र का भजन कर। तरुणाई रूपी निशा पाकर तू विषय रूपी पर स्त्री की प्रीति में फंस गया है। यमराज के पहरेदार दुख रोग और वियोग को देखकर भी तुझे वैराग्य नहीं होता। ममता वश तू सब भूल गया, अब भोर हो गया है, इस महान भय से भाग जा। बुढ़ापा रूपी पूर्व दिशा में काल मृत्यु रूप सूर्य का उदय हो गया। अरे जड़ जीव तू अब भी नहीं जागता, तूने जिस योनि में जन्म लिया उसी में सुख के लिए अनेकों कर्म किए जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। माता पिता इत्यादि तेरे अनेकों हितेशी हुए और फिर उन्हीं से हृदय में जलन होने लगी। गोसाई जी अपने लिए कहते हैं कि अब राम का दास कहलाकर तो हृदय में चातक की सी टेक धारण कर, अर्थात जैसे चातक मेघ के सिवा और किसी से याचना नहीं करता, उसी प्रकार तू भी राम को छोड़कर और किसी के आगे हाथ ना पसार। अब सबसे बड़ा हंस का वेश धारण करके तो बगुला और कौवों की सी करनी छोड़ दे। भारत वर्ष की पवित्र भूमि है, उत्तम आर्य कुल में जन्म हुआ है, समाज और शरीर भी उत्तम मिला है। गोसाई जी कहते हैं ऐसी अवस्था में जो पुरुष क्रोध और कठोर वचन त्याग कर वर्षा जाड़ा वायु और धाम को सहन करते हुए चातक के समान हट पूर्वक सर्वथा भगवान को भजता है वही चतुर है। अन्यथा और सब तो स्वर्ण के हल में कामधेनु को जोत कर केवल विष बीज बोते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं मैं दोनों भुजाएं उठाकर सभी से कहता हूँ, जो पुरुष सब प्रकार के छल छोड़कर सच्चे भाव से श्री रघुनाथ जी का हो रहता है, वही पुण्यात्मा पवित्र साधु सुजान और सुशील शिरोमणि है। देवता और तीर्थ उसके मानते ही आ जाते हैं और उसके शरीर का स्पर्श कर स्वयं भी पवित्र हो जाते हैं, तथा वह सभी प्रकार के गुणों का आकार और सबका स्नेहा भाजन हो जाता है। जय श्री हरि। विनय। गोसाई जी कहते हैं जो पुरुष शरीर और घर की ममता को त्याग कर जल्दी से जल्दी स्नेहा पूर्वक भगवान राम का हो जाता है, वही मेरी माता है, वही पिता है, वही भाई है, वही स्त्री है, वही पुत्र है और वही हितेशी है, तथा वही मेरा संबंधी, वही मित्र, वही सेवक, वही गुरु, वही देवता, वही स्वामी और वही सेवक, अर्थात वही सब कुछ है। अधिक कहाँ तक कहूँ, वह मुझे प्राणों के समान प्रिय है। श्री रामचंद्र जी ही मेरी माता है, वे ही पिता है, तथा वे ही गुरु बंधु साथी सखा पुत्र प्रभु और प्रेमी है। श्री रामचंद्र की शपथ है, मुझे तो राम का ही भरोसा है, मैं राम ही के रंग में रंगा हुआ हूँ, दूसरे में रुचि पूर्वक मेरा मन ही नहीं लगता। गोसाई जी कहते हैं जिसे जीते हुए भी राम से ही स्नेह है
और जो मरने पर भी राम ही में मिल जाता है, इस प्रकार सदैव जिसे राम का ही भरोसा है वही संसार में जीता है, नहीं तो और सब मरे हुए ही देहा धारण किए बोलते हैं जय श्री हरि। राम प्रेम ही सार है। श्री राम और जानकी जी का अनुपम सौंदर्य नेत्र रूपी मछलियों के लिए अगाध जल है। कानों में श्री राम की कथा, मुख से राम का नाम और हृदय में राम जी का ही स्थान है। बुद्धि भी राम में लगी हुई है। राम ही तक गति है, राम ही से प्रीति है और राम ही का बल है। और सबकी बात तो नहीं कहता, परंतु तुलसीदास के मत में तो जगत में जीने का फल यही है। हे दशरथ जी के पुत्र, दानियों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी, मैंने आपका पुराणों में प्रसिद्ध यह सुना है, नर नाग सुर तथा असुरों में जितने भी आपके याचक बने, उनमें से किसने आपसे अपना मनोवांछित पदार्थ नहीं पाया। यदि दीन वत्सल प्रभु राम कृपा करके सुने तो तुलसीदास हाथ जोड़कर विनय करता है कि जिस देह से आपके प्रति स्नेह न हो, ऐसा देह धारण कर जीवित रहना व्यर्थ है। तुलसीदास जी अपने लिए कहते हैं कि अरे दुष्ट, जिन संतों ने इस संसार की थाह पाली है वे कहते हैं कि संसार झूठा है, झूठा है, झूठा है, परंतु उसके लिए करोड़ों संकट सहता है और दांत निकालकर हाय हाय करता है। तुझे अपने ज्ञानी पने का बड़ा अभिमान है, परंतु तुलसी के विचार से तो तू महागवार है। यदि तूने ज्ञान के द्वारा जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी को नहीं जाना तो तूने ज्ञानी कहलाते हुए भी वस्तु तो क्या जाना, अर्थात कुछ भी नहीं जाना। गोसाई जी कहते हैं कि जिन्हें श्री राम जी से स्नेह नहीं है वे सचमुच पशु ही है। उनके केवल एक पूछ और दो सींगों की कसर है। उनसे तो गधे सुअर और कुत्ते भी अच्छे हैं, क्योंकि वे बेचारे जड़ होने के कारण कुछ कहते तो नहीं। उनकी माँ 10 महीने तक उनके भार से क्यों मरी, बांझ क्यों नहीं हो गई, अथवा उसका गर्भ ही क्यों नहीं गिर गया। हे जानकीनाथ, जो पुरुष संसार में तुम्हारा हुए बिना जीता है उसका जीवन जल जाए जला देने के योग्य है। हाथी घोड़ों के समूह के समूह है, अनेक अच्छे अच्छे वीर है, स्त्री पुत्र सब बोहे ताकते रहते हैं, पृथ्वी धन घर शरीर सब कुछ अच्छे है, देव लोक से भी यह सुख बढ़कर है। किंतु गोसाई जी कहते हैं कि यह सब निरर्थक और निहसार है, अपना कुछ नहीं है, सब 2 दिन का स्वपन है। हे जानकी नाथ, जो संसार में तुम्हारा हुए बिना जीता है उसका जीवन जल जाए। इंद्र के समान राज सामग्री हो गई, ब्रह्मा के समान ऐश्वर्य हो गया और कुबेर के समान धन हो गया, तथा वायु के समान वेगवान, अग्नि के समान तेजस्वी, यमराज के समान दंडधारी, चंद्रमा के समान शीतल एवं आह्लादकारी और सूर्य के समान संसार को प्रकाशित करने वाला और संसार का भूषण बन गया हो, वायु को साधकर प्राणायाम कर योगाभ्यास करता हुआ समाधि के द्वारा बड़ा धीर हो गया हो और मन भी वश में हो गया हो, तो भी गोसाई जी सच्चे भाव से कहते हैं यदि जानकी नाथ का सेवक ना हुआ तो सब व्यर्थ है। यदि मनुष्य ने कमल नयन भगवान श्री राम को नहीं जाना तो वह रूप में कामदेव सा, प्रताप में सूर्य सा, शील में चंद्रमा के समान, मान में गणेश के सदर्श तथा हरिश्चंद्र सा, सच्चा ब्रह्मा जैसा महान, विष सुख में आसक्त इंद्र के समान, राजा सुखदेव मुनि सा, महात्मा शारदा के सदर्श, वक्ता और लोमवश से भी अधिक चिरजीवी हो जाए तो भी ऐसा होने से क्या लाभ हुआ। द्वार पर जंजीरों से जकड़े हुए तथा जिनके गंड स्थल से मद चू रहा है, ऐसे अनेकों हाथी झूमते हो और मन के समान तीव्र वेग वाले चंचल घोड़े हो जो वायु की गति से भी बढ़ जाते हो, घर में चंद्रमुखी स्त्री देखती हो, बाहर बड़े बड़े राजा खड़े हो जो बहुत अधिक होने के कारण भीतर ना समा सकते हो। गोसाई जी कहते हैं कि यदि जानकी पति श्री रामचंद्र जी के रंग में ना रंगा तो ऐसा होने पर भी क्या हुआ। 50 इंद्र के राज्य के समान राज्य का ब्रह्मा जी के हाथ का लिखा हुआ पट्टा मिल गया हो,
सपूत लड़के हो, पतिव्रता स्त्री हो, जो अपनी सुंदरता में रति के मद को भी नीचा दिखाने वाली हो, सब प्रकार की संपत्तियां और सिद्धियां उसके मन की रूप को ध्यान पूर्वक देखती हुई खड़ी हो, किंतु गोसाई जी कहते हैं कि यदि जानकीनाथ श्री रामचंद्र को ना जाना तो ऐसे जीव भी वास्तव में जीव कहलाने के योग्य नहीं है। जिनका शरीर अत्यंत दुबला है, जो रोटी के लिए बिलबिलाते फिरते हैं और जिनके घर में एक खुरपा और घास बांधने की जाली ही सारी पूंजी है, उन्हें यदि सुमेरु पर्वत के बराबर भी सोने के ढेर भी मिल गए तो इससे उनका घर तो भर गया परंतु मन नहीं भरा। गोसाई जी कहते हैं कि मैंने दोनों अवस्थाओं में दूना दुख देखकर दरिद्रता का मुख काला कर दिया और सब आशा त्याग कर दशरथ सुवन श्री रामचंद्र का दास हो गया, जो दया के मानो दरिया है। जिसको भगवान ने खाली कर दिया उसे कौन भर सकता है, और जिसको भगवान भर देंगे उसे कौन खाली कर सकता है। जिसे श्री रामचंद्र जी स्थापित कर देते हैं उसे कौन उखाड़ सकता है, और जिसे वे उखाड़ेंगे उसे कौन स्थापित कर सकता है। तुलसीदास अपने हृदय में यह जानकर स्वपन में भी काल से नहीं डरेगा, क्योंकि यदि जानकीनाथ श्री रामचंद्र कृपा करेंगे तो औरों की अकृपा से कुछ भी हानि नहीं होगी। विकराल सर्प, भयंकर विष, अग्नि और मतवाले हाथियों के दांतों को भी तोड़ डाला। कष्ट भी सशंकित होकर भाग गया। जो सेवक राजा से डरते थे उन्होंने भी आज्ञा पालन रूप कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया, तो भी प्रहलाद को कुछ भी विषाद नहीं हुआ, क्योंकि यह नरसिंह भगवान के बल के आश्रित था। अंतः अब तुलसीदास ही किसका भय करे, यदि राम जी रक्षा करेंगे तो उसे कौन मार सकता है। जिनकी कृपा से कुछ काम नहीं बनता और ना जिनके मुख मोड़ने से कुछ हानि ही होती है, उनकी परवाह वही लोग करेंगे जो बिना सिंह पूछ के होकर भी सर्वदा दौड़े फिरते हैं, अर्थात पशु न होने पर भी अपने वास्तविक लक्ष्य को छोड़कर रात दिन पेट की ही चिंता में लगे रहते हैं। गोसाई जी कहते हैं कि जिसके श्री रामचंद्र के समान समर्थ स्वामी है, जो थोड़ी सी सेवा करने पर ही रीझ जाते हैं, उसे संसार की क्या चिंता पड़ी है। वह तो ऐसे लोगों से संबंध तोड़कर पृथ्वी पर विचरता है, वन में, पर्वत पर, जल में, आंधी में, महाविष खा लेने पर, रोग में, अग्नि और शत्रु से घिर जाने पर, तथा गोसाई जी कहते हैं जहाँ करोड़ों संकट हो और माता पिता, पुत्र मित्र और भाई बंधु कोई समीप ना हो, वहाँ भी दयालु भगवान राम जिनके हनुमान जी जैसे सेवक हैं रक्षा करेंगे। आकाश, पाताल और पृथ्वी में एक श्री रघुनाथ जी ही मेरे सहायक हैं। जब यमराज की आज्ञा से मेरे गले को बांधकर यमदूत मुझे ले चलेंगे, उस समय वहाँ ना बाप, ना माँ, ना स्वामी, ना मित्र, ना पुत्र और ना भाई ही उस भारी विपत्ति को बटाने वाले होंगे। वहाँ घोर कष्ट सहना होगा, उस आर्त पुकार को सुनेगा भी कौन, चारों ओर डांटने वाले यमदूत ही होंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि वहाँ केवल एक दया निधान दशरथ कुमार ही बंधन काटने वाले होंगे। जहाँ यम यात्रा देने वाले करोड़ों यमदूत हैं, घोर वैतरणी नदी है जिसमें दांतों की धार तेज करने वाले काटने वाले जल जंतु हैं, जिसके भयंकर धारा है और जिसका कोई वार पार नहीं है, जिसमें ना जहाज है, ना नाव और ना सुचतुर नाविक ही है। इसके सिवा जहाँ माता, पिता, सखा अथवा कोई अवलंबन देने वाला भी नहीं है, वहाँ श्री गोसाई जी कहते हैं बिना ही कारण कृपा करने वाले श्री रामचंद्र जी ही अपनी विशाल भुजा से पकड़कर निकाल लेने वाले हैं। श्री गोसाई जी कहते हैं कि जहाँ कोई हितेशी स्वामी नहीं है और न साथ में मित्र, स्त्री, पुत्र, भाई, बाप या माँ ही है, वहाँ कृपालु श्री रामचंद्र के बिना अपने जन के शरीर, मन और वचन द्वारा किए हुए समस्त अपराधों को छल छोड़कर क्षमा करने वाला तथा उस दारुण दुख का नाश करने वाला दूसरा कौन हो सकता है। जहाँ ऐसे ऐसे सब प्रकार के संकट और दुर्घट सोच है, वहाँ मेरे स्वामी जगत में रमण करने वाले श्री रामचंद्र ही मेरी रक्षा करते हैं। देवता लोग तपस्वियों को वर देने वाले हैं, किंतु बढ़ने पर वे सब वैर बढ़ाते हैं।
थोड़े ही में कोप और थोड़े ही में कृपा करते हैं। वे बैठकर प्रीति जोड़ते और खड़े होते ही उसे तोड़ देते हैं, अर्थात उनकी प्रीति बहुत थोड़ी देर टिकने वाली होती है। हम किस किस से और कहां तक दांत निकालकर कहे, गजराज ने सबको ठोक बजाकर देख लिया। दुखियों के मित्र, अनाथों के नाथ तथा विपत्ति के दिनों में सच्चे सहायक श्री रामचंद्र ही है। चाहे कोई जप, योग, वैराग्य, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान, दान, दया, इंद्रिय निग्रह अर्थात करोड़ों उपाय करे, मुनि सिद्ध, सुरेश, इंद्र, गणेश और महेश जैसे देवताओं का अनेकों जन्म तक सेवन करते करते मर जाए, वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करे और पुराणों का अध्ययन करे, अनेकों युगों तक तपस्या की अग्नि में जलता रहे। परंतु तुलसी मन से प्रण रोक कर कहता है कि श्री रामचंद्र के बिना कौन दुख दूर कर सकता है। लोक मेरे विषय में कहता था कि यह पापों में भरा हुआ एवं कुत्सित दरिद्रता के कारण दीन है तथा मलिन कंथा और करवा धारण किए हैं। विधाता ने इसके भाग्य में कुछ भी नहीं लिखा तथा यह सपने में भी अपने बल पर नहीं चलता था, परंतु आज वही तुलसी श्री रामचंद्र जी का किंकर हो गया। इस बात को समझना ही अच्छा है, कहना उचित नहीं है। वह ऐसे दीन और पापी से ऐसा महामुनि बिना वानरों के चरवाहे श्री रामचंद्र जी को भजे नहीं हुआ। माता पिता ने जिसको संसार में जन्म देकर त्याग दिया, ब्रह्मा ने भी जिसके भाग्य में कुछ भलाई नहीं लिखी, उस नीच निरादर के पात्र कायर कुकुर के मुंह के टुकड़े के लिए ललचाने वाले तुलसीदास ने जब श्री रामचंद्र का स्वभाव सुना और एक बार पेट खिलाकर अपना सारा दुख कहा, तो प्रभु रघुनाथ जी ने उसके स्वार्थ और परमार्थ को सुधारने में तनिक भी कोर कसर नहीं रखी। तुलसीदास जी कहते हैं, हे श्री राम, आपने मेरे पाप नष्ट कर दिए, सारे संताप हर लिए, शरीर पूज्य बन गया, हृदय में शीतलता आ गई और मैं आपकी बलिहारी जाता हूँ। आपने मुझे बगुले दम्भी से हंस विवेकी बना दिया, आपके कृपा की अधिकता का कहाँ तक वर्णन करूँ। अब समय देखकर तुलसी कहता है कि मेरे मन में प्रभु का पूरा भरोसा है, अंतः जहाँ कहीं भी मेरा जन्म हो वहाँ आपसे शरीर रहने तक प्रेम के संबंध का निर्वाह होता रहे। लोग कहते हैं और मैं भी कहता हूँ कि खोटा या खरा, मैं श्री रामचंद्र जी ही का सेवक हूँ। हे राम, इससे आपकी तो बड़ी तोहिन हुई, परंतु आपके सुदर्श स्वामी का सेवक होने का जो यश मुझे प्राप्त हुआ वह मेरे हृदय को तो सुख देने वाला ही है। मैं बलिहारी जाऊं, अब या तो आप इस हानि को सहिए अथवा मुझे ही अपनी सेवा के योग्य बना लीजिए। अपने हृदय में विचार कर और मेरे लिए हितकारी जानकर ऐसा ही कीजिए जिससे मैं आपके धनुषधारी रूप का ही ध्यान कर सकूं, अर्थात आपको छोड़कर किसी और पदार्थ की और मेरा चित ही ना जाए। मैं स्वयं अपने को अच्छी तरह जानता हूँ। हे राम, मैं तो आप ही का रचा और भड़ाया हुआ हूँ। यह तुलसीदास सुगगे की भांति नाम रटता है, उस पर संसार यही कहता है कि यह स्वयं भगवान जानकी नाथ का पढ़ाया हुआ है। इसी का मुझे खेद है, किंतु वेद कहता है कि जिस मनुष्य को रघुनाथ जी ने भड़ा दिया वह कभी घट नहीं सकता। मैं सदा से गधे पर ही चढ़ने वाला अत्यंत निनंदनीय आचरणों वाला था, आपके नाम ने ही मुझे हाथी पर चढ़ा दिया है, अर्थात इतना गौरव प्रदान किया है। आपने मुझ धूल के समान तुच्छ प्राणी को संभालकर पहाड़ से भी भारी गौरवान्वित बना दिया और आपका पवित्र पक्ष पाकर मैं पंचों में बड़ा हो गया। मैं तो अपनी अधमता में जैसा पहले था वैसा ही अब भी हूँ। हे राम, बस आपका ही गुण गाकर पेट पालता हूँ, परंतु हे महाराज, आप अपनी कृपा की लाज रखिए और मेरी ओर देखकर क्रोध करके ना बैठ जाइए। हे कृपालु, सर्प के बालक को भी पाल पोस कर नहीं मारना चाहिए और ना विष का वृक्ष भी लगा कर उसे काटना चाहिए। मैं ना तो वेद या पुराणों का गान जानता हूँ और ना विज्ञान अथवा ज्ञान ही जानता हूँ, और ना मैं ध्यान धारणा समाधि अर्थात साधना में प्रवीणता ही रखता हूँ। तुलसी के भाग में वैराग्य
योग और यज्ञ अर्थात नहीं है। मैं दया और दान में दुर्बल हूँ अर्थात दान और दया से रहित हूँ तथा पाप में पुष्ट हूँ। मेरे समान लोभ मोह काम और क्रोध रूप दोषों का भंडार कौन है? कलयुग ने भी मुझसे ही मलिनता सीखी है। हाँ एक ही भरोसा मुझे है कि मैं आपका कहलाता हूँ। आप दीनों के बंधु और दयालु हैं। मेरी यह दीनता है। हे राम मैं आपका कहलाता हूँ और आप ही का गुण गाता हूँ। और हे रघुनाथ जी आप ही के लिहाज से मुझे दो रोटियाँ भी मिल जाती हैं। संसार जानता है और मेरे मन में भी बड़ा अभिमान है कि मैंने दूसरे को ना माना ना मानता हूँ और ना मानूंगा। मुझे ना पंचों का ही विश्वास है और ना अपना ही भरोसा है। मैं गण गुण और छील छाल कर खराद पर चढ़ाई हुई सी चिकनी चुपड़ी बातें बनाता हूँ। वैसा ही जब हृदय में भी ले आऊंगा तब समझूंगा कि आपने मुझे अपनाया है। जिसकी बोली में विकार है करनी भी बहुत बुरी है तथा मन भी विवेक शून्य और कलिमल का भंडार है। जो श्री रामचंद्र जी का कहलाकर नाम को बेच बेच कर खाता है और जैसी कि पुरानी कहावत है सेवा और सत्संग में प्रवृत्त नहीं होता उस तुलसी को भी लोग भला कहते हैं। इसका कोई दूसरा कारण नहीं है केवल एक निश्चित हेतु है। यह प्रसिद्ध लोक रीति और जहाँ तहाँ देखने में भी आता है कि स्वामी का जहाँ तहाँ स्नेह होने पर उसके कुत्ते का भी समान होता है। जय श्री हरि। नाम विश्वास मेरे पास ना तो कोई स्वार्थ साधन का ही समान है और ना परमार्थ की ही सामग्री है। विश्व ब्रह्मांड में मेरे समान कोई दूसरा दगाबाज भी नहीं है। सुकर्म तो ना मैं करके आया हूँ ना करता हूँ और ना करूँगा ही। ब्रह्मा ने भूलकर भी मेरे भाग्य में भलाई नहीं लिखी। आपकी शपथ है हे राम जी मुझको केवल आपके नाम ही की गति है। जो यहाँ आपके सामने झूठा है वह तो तीनों लोक और तीनों काल में झूठा ही है। हे कृपालो तुलसी की भलाई तो तुम्हारे ही किए होगी। बलिहारी जाऊं अब विलंब ना कीजिए क्योंकि मेरी दशा ठीक पानी से भरी हुई खाल के समान है अर्थात जैसे पानी भरी खाल बहुत जल्दी सड़ जाती है वैसे ही मेरे भी नष्ट होने में देरी नहीं है। मेरे पास ना तो राग अर्थात सांसारिक सुख भोग की सामग्री है और ना मेरे जी में वैराग्य योग या यज्ञ ही है। और यह शरीर कुचाल चलना नहीं छोड़ता मनोराज्य वासनाएं करते करते आज तक हानि ही होती रही। यह चाहता तो अच्छे अच्छे वस्त्र हैं परंतु इसे मिलता टाट का टुकड़ा भी नहीं। हे जगत कर्ता प्रभु आप इस अत्यंत कुटिल पर भी कृपालु हुए। मुझ कोड़ी तुच्छ भोगों के लालची ने भगव नाम का प्रेम रूप पारस पाया। हे श्री राम जी यह सब आप ही के बनाए बनी है नहीं तो धोबी के कुत्ते के समान मैं ना घर का था और ना घाट का ही अर्थात ना मैं इस लोक को सुधार सकता था ना परलोक को। इसका मन ऊंचा है तथा रुचि भी ऊंची है परंतु भाग्य इसका अत्यंत खोटा है। यह लोक व्यवहार के लायक भी नहीं है तथा बड़ा ही नटखट और गप्पी है। इसके लिए तो स्वार्थ भी अगम है परमार्थ की तो बात ही क्या है। पेट की कठिनाई के कारण इसे संसार जी का जंजाल हो रहा है। यह ना तो कोई चाकरी ही करता है और ना खान खोदने का काम करता है। इसके ना खेती है ना व्यापार है ना यह भीख मांगता है और ना कोई अन्य प्रकार का धंधा या पेशा ही जानता है। तुलसी की बाजी राम नाम ही ने रखी है अन्यथा इसके पास तो पितरों को भेंट चढ़ाने के लिए सिर पर बाल भी नहीं है। यह नीच निर्लजों की न्योछावर और अपकारों का आगार है जिसकी छाया का स्पर्श होने पर संसार में व्याध और हिंसक जीव भी सहम जाते हैं। पाप रूप पृथ्वी की रक्षा करने के लिए यह शेष जी के समान है तथा कपट का वन और अपराधों का समुद्र है। तुलसी जैसे उल्टी प्रकृति के पुरुष के लिए दया निधान श्री रामचंद्र जी दायने हो गए। यह सुनकर सब सिद्ध साधु और साधक लोग सिहाते हैं। राम नाम ने
बड़े कुटिल, कायर, कपूत और आदि कोड़ी के मनुष्य को भी लाखों का सुंदर रतन बना दिया। मैं योग के आठों अंग से हीन हूँ, सब साधनों से रहित हूँ, मन वचन से मलिन हूँ तथा कुल और कर्मों में भी बड़ा पतित हूँ। मैं बुद्धि बलहीन, भाव और भक्ति से रहित, गुणहीन, ज्ञानहीन तथा भाग्य और ऐश्वर्य से भी रहित हूँ। इस दिन तुलसीदास की हीन अवस्था का उद्धार करने वाला तो राम का नाम ही है, जिसे जीभा से जप कर मैं राम जी को भी छल चुका हूँ। मुझे राम नाम से ही प्रीति है, राम नाम में ही विश्वास है और मैं राम नाम की ही कृपा से पैर पसार कर निश्चिंत होकर सोता हूँ। मेरी समझ से जब से मैं जगत में जीव होकर जन्मा हूँ, तब से मुझे लोभ क्रोध और काम ने दाम देकर मोल ले लिया है। अतएव मन से उन्हीं की सेवा होती है और उन्हीं से गहरा प्रेम है, परंतु बात बनाकर कहता हूँ कि मैं तो श्री राम का गुलाम हूँ। हे नाथ, आपने भी अयोग्य समझकर नहीं अपनाया, किंतु लोक में झूठी प्रसिद्धि हो गई कि मैं राम का गुलाम हूँ, परंतु प्रभु से भी प्रभु के नाम का प्रताप अधिक प्रचंड है। अंतः अपनी भलाई से यदि आप मेरा भला कर दे तो अच्छा ही है, नहीं तो तुलसी के कपट का खजाना खुलेगा ही। मैं ना तो अष्टांग योग जानता हूँ और ना वैराग्य, जप, यज्ञ, तप, त्याग, व्रत, तीर्थ अथवा धर्म ही जानता हूँ। मैं यह भी नहीं जानता कि वेद का विधान कैसा है। तुलसी के समान पामर ना तो कोई हुआ है और ना कहीं होगा, इसलिए सभी सोचते हैं ना जाने प्रभु इसके पापों को कैसे क्षमा करेंगे। किंतु हे रघुनाथ जी, सुनिए, मैं आपसे सच कहता हूँ, मुझे कुछ भी डर नहीं है। यदि आप मुझे क्षमा कर देंगे तो दुष्ट लोग तो अवश्य आपसे अप्रसन्न होंगे, किंतु सज्जनों को इससे कुछ भी दुख नहीं होगा। यदि आप मुझे किसी बड़े पुण्यवान के साथ तराजू पर तोलेंगे तो आपके नाम की कृपा से मेरी ओर का पलड़ा ही झुकता हुआ रहेगा। मैंने पेट की आग के कारण अपनी जाति, सुजाति, कुजाति सभी के टुकड़े मांग मांग कर खाए हैं। यह बात संसार में सबको विदित है। मन वचन और कर्म से सच्चे भाव से अर्थात स्वाभाविक ही बहुत से पाप किए और राम जी का दास कहलाकर भी दगाबाज ही बना रहा। अब राम नाम का प्रभाव, पैठ, महिमा और प्रताप देखिए, जिसके कारण तुलसी जैसे दुष्ट को भी लोग महामुनि वाल्मीकि के समान मानते हैं। रे मूढ़, तू बड़ा ही अभागा है, इतना बड़ा अचरज देख सुनकर भी श्री राम के चरणों में प्रीति नहीं करता। भिक्षा मांगने वाले ब्राह्मण कुल में तो उत्पन्न हुआ, जिसके उपलक्ष में बधावा बजाया गया, यह सुनकर माता पिता को परिताप और कष्ट हुआ। फिर बालपन से ही अत्यंत दीन होने के कारण द्वार द्वार ललचाता और बिल बिलाता फिरा। चने के चार दानों को ही अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष रूप चार फल समझता था। वही तुलसी अब समर्थ स्वामी श्री रामचंद्र जी का सुसेवक है। यह सुनकर ब्रह्मा जैसे गणक ज्योतिषी को भी चिंता और ईर्ष्या होती है। हे राम, मालूम नहीं आपका नाम चतुर है या पागल, जो तृण से भी तुच्छ पुरुष को पर्वत से भी भारी बना देता है। वेद पुराण भी कहते हैं और लोक में भी देखा जाता है कि राम नाम ही से प्रेम करने में सब तरह की भलाई है। काशी में मरने पर महादेव जी भी जीवों को उसी का उपदेश करते हैं। उन्होंने अन्य अनेकों साधनों की ओर ना दृष्टि दी है और ना उन्हें चित ही में स्थान दिया है। जो छाछ को ललचाते थे वे राम नाम के प्रसाद से सुगंधित दूध की मलाई खाने में भी नाक भों सिकोड़ते हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्य में राजनीति की पराकाष्ठा सुनी जाती है, किंतु हे राम जी, आपके नाम ने तो चमड़े का सिक्का चला दिया अर्थात अधर्मों को भी उत्तम बना दिया। अति सुंदर और श्रेष्ठ राम नाम का ऐसा प्रभाव है कि उससे सोच और संकटों को सोच तथा संकट पड़ जाता है। ज्वर भी जलने लगते हैं, डूबी हुई नौका भी तर जाती है, बिगड़ी हुई बात भी सुधर जाती है। ऐसे पुरुषों को देखकर वाम विधाता का स्वभाव भी अनुकूल हो जाता है। अभाग्य
भाग जाता है, वैराग्य प्रेम करने लगता है और तुलसी से निकम्मे और आलसी का भी भाग्य जाग जाता है। लूटने को आई हुई लुटेरों की सेना भी उल्टे रक्षक और हितकारी बन जाती है तथा राम नाम का जप करने से आई हुई मृत्यु भी टल जाती है। एक सुअर के बच्चे ने किसी अंधे अधम मूर्ख और बुढ़ापे से जर्जर यवन को राह में धक्का देकर धकेल दिया। इससे वह गिर गया और हृदय में भयभीत होकर अरे हराम ने मार डाला, हराम ने मार डाला। इस प्रकार हाय हाय करते करते काल के फंदे में पड़ गया अर्थात मर गया। गोसाई जी कहते हैं कि यह यमन नाम के प्रताप से सब प्रकार के शोकों से छूटकर त्रिलोकी नाथ भगवान राम के धाम को चला गया। यह बात जगत में प्रसिद्ध है। उसी राम नाम को जो मनुष्य प्रेम पूर्वक जपता है उसकी अगाध महिमा कैसे कही जा सकती है। मैंने ना तो जप किया न तपस्या का कलेश सहा और ना मुझे योग यज्ञ वैराग्य त्याग अथवा तीर्थ की ही इच्छा है। मुझे भाई का भी भरोसा नहीं है और ना बैरी से भी जरा सी शत्रुता है। मुझे अपना बल नहीं है और माता पिता भी अपने हितेशी नहीं है। परंतु मुझे ना तो इस लोक का डर है और ना परलोक का ही सोच है। देव सेवा का भी मुझे बल नहीं है और ना मुझे धन धाम का ही गर्व है। तुलसी के मन का कुछ इसी तरह का स्वभाव है कि भगवान राम के नाम से ही जो कुछ होगा वही उसे अच्छा लगता है। मुझे शिव गणेश सूर्य कुबेर इंद्र अर्थात देवता गौरी अथवा ब्रह्मा को नहीं जपना है। संसार से तरने के लिए उठते बैठते जागते घूमते सोते एवं स्वप्न देखते बस आपके नाम का ही भरोसा है। तुलसी यद्यपि बावला है परंतु आपकी सुगंध है। आपका ही इस बात को अपने चित में जानकर आप भी उसे अपना लीजिए। हे मेरे जानकीनाथ, आपके मुख फेर लेने पर मेरे लिए कहीं ठोर ठिकाना नहीं रहेगा। मैं कहाँ रहूंगा, सभी वीराने हैं। यह जमाना संसार में इस बात के लिए प्रसिद्ध हो गया है कि काम धेनु को बेचकर गधी खरीदी जाने लगी। ऐसे भयंकर कली काल में भी हे कृपालो, आपके नाम के प्रताप से त्रिताप दैहिक दैविक भौतिक से शरीर दगध नहीं होता। गोसाई जी कहते हैं मन वचन क्रम से मैं आपका भक्त हूँ, इसी नाते आप अपनी ओर से भी स्नेह के नियम को निभाइए। हे रंकों पर कृपा करने वाले राजाओं के राजा महाराज रघुनाथ जी, हमें तो आपकी उम्र बड़ी चाहिए, फिर कोई खटका नहीं है। मेरे स्वार्थ के कामों में चतुराई और परमार्थ के कामों में पाखंड भरा हुआ है। हे राम जी, तो भी मैं आपका कहलाता हूँ और सारा संसार भी यही जानता है। हे पिता, आपने नाम के प्रताप से आज तक अच्छी निभा दी और हे स्वामी, आगे के लिए भी प्रभु समर्थ और सर्वज्ञ है। हे देव, कलयुग के कुचाल को दिन दिन दूनी भरती देखकर और पहरेदार को भी चोर देखकर मेरा हृदय दहल गया है। हे कृपा निधान, यद्यपि आप सदा ही सावधान है तथापि तुलसी बलिहारी जाता है। आप इसकी बार बार संभाल करते रहिएगा ताकि इसके मन में विकार न आने पावे। दिनों दिन दरिद्रता दुष्काल दुर्भिक्ष दुख पाप और कुराज्य को दूना होता देखकर सुख और सुकृत संकुचित हो रहे हैं। समय ऐसा भयंकर आ गया है कि बड़े बड़े पापी तो डांट डपट कर मांगने से अपना दाव पा लेते हैं और भले आदमी का बुरा हो जाता है। जैसे बालक को एकमात्र माँ का ही सहारा होता है वैसे ही अपने तो एकमात्र सहारा सर्व संकटों से छुड़ाने वाले और समर्थ श्री सीता नाथ का ही है। हे कृपालु राम जी, तुलसी के साहस की सराहना कीजिए कि वह आपके नाम के भरोसे परिणाम की ओर से निश्चिंत हो गया है। यह मोहरूपी मद से उन्मत्त हो गया है, कुमती रूपी उल्टा स्त्री में रथ है, लोक और वेद की लज्जा को त्याग कर बड़ा अचेत बेपरवाह हो गया है, मनमानी करता है और मुंह में जो आता है वही बिना विचारे कह डालता है और उदंडता के कारण किसी की कोई बात सहता नहीं। गोसाई जी कहते हैं कि इस प्रकार मुझ में अजामिल से भी अधिक अधमता है। तीस पर भी कपट निधान कली मेरा सहायक है। बिगड़ने के तो अनेक मार्ग हैं, परंतु बनने का केवल एक रास्ता है।
वह यह है कि यह पेट रूपी पुत्र के लिए राम नाम लेता है। भाव यह है कि अधम अजामिल ने पुत्र के मिस से भगवान का नाम लिया था। मैंने भी पेट रूपी पुत्र के लिए उसी का आश्रय लिया है। जय श्री हरि। कलि वर्णन। इस संसार में ना तो हम जागते हैं ना सोते हैं, जीवन को व्यर्थ खो रहे हैं, दुख और रोग के कारण रोते हैं और काम क्रोध का कलेश मानसिक व्यथा सहते हैं। राजा रंक रागी विरागी और महाभाग्यवान तथा अभागी सभी जीव जल रहे हैं। कुटिल कलयुग का ऐसा ही प्रभाव है। गोसाई जी अपने लिए कहते हैं कि अरे अंधे, विचार कर इस जगत में जितने धंधे दिखाई देते हैं वे सब कबंध बिना सिर वाले रूढ़ की दौड़ के समान है, जिनका अंत चिंता ही है। श्री राम प्रेम की समाधि का जो सुख है वही सोना है, और जीवा भली भांति राम नाम जपे यही जागना है। इस कुसमय में वर्ण धर्म चला गया, ब्रह्मचार्य अर्थात आश्रमों ने अपना स्थान छोड़ दिया। अधर्म के त्रास से चकित होकर भग्गी सी पड़ी हुई है। कर्म उपासना और ज्ञान को कुवासना विषय भोग की प्रबल इच्छा ने नष्ट कर दिया है। वचन मात्र के वैराग्य और वेश ने जगत को ठगसा लिया है। गोरख ने योग क्या जगाया, लोगों को भक्ति से विमुख कर दिया, और वेद की आज्ञा ने खेल ही में संसार को ठगसा लिया है। गोसाई जी कहते हैं कि जिसे शरीर मन और वचन से स्वाभाविक ही राम नाम का भरोसा है, उसी के संबंध में भरोसा होता है कि वह संसार से तर जाएगा। वेद पुराण रूप सुमार्ग को त्याग कर तरह तरह की कुचाले और करोड़ों कुमार्ग चल गए हैं। समय बड़ा कठिन है, राजा दया रहित है, राज समाज मंत्री कर्मचारी बड़ा ही चली है, वर्ण विभाग नहीं रहा, न आश्रम धर्म ही रहा है, और संसार को दुख दोष और दरिद्रता ने दलित कर दिया है। ऐसे घोर कलि काल में स्वार्थ और परमार्थ के लिए राम नाम का प्रताप ही बलवान है। इस संसार का संकट मिट नहीं सकता, क्योंकि तब तो कठिन है और तीर्थों में अनेक जन्मों तक विचरते रहो, किंतु कलयुग में ना कहीं वैराग्य है ना ज्ञान है, सब सारहीन और असत्य पुरित प्रतीत होता है। नट की भांति अपने पेट रूपी कुत्सित पेटारे से करोड़ों इंद्रजाल के कौतुक का ठाट मत ठटो। गोसाई जी कहते हैं कि जो सदा सुख चाहते हो तो जीवा से रात दिन राम नाम रटते रहो। दम अर्थात इंद्रिय निग्रह कठिन है, दान दया यज्ञ कर्म और उत्तम धर्म सब धन के अधीन है, तप तीर्थ और योग साधन वैराग्य से होती है, किंतु मन की दृढ़ता तनिक भी नहीं है। इस कराल कलिकाल में राम कृपालु है, यही मन के लिए बड़ा अवलंब है। गोसाई जी कहते हैं कि सब लोग सब प्रकार के संयोग से रहित है, भक्तों को सदैव एक राम नाम का ही आधार है। मनुष्य की सुंदर देह पाकर भी मुहा रूपी नदी को पार करने के लिए भक्ति रूपी नौका प्राप्त नहीं की, और ना कोई उत्तम करनी की श्री राम कथा को भली भांति नहीं गाया, और ना प्रहलाद तथा ध्रुव जैसे भक्तों की कथा सुनी। अब भरपूर वृद्धावस्था के कारण शरीर जर्जर हो गया है, तथापि मन ने गलानी मानकर अपनी कुटेव नहीं छोड़ी। इससे तुलसी ने अच्छी तरह विचार कर यह निश्चय कर लिया है कि राम इन दो अक्षरों का ही हृदय में बड़ा अवलंब है। जय श्री हरि। राम नाम महिमा। सीधा राम नाम त्याग कर उल्टा मरा मरा जपने से कभी कोकिल श्री वाल्मीकि जी की बिगड़ी सुधर गई। राम नाम से ही गज की और गड़ी का की बन गई, और अजामिल का धोखा भी चल गया। राम नाम ही के प्रताप से बड़े कुसमाज में अर्थात दुर्योधन की सभा में द्रौपदी की लाज डंके की चोट रह गई। गोसाई जी कहते हैं कि जिसको राम इन दोनों अक्षरों में प्रीति और प्रतीति है उसका अब भी भला ही है। राम नाम अजामिल जैसे खलों को भी तारने वाला है, गज और वेश्या का भी निस्तार करने वाला है। नाम ही ने प्रहलाद के विषाद का नाश किया, और उनके पिता हिरण्यकश्यपु से होने वाले भय और सांस तरूपी
समुद्र को सुखा दिया। राम नाम में जिसकी प्रीति और प्रतीति नहीं है उसको कराल कलिकाल निगल जाने में कभी नहीं चुका, अर्थात निगल ही गया। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसके हृदय में रा और मा इन दो अक्षरों का बल हुलसता है उसकी रक्षा श्री राम जी करेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं संसार में जीव जहाँ भी उत्पन्न होता है वही तीनों तापों से जलता रहता है, इसमें किसी का दोष नहीं है, सब अपने ही किए का फल है, इसी से उसे स्वपन में भी लेश मात्र सुख नहीं मिलता। राम नाम के प्रभाव से जो कुछ होना हो सो भले ही हो किंतु उस नाम को भी मैं हृदय से नहीं लेता, केवल जीवा से ही कहता हूँ। इसके अतिरिक्त मैंने आज तक ना तो कुछ किया है ना कुछ करना है और ना कुछ कहना ही है, अब तो केवल मरना ही बाकी है। मेरे पास जीवित रहने के लिए भी कोई ठिकाना नहीं है, ना तो कोई अपना गांव है और ना देवलोक में जाने का ही कोई समान है। मैंने राम नाम रटा है इसलिए यमलोक भी कैसे जा सकता है, ऐसी दशा में कौन यमदूत मेरे समीप आ सकता है। आपकी कसम अब तो सब प्रकार से मैं आपका ही हूँ और बलिहारी जाऊँ, आप ही का मैंने आश्रय ढूंढा है। अंतः अब आप अपनी भुजा रूप पताका के नीचे व्याध और अजामिल के खड़े में ही तुलसी दास का भी घर बसा दीजिए। अजामिल ने कौन सा योग साधा था और पिंगला वेश्या ने अपनी बुद्धि को कब प्रभु के प्रेम में पागा था, भला आप व्याध की ही साधुता बतलाइए, वह तो अगाध अपराधों में ही दिखाई देती थी। करुणा निधान श्री राम की जो करुणा है वह तो करुणा करने के लिए ही है, अर्थात वह तो अकारण ही सब पर रहती है, उसे प्राप्त करने के लिए किसी गुण की आवश्यकता नहीं है। जो नाम का सुंदर निमित्त लेकर आपको धोखा देता है, हे रघुनाथ जी आप उससे रूठते क्यों हैं? कृपया प्रसन्न होइए, तुलसी दास के साथ भी आपका वही संबंध है, वह आप पर बलिहारी जाता है। जो पुरुष अभिमान और काम विकार से भरे हैं वे आचार विचार के पास भी नहीं भटकते, यह तुलसी दास भी ऐसा ही है, तथापि इसके मन में यह अभिमान है कि यह आपके सिवा किसी और दीन देवता या मनुष्य से याचना नहीं करेगा। तुलसी दास जी कहते हैं यदि मैं कोई बात बनाकर कहता हूँ तो मैं आपके अंदर हूँ और आप भी मेरे हृदय में विराजमान हैं, इसलिए आपसे कोई दुराव नहीं हो सकता। हे जानकी जीवन आप यह जानते हैं कि हम आपके हैं और आप ही के अंदर रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। दानव देवता शेष अर्थात सर्पों के राजा तथा पृथ्वी के राजा महर्षि तपस्वी और सिद्धगण ये सब संसार में मांगने वाले ही हैं। आपके सिवा संसार में कोई दूसरा दानी नहीं है, आप ही सबकी सारी बातें बनाते हैं। हे तुलसीश्वर आप इतने बड़े हैं तो भी शबरी के दिए हुए झूठे बेर बिना आपकी भूख नहीं भागी। हे दीनों के प्रतिपालक राम आप दीनों की रक्षा करके ही गरीब निवाज हुए हैं, अंतः मेरी भी रक्षा कीजिए। श्रमजीवी किसान व्यापारी भिखारी भाट सेवक चंचल नट चोर दूत और बाजीगर सब पेट ही के लिए पड़ते अनेक उपाय रचते पर्वतों पर चढ़ते और मृग्या की खोज में दुर्गम वनों में विचरते हैं, सब लोग पेट ही के लिए ऊंचे नीचे कर्म तथा धर्म अधर्म करते हैं, यहाँ तक कि अपने बेटा बेटी तक को बेच देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं यह पेट की आग बड़ बागनी से भी बड़ी है, यह तो केवल एक भगवान राम रूप श्याम मेघ के द्वारा ही बुझाई जा सकती है। तुलसीदास जी कहते हैं हे राम मैं आपकी बलि जाता हूँ, वर्तमान समय में किसानों की खेती नहीं होती, भिखारी को भीख नहीं मिलती, बनियों का व्यापार नहीं चलता और नौकरी करने वाले को नौकरी नहीं मिलती, इस प्रकार जीविका से हीन होने के कारण सब लोग दुखी और शोक के वश होकर एक दूसरे से कहते हैं कि कहाँ जाए और क्या करे, कुछ सूझ नहीं पड़ता। वेद और पुराण भी कहते हैं तथा लोक में भी देखा जाता है कि संकट में तो आप ही ने सब पर कृपा की है। हे दीन बंधु दरिद्रय रूपी रावण ने दुनिया को दबा लिया है और पाप रूपी ज्वाला को देखकर तुलसीदास हाहा करता है, अर्थात अत्यंत कातर होकर आपसे सहायता के लिए प्रार्थना करता है।
सब लोग कुल करनी ऐश्वर्य यश सुंदर रूप गुण और यौवन के जवर में जल रही है अर्थात नष्ट हो रही है, कहीं भी कल नहीं मिलता। इस रोग के लिए राजकार्य कुपित्य है और नाना प्रकार के भोग इस रोग को बढ़ाने वाली दूषित सामग्री है और वेद के जानने वाले विघा पाकर विवश हो प्रलाप करने लगते हैं। तात्पर्य यह है कि कुल इत्यादि के अभिमान से तो जलते ही थे, अब राजकाज रूपी कुपित्य और भोग रूपी कुसमाज तथा वेद बुद्धि और विघा पाकर उन्मत हो गए हैं, अतएव कुछ सूझता नहीं। इसी कारण तुलसीदास के स्वामी श्री रामचंद्र की गति को कोई नहीं जानता, जो पल मात्र में पर्वत को खाक और खाक को पर्वत कर देते हैं। ऐसी स्थिति देखकर किस पर क्रोध किया जाए और किसको दोष दिया जाए। कलिकाल ने सारे संसार में उपद्रव मचा दिया है, हे राम रक्षा कीजिए। कली के वशीभूत होकर लोग ऐसे हो गए हैं कि बबूर और बहेड़े का बाग लगाकर उसकी बाड़ बनाने के लिए कल्प वृक्ष को काट कर लाते हैं और ऐसे नीच हो गए हैं कि हरिश्चंद्र और दधीचि को भी गाली देते हैं, जिन्होंने परोपकारार्थ शरीर तक दान कर दिया था और अपने चने चबाकर भी हाथ चाटते हैं कि कहीं कुछ लगा तो नहीं है, अर्थात परम दरिद्री है, अपने तो महापात की है। परंतु विष्णु भगवान और शिवजी तक को हंसते हैं, स्वयं भाग्यहीन है परंतु बड़े बड़े भगवानों को डांट देते हैं। कली के पापों ने सबके मनों को अत्यंत मलिन कर दिया है, परंतु ऐसी अवस्था में भी ये लोक परलोक सुधारना चाहते हैं, मानो मच्छर की पसलियों से अपार समुद्र को पाटना चाहते हैं। हे कराल कलिकाल महाराज सुनो, जिसको तुम नष्ट करना चाहो उसकी रक्षा भला कौन कर सकता है। मैं तो दीन दुर्बल हूँ और आपका कुछ भी बिगाड़ा गिराया नहीं, मैं भी और तुम भी उसी ईश्वर के हैं जिसका यह सारा संसार है। तुम जो काम क्रोध को मेरे पीछे लगाकर मुझे आंखें दिखलाते हो सो तुम इतना विरोध करने वाले कौन हो। मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी बड़े विज्ञ हैं, अर्थात वे सब जानते हैं, उन्होंने श्रवण का भी पक्ष किया था। मैं तो राम शाह का गुलाम हूँ और राम बोला मेरा नाम है, फिर वे मेरा पक्ष क्यों ना करेंगे। हे कराल कलिकाल सच कहो, मैंने तुम्हारा क्या ढाला या बिगाड़ा है। क्या यह काम क्रोध लोभ और मोह का जाल रच मुझ ही पर फैलाना था। तुम आज जगत के स्वामी और बड़े सामर्थ्यवान हो, परंतु हे देव मेरी भी यह बहुत बुरी आदत है कि जानकीनाथ श्री राम के बिना किसी दूसरे के सामने हाहा नहीं खाता, यानी अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना नहीं करता। मैं गंगाजल पीता हूँ और नित्य राम के दो नाम लेता हूँ। हे कलिकाल मुझे तुमसे कुछ भी लेना देना सरोकार नहीं है और मैं भूलकर भी तुम्हारी ओर नहीं देखूंगा। यदि तुम जानबूझकर मेरे साथ जोर अत्याचार करोगे तो परिणाम में तुम ही पछताओगे। मैं नहीं डरूंगा, जिस तरह गरुण ने ब्राह्मण को नहीं पचने के कारण उगल दिया वैसे मैं भी तुम्हारे पेट में नहीं पचूंगा। लोग राजहंस के बच्चे को खेलकर उल्लू के बच्चे का लालन पालन करते हैं, सुंदर और पवित्र धान को बटोर और जलाकर ऊसर भूमि के लिए बीज बटोरते हैं। गुण और ज्ञान का बड़ा अभिमान और सत करता है, इसलिए मूसर बनाने के लिए कल्प वृक्ष काटते हैं। कलिकाल ने विचार और आचार को हर लिया है, इसी से बुद्धिहीनों को कुछ नहीं सूझता क्या कर्तव्य है और पढ़ने का क्या फल है, यह समझकर वेद के भेद को नहीं विचारते। वेद का सार तत्व और कलयुग में स्वार्थ एवं परमार्थ के एकमात्र कल्प वृक्ष राम नाम को विसार दिया। ज्ञान अभिमान वश व्यर्थ के वाद विवाद से विषाद को बढ़ाकर अपनी और दूसरों की छाती जलाते हैं और चारों वेद छेव शास्त्र नवो व्याकरण और अठारहों पुराणों को पढ़कर कुखाट को चीरने के समान व्यर्थ गवा देते हैं। भाव यह है कि उनका इन सब शास्त्रों को पढ़ना वैसा ही निष्फल होता है जैसा कुकाट को चीरना।
वेद शास्त्र और पुराण करोड़ों मार्गों का वर्णन करते हैं, परंतु वे समझ में नहीं आते और जो मुनि लोग हैं वे अपने आप को ही ईश्वर सिद्ध और चतुर कहलवाते हैं। जितने धर्म थे उन सबको कलयुग लील गया है, तथा जप योग और वैराग्य अर्थात अपनी अपनी जान लेकर भाग गए हैं। गोसाई जी कहते हैं कि इनका सोच करके कौन मरे, हम तो जानकी नाथ श्री रामचंद्र के हाथ बिक गए हैं। चाहे कोई धूर्त कहे अथवा परम हंस कहे, राजपूत कहे या जुलाहा कहे, मुझे किसी की बेटी से तो बेटे का ब्याह करना नहीं है, ना मैं किसी से संपर्क रखकर उसकी जाति ही बिगाड़ूंगा। तुलसीदास तो श्री रामचंद्र का प्रसिद्ध गुलाम है, जिसको जो रुचे सो कहो, मुझको तो मांग के खाना और मस्जिद देवालय में सोना है, ना किसी से एक लेना है ना दो देना है। मेरे कोई जाति पाति नहीं है और ना मैं किसी की जाति पाति चाहता हूँ। कोई मेरे काम का नहीं है और ना मैं किसी के काम का हूँ। मेरा लोक परलोक सब श्री रामचंद्र के हाथ है। तुलसी को तो एकमात्र राम नाम का ही बहुत बड़ा भरोसा है। लोग अत्यंत गवार हैं, कहावत भी नहीं समझते कि जो गोत्र स्वामी का होता है वही सेवक का होता है। साधु हूँ अथवा असाधु, भला हूँ अथवा बुरा, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं जैसा कुछ भी हूँ श्री रामचंद्र का हूँ। क्या मैं किसी के दरवाजे पर पड़ा हूँ? कोई कहता है कि यह तुलसी कुसाज अर्थात छल कपट अर्थात करता है, कोई कहता है कि यह बड़ा दगाबाज है, और कोई कहता है कि यह श्री रामचंद्र का खूब सच्चा सेवक है। साधु मुझे परम साधु जानते हैं और दुष्ट महादुष्ट समझते हैं। झूठी सच्ची करोड़ों प्रकार की बातों की लहरें उठा करती है। मैं तो किसी से कुछ चाहता नहीं, न किसी के विषय में कुछ कहता हूँ, सबके सहता हूँ, चित में कोई घबराहट नहीं है। तुलसी का बुरा भला तो रघुनाथ जी के ही हाथ है। मेरी बुद्धि राम भक्ति रूप भूमि में धूप के समान है, अर्थात मेरी बुद्धि का परम आश्रय राम भक्ति ही है। योगी जंगम परिव्राजक अथवा लिंगायत साधु सन्यासी और मंडली बनाकर रहने वाले साधु इसलिए जागते हैं कि एक ओर तो वे परमेश्वर का ध्यान करते हैं और दूसरी ओर उनके मन में काम क्रोध मोह लोभ का बड़ा भारी डर बना रहता है। राजा लोग राजकाज सेवा मंडल तथा अनेकों प्रकार की सामग्री के पीछे जागते रहते हैं और बड़े बड़े प्रतिकूल शत्रुओं के समाचार को सुनकर शोचग्रस्त रहते हैं। बुद्धिमान पंडित लोग विवाह के लिए लोभी पुरुष पृथ्वी धन और घर के लोभ में जागते हैं। भोगी लोग भोग के लिए और व्योगी तथा रोगी लोग विरह एवं रोग के संताप के कारण जागते हैं, किंतु तुलसीदास तो एक राम जी के भरोसे सुख पूर्वक सोता है। हमारे माता पिता बंधु आत्मीय गुरु पूज्य और परम हितकारी राम ही हैं। राम ही हमारे स्वामी सखा और सहायक हैं, तथा पवित्र चित्त से जितने प्रेम के संबंध हैं सब राम ही हैं। हमारे देश कोश कुल धर्म कर्म धन धाम और गति भी राम ही है। हमारे जाति पाति भी राम ही है और हमारी प्रतिष्ठा भी सब प्रकार श्री राम ही के पीछे है। परमार्थ स्वार्थ सुयश सब प्रकार के फल हमें राम ही से सुलभ है। गोसाई जी कहते हैं कि अभी या जब कभी हो मेरा भला तो एक राम ही से होगा। जय श्री हरि। राम गुणगान। हे महाराज, हे सेवक सुखदायक राम, मैं आपकी बलि जाता हूँ। हे महाराज, हे सुंदर और सर्व समर्थ राम, मैं आपकी बलि जाता हूँ। हे महाराज, हे राम, आप सब संकटों से छुड़ाने वाले हैं, मैं आपकी बलि जाता हूँ। हे कमल नयन महाराज राम, मैं आप पर बलिहारी हूँ। आप करुणा के धाम शरणागत रक्षक और पापों को दूर करने वाले हैं। हे राम, मैं आपकी बलि जाता हूँ। कलिकाल के भय से व्याकुल तुलसीदास को आप अपनी शरण में रखिए। ताड़का और सुभाव का नाश करने वाले मारीच के मद को तोड़ने वाले विश्वामित्र मुनि के यज्ञ की रक्षा में दक्ष शिलारूप अहिल्या को तारने वाले करुणा की खानी राजाओं के मद सहित शिवजी के धनुष को तोड़ने वाले आपकी जय हो।
कुठार धर परशुराम के अभिमान को चूर्ण करने वाले सूर्य कुलभूषण भगवान राम आपकी जय हो। जनकपुरी को आनंद देने वाले परम सुख सागर शोभा धाम श्री रामचंद्र जी आपकी जय हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवताओं के मुकुटमणि जानकी रमण श्री रामचंद्र जी की जय हो, जय हो, जय हो। जयंत को जीतने वाले अंतरहित और साधु जनों को आनंद देने वाले राम जी आपकी जय हो। विराध के वध में कुशल तथा देवता और मुनि गणों का भय दूर करने वाले प्रभु राम आपकी जय हो। राक्षसी शूर्पणखा को रूप रहित करने वाले रघुकुल के भूषण आपकी जय हो। 14,000 वीरों और खरधूषण त्रिशिरा का नाश करने वाले आपकी जय हो। दंडक वन को पवित्र करने वाले तथा तुलसीदास के संशय का नाश करने वाले आपकी जय हो। संसार में प्रख्यात तथा जगत के प्रकाशक जानकी रमण भगवान राम आपकी जय हो, जय हो, जय हो। माया मृग रूप मारीच को मारने वाले तथा जटायु और शबरी का उद्धार करने वाले भगवान राम आपकी जय हो। कबंध को मारने वाले और बड़े बड़े ताड़ के वृक्ष को विदरण करने वाले प्रभु राम आपकी जय हो। बल संपन्न बालिका नाश करने वाले सुग्रीव को राज्य देने वाले तथा संतों का हित करने वाले आपकी जय हो। भयानक भालू और वानर वीरों के कटक का पालन करने वाले दयादृचित रघुनाथ जी आपकी जय हो। जानकी जी के वियोग जनित दुख के कारण समुद्र का दमन करके उस पर सेतु बांधने वाले राम जी आपकी जय हो। तथा रावण से विभीषण को अभय देने वाले हे जानकी रमण आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जय श्री हरि। राम प्रेम की प्रधानता। सुमेरु पर्वत थालहा हो, सुंदर चिंतामणि बीज हो, कामधेनु के अमृतमय अत्यंत शुद्ध दुग्ध से उसे सींचा जाए, उसे तीर्थराज प्रयाग अंकुर रूप से प्रकट हो, उसकी रक्षा स्वयं कुबेर जी करे, उसकी मरकत मणिमय शाखा और पत्ते हो और मंजीरी साक्षात लक्ष्मी जी हो, तथा सब प्रकार की मुक्तियाँ ही जिसके फल हो, ऐसा यह कल्पतरु स्वभाव से ही सब प्रकार के मंगल और सुखों की वर्षा करता हो, तो भी तुलसीदास जी कहते हैं हे रघुवंश मणि, वह कल्प वृक्ष क्या कभी आपके हाथों के बराबर हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। वह समर्थ वीर व्यर्थ है जो संग्राम का अवसर पाकर भी युद्ध नहीं करता, जो यति सन्यासी अथवा विरक्त कहलाकर विषय की वासना को न छोड़े वह विरक्त भी व्यर्थ है। दान शून्य धनी और धर्म चरण शून्य निर्धन भी व्यर्थ है, जो पंडित पुराण पढ़कर सुकर्म में रत नहीं है वह भी नष्ट है, जो पुत्र माता पिता की भक्ति रहित है वह भी नष्ट है, और जिसे पति प्यारा नहीं है वह स्त्री भी व्यर्थ है। तुलसीदास जी कहते हैं यदि श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नवीन प्रेम ना हो तो सभी कुछ व्यर्थ है। क्रोध ने किसको नहीं जलाया, काम ने किसको वशीभूत नहीं किया, लोभ ने किसको दृढ़ फांसी में बांधकर त्रस्त नहीं किया, किसके हृदय में स्त्रियों के नेत्र रूपी कठिन बाण नहीं लगे, और कौन मनुष्य धन पाकर आंखों के रहते हुए भी अंधा नहीं हुआ। सुरलोक पृथ्वी मंडल नरलोक तथा नागलोक अर्थात पाताल लोक में ऐसा कौन है जिसको मोहने ना जीता हो। गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं कि इनसे तो वही बच सकता है जिसकी रक्षा कमल नयन श्री राम जी करते हैं। जो लोग भ्रुकुटी रूप कमान पर अच्छी प्रकार चढ़ाए हुए कामनी कटाक्ष रूप बाण से बचे हुए हैं, अभिमान रूप आवा में क्रोध रूप अग्नि की ज्वाला से जिनके मन घड़े की भांति नहीं तपे हो, तथा जो लोभ रूप नट के अधीन होकर संसार में बंधन की तरह अनेक नाच नहीं नाचे, तुलसीदास जी कहते हैं वही भगवान श्री राम के सच्चे दास हैं। यो तो सभी साधु अच्छे हैं, जो लोग उत्तम साधु का सा वेश बनाकर पवित्र एवं अमृत चूते हुए वचन बोलते हैं,
किंतु जिनके हृदय से पृथ्वी धन और घर की आग तृष्णा दूर नहीं होती, जो करोड़ों उपाय करके शरीर का लालन पालन करते हैं किंतु मुख से कहते हैं कि हमें तो केवल राम नाम का ही भरोसा है, जो अपनी उपासना को तो प्रकट करते हैं किंतु अपनी बुरी वासनाओं को छुपाते हैं, तथा जिनके चित्त लोभ मोह और काम के निवास स्थान बने हुए हैं, तुलसीदास जी कहते हैं वे आसक्ति क्रोध ईर्ष्या कपट और कुटिलता से भरे हुए मेरे जैसे भक्त भी राम की भक्ति चाहते हैं। अर्थात जो पुरुष ऐसे कुटिल आचरण करते हुए भी भगवान को रिझाने की आशा रखते हैं, वे बड़े ही हास्यास्पद हैं। कुचाली लोग कहते हैं मुझे कल ही तरुण शरीर प्राप्त हो जाएगा, कल ही भूमि और धन प्राप्त हो जाएंगे, और कल ही मैं युद्ध में विजय प्राप्त कर लूंगा, कल ही मैं अपने सारे कार्य सिद्ध कर लूंगा, और कल ही मैं राज समाज जोड़ लूंगा। मच्छर के समान होकर भी वे कहते हैं मेरे बोझ से मेरु पर्वत भी हिल जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं इस कुप्रवृत्ति के कारण बहुत से घर नष्ट हो गए हैं, इस समय भी नष्ट होते हैं तथा आगे भी होंगे, परंतु यह सब देख सुन और समझकर भी वह कुप्रवृत्ति लोगों को दिख नहीं पड़ती, और न किसी ने कभी यह कहा कि काल आयु का भी काल अंत कल ही है। जय श्री हरि। राम भक्ति की याचना। भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में त्रिलोकी में तुलसीदास के समान नीच कोई नहीं हुआ। सभी साधु जन इसकी निंदा करते हैं, परंतु मैं सुनकर भी संकोच नहीं मानता। जानकीनाथ भगवान राम भी इसे योग्य नहीं समझते, इसी से मुझे अपनाने में उन्हें अपने चित्त में हानि जान पड़ती है। मुझे इस बात की शिकायत भी क्यों होनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में ही मैं बड़ा पापी पाखंडी और नीच हूँ। मैं पेट भरने के लिए ही महाराज का कहलाया, और महाराज ने भी कहा है कि मैं अपने शरणागत का उद्धार कर देता हूँ, किंतु अपनी पाप राशि और कलिकाल की कुटिलता देखकर मैं व्याकुल हो जाता हूँ, और उसी अपने उद्धार के ही विषय में चिंता करने लगता हूँ। धर्म के सेतु भगवान संसार का कल्याण करने के लिए और पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही मनुष्य के रूप में अवतरण हुए। नीति प्रतीति और प्रीति का पालन करना प्रभु का स्वभाव ही है, तथा लोक और वेद की मर्यादा रखना यह भी श्री रघुवर का प्रण है। आप सुग्रीव और विभीषण के ऋणी हैं। यह बात सुनकर दास का अंग अंग जलता है कि मुझ पर ऐसी कृपा क्यों नहीं करते। अंततः मैं आपकी बलिहारी जाता हूँ, अपने प्रण की रक्षा करके आपसे जो बने वही कीजिए। यह तुलसीदास तो आपके घर का घर जाया पुस्तैनी सेवक है, महाराज के नाम के साथ अच्छी प्रकार निर्वाह करने वाला अर्थात राम नाम जपने वाला मन से सबको अच्छा लगता है, परंतु मैं लोगों को अच्छा नहीं लगता। अंततः हे राम, इस बार आप मेरी ओर कृपा दृष्टि कीजिए। आपके कृपा कटाक्ष के लिए मैं ललायित हूँ। जिस प्रकार दरिद्र स्नेह के लिए अथवा स्नेह युक्त पदार्थों पकवानों के लिए ललायित रहता है, तुलसीदास कहते हैं मैं कलिकाल की करालता और कृपालु प्रभु के स्वभाव को समझकर सकुचाता हूँ। इस समय सारा संसार एक सा हो रहा है, सभी मेरी निंदा करने वाले हैं, और आप त्रिलोकी नाथ होकर भी लोक के अधीन हैं, किंतु मुझे अपनी चिंता नहीं है। मैं तो प्रभु के सोच में ही सुखा जाता हूँ कि कहीं लोग यह ना कहने लगे कि राम जी भी कलयुग में अपना स्वभाव छोड़कर करुणा रहित हो गए। जय श्री हरि। प्रभु की महत्ता और दयालुता। जब तक तुलसीदास राजा राम का खुल्लम खुल्ला दास नहीं हो जाता, तभी तक वह लोभ के कारण लोलूप लालची और वाचाल बना हुआ टुकड़े टुकड़े के लिए ललायित रहता है, और पृथ्वी धन एवं ग्रह आदि के लिए बार बार ललचाता रहता है, तभी तक उसे वियोग और रोग का शोक रहता है, तभी तक उसे यातना भोगनी पड़ती है, और तभी तक उसे पल पल का जीवन युग के समान जान पड़ता है, तभी तक उसका शरीर दुख और दरिद्रता के कारण सर्वदा अत्यंत जलता रहता है, और तभी तक वह मोह क्रोध और काम का गुलाम है, और तभी तक सारे दुख तो उसके हिस्से में है और सारे सुख दूसरों के हैं।
जो राजाओं के राजा और महेश्वर के भी ईश्वर है, उन जानकीनाथ का जब तक जीवा से भजन नहीं करता, तभी तक जीव दीन हीन और मलिन रहता है। उसे स्वपन में भी सुख नहीं मिलता और जहाँ तहाँ वह दुखी मनुष्य कलेश का पात्र होता है। तभी तक वह नंगे पैर पेट खलाए और मुंह बाए देश देश का तिरस्कार सहन करता फिरता है, तथा तभी तक उसे दरिद्रता का दयावह और दुसह दुख घास फूस की शैया पर सोना और झीने खेस का ओढ़ना रहता है। हे नाथ, आप ब्रह्मा अर्थात ईश्वरों के भी ईश्वर, महाराजाओं के महाराज, देवों के देव और प्राणों के भी प्राण है। आप काल के भी काल, महाभूतों के भी महाभूत, कर्म के भी कर्म और कारण के भी कारण है। किंतु वेद के लिए अगम होने पर भी आप तुलसीदास जैसे साधारण पुरुष के लिए सुलभ है। इतने महान होने पर भी आप शील के समुद्र और करुणा के भंडार हैं। आपकी महिमा अपार है। आपकी किसी भी वाणी वेद पुराण अर्थात का बारा पार नहीं है, किंतु इतना बड़ा प्रभु तत्व रहते हुए भी आप बड़े ही सावधान हैं। इसी से यदि कोई अत्यंत तुच्छ प्राणी भी आपके अनन्य शरणागत हो जाता है तो आप उसकी पूरी पूरी चिंता रखते हैं। भगवान राम दीन दुखियों के रक्षक एवं दयामय हैं। उनका जिसने जहां स्मरण किया उसके लिए वे वही खड़े हो जाते हैं। उनके नाम के प्रभाव की बड़ी ही महिमा है। जिसने खोटों को बहुमूल्य और छोटों को बड़ा कर दिया, उनके एक से एक बढ़कर अनेकों सेवक हुए, जिनमें से कोई भी आध्यात्मिक अर्थात त्रितापों से संतप्त नहीं हुए। परंतु प्रेम तो मैं प्रहलाद का ही मानता हूँ, जिसने पत्थर में से भगवान को प्रकट कर दिया। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को मारने के लिए तलवार निकाल ली, उसके मन में कहीं तनिक भी दया ना थी, किंतु काल के समान भयंकर पिता को देखकर भी प्रहलाद जी भागे नहीं। और जब उसने कहा, बता तेरा राम कहाँ है, तो बोले सर्वत्र है। इस पर उसने पूछा, क्या इस खंभे में भी है, तो प्रहलाद जी ने कहा हाँ। उनकी इस हाँक को सुनते ही नरसिंह जी प्रकट हो गए और शत्रु का नाश कर क्रोधवश बड़े भयंकर बन गए। फिर वे प्रहलाद जी के प्रार्थना करने पर ही शांत हुए। तुलसीदास जी कहते हैं, इसी से भगवान के प्रति लोगों का प्रेम और विश्वास बढ़ गया और तभी से लोग पाषाण पाषाणमय प्रतिमाओं का पूजन करने लगे। बहिर्गत सगुण रूप भगवान राम अंतर्यामी निराकार ईश्वर से भी बड़े हैं, क्योंकि जिस प्रकार हाल की ब्याई गऊ अपने बच्चे का शब्द सुनते ही स्तनों में दूध उतार दौड़ी आती है, उसी प्रकार वे भी अपना नाम सुनकर दौड़े आते हैं। तुलसीदास तो अपनी समझ की बात कहता है, ऐसी बावली बातें दूसरे लोगों से कहे जाने योग्य नहीं हुआ करती। प्रहलाद के प्रतिज्ञा करने पर उसके लिए प्रभु पत्थर से ही प्रकट हो गए, हृदय से नहीं। कायर हिरण्यकश्यपु ने करोड़ों कुचाले की ओर बालक प्रहलाद को बुलाकर काल को बलि दे दिया। पिता हिरण्यकश्यपु बड़ा ही पापी था। उस दुष्ट ने प्रहलाद जी को कष्ट देने में अपनी ओर से कोई कसर नहीं रखी। उसने बहुत सी विषमूलें दी, किंतु प्रहलाद जी की साधुता से वे अमृत की मलाई बन गई। तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान राम की कृपा से संसार में उनके साधु सेवक की सब प्रकार भलाई ही होती है। कंस ने ब्रजवासियों के प्रति बहुत बुरी तरह से कुचाल की, परंतु उसकी एक भी चाल ना चली। पांडु के पुत्र युधिष्ठर अर्थात बड़े साधु थे, उनके लिए कुपुत दुर्योधन छलने में छोटे कलयुग के समान हो गया, अर्थात उसने भी उन्हें छलकर पद दलित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। परंतु कृपालु श्री कृष्णचंद्र बड़े ही शरणागत रक्षक हैं। अंततः अपनी ही दुष्टता के कारण वे दुष्ट बकासुर अर्थात राक्षस स्वयं नष्ट हो गए। तुलसीदास अपने सच्चे विश्वास की बात कहता है कि संसार में भले की तो भलाई ही भलाई होती है। इस पृथ्वी पर ऐसे अनेकों राजा हो गए हैं जिनके भय के कारण देवता लोग चिंता में ही सूखे जाते थे। मनुष्य राक्षस और देवताओं को सताने के लिए एक रावण ही क्या संसार में किसी से कम रचा गया था।
वे सब और दुर्योधन भी जो कि अनेकों छत्रों की छाया में चलते थे पृथ्वी की धूली में मिल गए। वेद पुराण कहते हैं और सारा संसार भी जानता है कि श्री गोविंद को अभिमान अच्छा नहीं लगता। जय श्री हरि। गोपियों का अनन्य प्रेम। श्री कृष्ण के मथुरा पधार जाने पर उनकी वियोग व्यथा से पीड़ित कोई ब्रजबाला योग सिखाने आए हुए भगवान के प्रिय सखा उद्धव जी को भ्रमर के व्याज से कहती है, हे भ्रमर, जिस समय मेरे नेत्रों ने इस ठगिया श्याम सुंदर से प्रीति जोड़ी थी, उसी समय एक चतुर सखी ने तुझे बलपूर्वक रोका था, किंतु मैं नहीं जानती थी कि आगे इसमें वियोग जैसा रोग निकलेगा, इसलिए उस समय मैं उस पर नाराज हुई और उसका तिरस्कार किया। अब नेहा लगाने से मेरी देह मानो वस्त्र हो गई है, उसे विरह रूपी दर्जी ब्योत रहा है। हे भ्रंग, सुन, उस व्रजराज दुलारे के बिना काम मेरे जी का ग्राह हो गया है। हे उद्धव जी, व्रज को जो यह योग का संदेश भेजा गया है वह सब उस दुष्टा दासी की चाला की भरी चाल है। अब भला कुबड़ी ऐसा क्यों ना कहेगी जिसे घातक श्री कृष्ण ने खोजकर वरण किया है। विरह की आग कैसे होती है यह तो वही जान सकती है जिसे वह लगती है। आज कुब्जा तो नंदनंदन की सुहागिन बनी हुई है, उसे हमारी पीर का क्या पता, किंतु इससे हमें श्याम सुंदर की बुद्धिमानी का पता लग गया। उन्हें कुबड़ बहुत पसंद है, इसलिए अब हम भी पीठ पर बनावटी मोटरी बांधा करेगी जिससे कुबड़ी दिखाई दिया करे। छबीले श्याम सुंदर ने कहीं से जैसे तैसे ढूंढकर कुबड़ी जैसी बाला का यह भ्रमर रूप बड़ा उत्तम सेवक भेजा है। यह बड़ी ज्ञान की बातें गलने वाला, बिना जिह्वा के ही बोलने वाला, बाल की खाल खींचने वाला और हृदय की पीड़ा को बढ़ाने वाला है। यह प्रीति का वध करने वाला, विशेषतया रस रीति को नष्ट करने वाला और बड़ा नीति कुशल एवं विवेकी है, सो इसमें इसका कोई दोष नहीं। देश काल का ऐसा ही विधान है, तुलसीदास जी कहते हैं। अब कहने से कुछ प्रयोजन सिद्ध थोड़ी ही होगा, अब तो सबको सहना ही पड़ेगा, क्योंकि जब नंदनंदन से वियोग हो गया तब योग के लिए अवसर आ ही गया। जय श्री हरि। विनय। हे हनुमान जी, हे लाडले लखनलाल, हे मन भावन भरत जी, तनिक कृपा कर इस सेवक की सहायता कीजिए। यह दीन दुर्बल और दयापात्र दास आपसे विनय करता है, इससे यदि कोई भाव बिगड़ जाए तो आप ही सुधार ले। मेरी स्वामिनी सदा मेरे मस्तक पर विराजमान रहती है, सो हे देवी, आप भी इस दास को अपने चरणों का दर्शन क्यों नहीं कराती। हमारे प्रभु का तो खींचने में भी रीझने का स्वभाव है, वे तो सदा ही प्रसन्न रहते हैं। अंतः राम की दुहाई, इस समय भी श्री रघुनाथ जी अवश्य रीझे होंगे। माता जी, मैं तुमसे ठीक ठीक कहता हूँ, मेरा वेश तो वैराग्य का सा है किंतु मन राग से भरा हुआ है। तुम्हारे ही स्वामी का नाम बेचकर अर्थात राम के नाम पर भीख मांगकर मैं इन पापी पामर प्राणों का पोषण करता हूँ। इतने बड़े अपराधी और पापी से, हे माता, तू यह कह दे कि तू मेरा है और मुझी से उत्पन्न हुआ है, इसी से मेरे स्वार्थ और परमार्थ दोनों सिद्ध हो जाएंगे, फिर मेरे अंदर किसी प्रकार की कमी नहीं रह जाएगी। जय श्री हरि। सीतावट वर्णन। जहाँ सप्त ऋषियों का उपदेश सुनकर राम मंदिर को उल्टे क्रम से मरा मरा जपते हुए वाल्मीकि जी व्याद से महामुनि साधु हो गए, जो श्री सीता जी का निवास स्थान और कुश तथा लव का जन्म स्थान था। तुलसीदास जी कहते हैं, झांकी छाया का स्पर्श होते ही शरीर का सारा ताप शांत हो जाता है। वह वृक्षराज सीतावट श्री गंगा जी के तट पर शोभ्यमान है, उसके दर्शन मात्र से पापी पुरुष भी पवित्र हो जाता है। यह स्थान बारीपुर और दिगपुर, इन दो गांवों के बीच में है और श्री जानकी जी के चरण कमलों से अंकित है।
उसके पत्ते मरकत मणि के समान नील वर्ण तथा फल माणिक्य के सदृश हरे रंग के हैं। अपनी जटाओं के कारण वह ऐसी शोभा देता है मानो वृक्ष रूप में महादेव जी ही हो। वह मानो सुंदरता का पुंज है अथवा सुकृत का सुमेरु है। किमा सब प्रकार की संपत्ति आनंद और मंगल का घर है। यदि यह किसका स्थान है अर्थात जानकी जी का निवास स्थल है, इसका विचार करके विश्वास और प्रीति पूर्वक उसका सेवन किया जाए तो वह सब प्रकार के इच्छित फल देता है। वह सुंदर भूमि श्री गंगा जी के तट पर सुशोभित है। यह राम वल्लभा श्री जानकी जी का वट कलयुग में कल्प वृक्ष के समान है। साधारण वट वृक्ष में भी श्री महादेव जी का निवास होता है। फिर इसके समीप तो गंगा जी का तट तथा मुनिवर वाल्मीकि जी का आश्रम है जहाँ श्री सीता जी ने निवास किया था। अंतः इसकी महिमा का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। यह योग जप यज्ञ और वैराग्य के लिए तो बड़ा पवित्र पीठ है, किंतु रागी पुरुषों को जो इसे बाहरी दृष्टि से देखेंगे यह बड़ा रूखा जान पड़ता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि यहाँ के लोग विचार पूर्वक जो आज्ञा आदेश भैया अर्थात शिष्ट शब्दों का स्वभाव से ही प्रयोग करते हैं, यह सीतावट राम भक्तों के लिए तो कल्प वृक्ष के भी अधिक है, क्योंकि इसका सेवन करने से अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों फल करत लगत हो जाते हैं, जबकि कल्प वृक्ष से अर्थ धर्म और काम केवल तीन ही फल मिलते हैं। जय श्री हरि। चित्रकूट वर्णन। जहाँ का वन अति पवित्र है और पशु पक्षी अत्यंत सुहावने हैं तथा जिसे खेत के टुकड़े के समान हरा भरा देखकर बड़ा आनंद आता है, जहाँ सीता राम और लक्ष्मण का निवास था, जहाँ अनेकों मुनिजन रहते हैं तथा जो सिद्ध साधु और साधकों के लिए विवेक रूपी वृक्ष के समान है, जहाँ सभी झरनों से अति शीतल और पवित्र जल झरता रहता है तथा मंदाकिनी नदी श्री महादेव जी के जटा जूट के समान जान पड़ती है। तुलसीदास जी कहते हैं यदि तुम्हें भगवान राम के सच्चे स्नेह की चाह है तो प्रेम पूर्वक अद्भुत चित्रकूट का सेवन करो। मोह रूपी वन में पाप राशि रूप सावज हिंस्त्र पशु कली कलमश रूप मांस से मोटे हो रहे हैं, ऐसा चित में जानकर श्री रघुनाथ जी ने आज्ञा दी है। अंतः समर्थ वीर लखन लाल की सहायता पा चित्रकूट अचल अहेरी होकर उनकी घात में बैठे हुए हैं। वे उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे तथा इस प्रकार साधु गौ और ब्राह्मणों के भय को हटावेंगे। उसके लिए वे मंदाकिनी जैसी मनोहर कमान तथा उसके जल की धारा रूप बाणों को अपने कर कमलों से धैर्य पूर्वक धारण करेंगे। एक समय चित्रकूट में दावगनी लगी। गोसाई जी अब उसी का वर्णन करते हैं। इस समय चित्रकूट में डटकर दावन लगी हुई है और इसी प्रकार प्रज्वलित हो रही है, जैसे हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी। दावगनी के ताप से ज्वालाओं की लपक से तोसे हुए राक्षस लोग इधर उधर भागे थे। उस समय की महान शोभा का वर्णन किस प्रकार किया जाए, उसकी उपमा को विचारता हुआ कवि बड़ी देर से ताकता रह गया है, परंतु उसे इसके अनुरूप कोई उपमा नहीं मिलती। ऐसा जान पड़ता है मानो हनुमान जी के वक्षः स्थल पर संसार को जीतने का जड़ाऊ पदक तमगा सुशोभित हो। जय श्री हरि। तीर्थराज सुषमा। देवता लोग आपस में कहते हैं अरे तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करने चलो, उनके दर्शन मात्र से बड़े बड़े अपराध नष्ट हो जाते हैं, वहाँ अच्छे अच्छे साधु स्नान किया करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं वहाँ श्री गंगा और यमुना के शुभ्र एवं श्याम वर्ण जल का संगम बड़ा ही शोभ्यमान जान पड़ता है। उसकी तरंगों को देखकर हृदय बड़ा हर्षित होता है, मानो इधर उधर फैले हुए कामधेनु के शुक्ल वर्ण मनोहर बछड़े हरी हरी घास चर रहे हो। जय श्री हरि। श्री गंगा महात्म्य। करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार हो गया, उसे चलता देखकर उसे वर्ण करने के लिए देवांगनाएं आपस में झगड़ने लगती हैं।
देवराज इंद्र उसके लिए विमान बनाकर सजाने लगते हैं। ब्रह्मा जी जो कि उसके महात्म्य को जानने वाले हैं, उसके पूजन की सामग्री जुटाने लगते हैं और हे गंगा जी, तुम्हारी तरंगों का दर्शन होते ही विष्णु लोक में उसके लिए घर की नींव पड़ जाती है, अर्थात उसका विष्णु लोक में जाना निश्चित हो जाता है। जिस परब्रह्म परमात्मा को वेद सर्वव्यापी कहते हैं, जिसके गुण और ज्ञान की थाह गुणीजन और शारदा भी नहीं पा सकते, जो संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने वाला देवताओं का स्वामी तथा लोक परलोक का प्रभु है, जो ब्रह्मा शिव और मुनि जनों का भी स्वामी है, निश्चय वही जल रूप हो गया है। तुलसीदास जी कहते हैं, अरे विश्वास करके सर्वदा श्री गंगा जल का ही सेवन क्यों नहीं करता? हे गंगे, तुम्हारे जल के दर्शन के प्रभाव से यदि मैं विष्णु हो गया तो अपने चरणों से तुम्हारा स्पर्श होने के कारण मुझे पाप लगेगा, क्योंकि तुम्हारा जन्म विष्णु भगवान के चरणों से है, और यदि मैं भी विष्णु हो गया तो अपने चरणों से तुम्हारा स्पर्श होने के कारण मुझे पाप का भागी होना पड़ेगा, और यदि महादेव हो गया तो सिर पर धारण करने से मुझे डर है कि इस प्रकार अपने प्रभु भगवान शंकर की समता करने के बड़े भारी अपराध से दुख पाऊंगा, इसलिए भले ही मुझे बारंबार शरीर धारण करना पड़े, मैं तो श्री रघुनाथ जी का दास होकर ही तुम्हारे तीर पर रहूंगा। हे भागीरथी, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, मैं वही बात कहूंगा जिससे फिर दोष ना लगे। जय श्री हरि। अन्नपूर्णा महात्म्य। जब तक देवी अन्नपूर्णा कृपा नहीं करती, तभी तक मनुष्य लालची होकर टुकड़े टुकड़े के लिए ललायित होता है और दिन तथा मलिन मुख हो द्वार द्वार पर बिलबिलाता रहता है, परंतु उसके मन की चिंता दूर नहीं होती, कहीं श्राद्ध विवाह अथवा कोई उत्सव तो नहीं, इस बात के ठोह में रहता है, चंचल होकर इधर उधर घूमता है, और यदि कहीं ढोल या तुहरई का शब्द होता है तो पूछता है कि यहाँ कोई उत्सव तो नहीं है। प्यास लगने पर उसे जल नहीं मिलता, भूख होने पर चार चने भी नहीं मिलते, पहाड़ के समान भोजन की इच्छा होती है, परंतु घूरे पर पड़ी दाल भी नहीं मिलती। इस प्रकार वह शोक का आश्रय स्थान और दुख के भार से दबा रहता है। जय श्री हरि। शंकर स्तवन श्री महादेव जी शरीर में भस्म रमाए रहते हैं, वे कामदेव का दलन करने वाले और सर्वदा असंग हैं। उनके सिर पर श्री गंगा जी हैं, अर्धांग में पार्वती जी हैं, तथा अच्छे अच्छे सर्प ही उनके आभूषण हैं। उनके गले में मुंड माला है, मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा है, तथा हाथों में डमरू और कपाल सुशोभित है। देवताओं के समाज रूपी नवीन कुमुद कुसुम के लिए शूलधारी भगवान शंकर साक्षात चंद्रमा है। वे सुख की जड़, त्रिपुर, दैत्य के शत्रु, तीन नेत्रों वाले दिगंबर, विषभोजी एवं संसार का भय निर्वृत करने वाले श्री महादेव जी भजन किए जाने पर बड़ी सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। मैं उन श्री शिव शंकर की शरण हूँ, जो विष भक्षण करने वाले दिगंबर, दुखहारी, भक्त मनोरंजन, कुंद, चंद्र एवं कर्पूर के समान गौरवर्ण, सचिदानंद घन और विकट वेशधारी हैं, जिनके हृदय पर शेष जी और मस्तक पर स्वभाव से ही परम पवित्र श्री गंगा जी विराजमान है, जो कल्याण रूप कामना शून्य और सौंदर्य धाम है, तथा जिनकी राम नाम में नित्य रुचि है, कामदेव के दुर्गम दर्प का दमन करने वाले उन उमा रमण, गुण मंदिर, पापाफारी, त्रिपुरारी, त्रिनियन, त्रिगुणातीत, त्रिपुर, विदारण, देवेश्वर की जय हो, जय हो। अहो, जिनके अर्धांग में पार्वती जी रहती है, परंतु जिनका नाम योगेश्वर अथवा योगपति है, जिनका भांग धतूरा अर्थात विषम भोजन तथा दिशाएं ही वस्त्र है, किंतु जो विश्वेश्वर और विश्व के आश्रय स्थान कहलाते हैं, जिनके हाथ में कपाल, सिर पर सर्प की माला और शरीर में हलाहल,
विष और भस्म की ही शोभा है, किंतु जिनका नाम शुद्ध अविरुद्ध अमर अमल और निर्दोष है, जिनका विकराल भूत बेताल प्रिय ऐसा भयंकर नाम है, किंतु जो भव भय का नाश करने वाले हैं, तुलसीदास जी कहते हैं वे महादेव जी सब प्रकार समर्थ हैं, उनकी महिमा अकथनीय है और वे मेरे संदेहों की निवृत्ति करने वाले हैं। जो भूतों के स्वामी सब प्रकार के भय दूर करने वाले भयंकर भय के आश्रय स्थान भूमि को धारण करने वाले तेजोमय ऐश्वर्यमान भस्म और सर्प रूप आभूषण धारण करने वाले कल्याण स्वरूप भाव प्रिय संसार के स्वामी और संसार के भार को नष्ट करने वाले हैं, जो महान भोगशाली भीषण कुयोग का नाश करने वाले भक्तों को आनंदित करने वाले सरस्वती रूप मुख वाले विषभोजी कल्याण स्वरूप चंद्रमा सूर्य और अग्नि रूप नेत्रों वाले तथा कल्याण धाम और कामदेव का नाश करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं हे मन तू उनका भजन क्यों नहीं करता। ब्रह्मा जी कहते हैं हे पार्वती तुम अपने पति को समझा दो, यह बड़ा बावला और भोला दानी है, देखो स्वयं तो नंगा फिरता है परंतु यदि किसी याचक को देखता है तो कहता है कि थोड़ा मत मांगना यहाँ कुछ कमी नहीं है। संसार में जितने याचक जोड़े जुट सकते उन्हें जुटाकर उन सब कंगालों को प्रसन्न होकर इंद्र बना देता है, उनके लिए स्वर्ग त्यार करते करते मेरा नाक में दम आ गया है, परंतु पिनाकी पिनाकपाड़ी महादेव मेरा कुछ भी एहसान नहीं मानते। यह स्वयं तो गले में भयंकर विष और भीषण सर्प तथा नेत्र में अग्नि धारण किए हुए है, किंतु इसके शरणागत तीनों तापों से दग्ध नहीं होते। इसके साथी तो भूत बेताल अर्थात है और नाम भी भव है, परंतु यह भव संसार के भारी भयों को पल भर में नष्ट कर देता है। यह तुलसी का स्वामी महादेव है तो दरिद्र शिरोमणि सा, किंतु इसका स्मरण करने पर दुख और दरिद्र्य ठहरने नहीं पाते। इसके घर में केवल भांग है और आंगन में केवल धतूरा, परंतु इस नंगे के आगे मांगने वाले निरंतर भरते ही रहते हैं। इसके मस्तक पर वरदायिनी गंगा जी विराजती है, स्वयं भी वरदायक अथवा श्रेष्ठ दानी है, बरदा बैल पर ही चढ़ा हुआ है और इसकी गृहिणी भी वरदायिनी पार्वती है। इसके घर में धतूरा और भस्म का ही ढेर है तथा इसका निवास स्थान वहाँ है जहाँ सब लोग मुर्दे को ले जाकर जलाते हैं। यह सर्प और कपाल धारण करने वाला बड़ा कौतुकी है। इसके घर में चारों ओर भांग की टट्टियों के पर्दे लगे हुए हैं। यह आधी दमड़ी की हैसियत वाले कंगालों की शिरोमणि को भी लोकपाल बना देता है, जो अर्थ धर्म काम और मोक्ष इन चारों पदार्थों का दाता है, त्रिपुरासुर का वध करने वाला और तीनों लोकों में सबका सिर मोर बना हुआ है, जो बड़ा भोला है केवल शुद्ध भाव का भूखा है, तथा स्मरण करने पर जिसने तुलसीदास का भी भला ही किया है उसको छोड़कर तू विषयों की आशा का दास बना हुआ है, किंतु तुम्हारे जी का तुच्छ लोभ कभी नष्ट नहीं हुआ। तुलसीदास कहते हैं यदि तूने पार्वती पति भगवान शंकर की आराधना नहीं की तो बहुत से साधन करके भी क्या फल पाया, संपूर्ण लोक जले जा रहे हैं। यह देखकर त्रिनयन भगवान शंकर ने उस हलाहल विष को लपक कर लिया और शीघ्रता से पी लिया, इससे वह विष आपका आभूषण हो गया। हे स्वामी आपका हृदय तो करुणा का समुद्र है, मालूम नहीं मेरा भाग्य ही फोड़ने योग्य है अथवा आप ही को किसी ने मेरा कोई दोष दिखा दिया है। हे शंकर इस तुलसी को कली काल ने व्याकुल कर दिया है, आप इसकी प्रार्थना पर ध्यान क्यों नहीं देते। महादेव जी ने कालकूट विष खाया था किंतु उनका शरीर अजर अमर हो गया, अब शमशान ही उनका निवास स्थान है और भस्म की पोटली ही उनकी संपत्ति है, हाथ में डमरू और कपाल है, भयंकर सर्प ही उनके आभूषण है तथा उस अत्यंत बावले महादेव की बैल की सवारी पर ही बड़ी रींझ रुचि है। तुलसीदास जी कहते हैं उसके अति विशाल गोर शरीर पर विभूति सुशोभित है, सो ऐसी जान पड़ती है मानो हिमालय पर्वत पर शरतकालीन चंद्री का
छिटक रही हो। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये तो उसकी दृष्टि में ही विराजते हैं। उस मर्द योगी की करामात काशी में प्रकट हो रही है। उनका जटा जूट पिंगल वर्ण है, मस्तक पर परम पवित्र गंगा जल सुशोभित है, तथा उनके नेत्र स्थित अग्नि की ज्योति उनकी भुहों पर दमकती है। उनके नेत्र विशाल और अरुण वर्ण है, ललाट पर द्वितीय का चंद्र शोभ्यमान है, गले में कालकूट विष है, तथा वे सर्प के आभूषण धारण किए हुए हैं। उनका अति सुंदर दिगंबर वेश है और वे शरीर में भस्म रमाए रहते हैं, भांग खाते हैं, तथा सिंह का मनोहर शब्द करके कालरूपी कंटक को निवृत्त कर देते हैं। जिस समय वे भोलानाथ योगी बेतरह प्रसन्न होते हैं, उस समय वे देते देते अघाते नहीं और स्वयं आग के पत्तों से ही रीत जाते हैं। जो मांगने वालों को संपत्ति सहित श्री संपन्न अथवा लक्ष्मी जी का भवन अर्थात वैकुंठ भवन देते हैं, किंतु जिनके घर में केवल विभूति भस्म और भांग है और चढ़ने के लिए जिनके बैल की सवारी है, जिनका नाम तो वामदेव है, किंतु जो सर्वदा सबको दाहिने अनुकूल रहते हैं, सदा असंग निर्लपता का ठाट रहने पर भी जिनके अर्धांग में पार्वती जी रहती है, तथा जो कामदेव का मंथन करने वाले हैं, तुलसीदास जी कहते हैं उन श्री महादेव जी का प्रभाव भाव भक्ति से ही सुलभ है, नहीं तो वेद शास्त्र के लिए भी उसका जानना अत्यंत कठिन है। उनका वेश तो भिक्षुकों का सा है तथा रूप भी बड़ा भयानक है, किंतु वे शंकर कल्याण करने वाले दीन बंधु दयामय दानी श्रोमणि तथा दारिद्र्य का नाश करने वाले हैं। मदन मथन भगवान शंकर मांगने वाले से षोडशो उपचार में से किसी भी अंग की इच्छा नहीं करते, वे तो केवल देना ही जानते हैं, यह उनकी स्वभाव सिद्ध आदत है। यदि उन पर पानी की चार बूंदी भी डाल दी जाए तो उसे ही वे सच्ची सेवा मान लेते हैं और उसके बदले में चारों फल दे डालते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं यदि तुम्हें विश्वेश्वर भगवान भोलानाथ का भरोसा नहीं है तो भले ही करोड़ों कलेश करो और खाक छान छान कर मर जाओ, पल्ले कुछ पड़ने का नहीं। संसार में शूल पाणी श्री महादेव जी के समान दारिद्र्य को दूर करने वाला तथा दुख और दोष अर्थात का दहन करने के लिए दामनल रूप कोई दूसरा दयालु दानी नहीं है। अरे, अनेक देवताओं की उपासना में लगा रहकर मशान क्यों जगाता है? अरे मूर्ख, इस प्रकार तू अपनी प्रतिष्ठा खोकर आग्रह पूर्वक प्रेत क्यों बनता है? अरे अज्ञानी, तू करोड़ों उपाय करके दौड़ दौड़ कर क्यों मरता है, तथा देश देश के राजाओं से क्यों याचना करता फिरता है? तुलसीदास जी कहते हैं बिना विश्वास के ही तू प्रयाग में देहत्याग करता है, तथा धन के लिए ही तू कुरुक्षेत्र में दान देता है, उससे भी तुझे क्या लाभ होगा? अरे भवनाथ को धतूरे के दो पत्ते देकर और इस प्रकार उन्हें बुलावा देकर उनसे सहज ही में इंद्र की संपत्ति क्यों नहीं ले लेता, जिसके यहाँ रथ हाथी और घोड़ों की कतारें लगी हुई है, अच्छे अच्छे योद्धा तथा धन धाम की भी अधिकता है, और जिसकी करनी को भी कोई नहीं पहुँच सकता, जिसकी स्त्री अत्यंत विनीत, पुत्र बड़ा सदाचारी और सुंदर, तथा जिसे विनय विवेक विघा और सुंदर शरीर प्राप्त है। तुलसीदास जी कहते हैं इस प्रकार उसे जो जहाँ ऐसा सुख प्राप्त है और परलोक में शिवलोक में स्थान मिलता है, यह सब फल जिस कर्म का है उसी सावधान होकर सुनो। उसने जानकर बिना जाने रूठकर अथवा खेल में ही किसी समय श्री महादेव जी पर बेल के दो पत्ते चढ़ा दिए होंगे। जिसके रति के समान सुंदरी स्त्री है, जो आसमुद्र भूमंडल का अधिपति है, जिससे परास्त होकर अनेकों राजा लोग हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, जिसकी संपत्ति और साज समाज को देखकर देवराज इंद्र को भी लज्जा होती है, इस प्रकार जिसे विधाता ने सभी प्रकार के सुख जुटाकर दिए हैं, जिसे इस लोक में ऐसा सुख है और परलोक में इंद्र पद प्राप्त होता है, उसे यह सब जिस कर्म का फल मिला है, उसे तुलसीदास विचार कर कहता है उसने या तो आग के चार पत्ते अथवा दो धतूरे के फूल एक बार महादेव जी पर डाल दिए होंगे,
हे श्री महादेव जी, मैं आप ही की पुरी में रहकर श्री गंगा जी का सेवन करता हूँ तथा राम के नाम पर टुकड़े मांगकर पेट भरता हूँ। यह तुलसी कुछ देने योग्य नहीं है तो किसी का कुछ लेता भी नहीं। भलाई तो मेरे भाग्य में ही नहीं लिखी, परंतु मैं कोई बुराई भी नहीं करता। इतने पर भी यदि कोई व्यक्ति आपका भक्त कहलाकर भी मुझसे बलात्कार करता है तो उसका वह बल प्रयोग दीन होकर आपके द्वार पर निवेदन कर देता हूँ। हे काशीनाथ, मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी से उल्हाना पाकर मुझे उल्हाना मत देना कि तुमने मुझे अपने कष्ट की सूचना क्यों नहीं दी। इसलिए मैं काल की करतूत आपसे कहकर छुट्टी ले लेता हूँ। हे शंकर, मैं महाराज राम का दास हूँ। आपका सुयश सुनकर आपके चरणों में श्री गंगा जी के तट पर आ बसा हूँ। हे महादेव जी, आप श्री रघुनाथ जी का शील स्वभाव और हमारा स्नेह संबंध तो जानते ही हैं। मैं श्री रामचंद्र जी से ही डरता हूँ। हे भूतनाथ, मेरे इस आदि भौतिक शरीर में बड़ी प्रबल पीड़ा हो रही है, इससे तुलसीदास बहुत व्याकुल है। इस कुत्सित पीड़ा से मैं घुला जाता हूँ, आप रक्षा कीजिए। इससे तो यदि आप मार दे तो अनायासी काशीवास का मुख्य फल प्राप्त हो जाए, और यदि जिलाना चाहे तो कृपा करके मेरा शरीर निरोग कर दीजिए। हे दयामय महादेव जी, मुझे जीवित रहने की इच्छा नहीं है। यह आप जानते ही हैं कि मैं मरने के लिए काशीपुरी में रहता हूँ। हे कामारी, आप भगवान राम के दासों के लिए कल्प वृक्ष के समान हैं। मैं जगन्माता पार्वती जी के सहित आपका आश्रय चाहता हूँ। भैरव जी की प्रेरणा से यह रोग भूत की तरह मेरे पीछे लग गया है, जिसके कारण इस तुलसीदास को बड़ा कष्ट हो रहा है। अंतः हे भूतनाथ, आप रक्षा कीजिए। मैं आपके चरण कमल पकड़ता हूँ। यदि मुझे जिलाना है तो जानकी वल्लभ का दास जानकर जिलाइए, और यदि मारना है तो आपसे साफ साफ कहता हूँ, मुझे मुँह मांगी मौत दीजिए। अर्थात मृत्यु तो मैं स्वयं भी मांगता हूँ, वह मुझे प्रसन्नता पूर्वक दीजिए। हे पंच महाभूतों के कारण स्वरूप शिव जी, आपको भूत प्रेत एवं पिशाच प्रिय है। आप अपने समाज को अच्छी तरह जानते हैं। उनके वेश वाहन आभूषण वस्त्र निवास स्थान खान पान बलि और पूजा विधि अनेक प्रकार के हैं। उनका कौन वर्णन कर सकता है। राम के दासों का व्यवहार और प्रेम तो सीधा साधा होता है। वे सभी से प्रेम रखते हैं और सभी का सम्मान करते हैं। अंतः मेरे व्यवहार से मेरा सम्मान बढ़ा देकर जो भैरव जी ने मुझे दंड दिया है उसमें मेरा क्या अपराध है। अब तुलसीदास की बात तो श्री भूतनाथ के सुधारने से ही सुधरेगी। मेरे माता पिता और गुरु तो श्री शंकर और पार्वती जी ही हैं। जय श्री हरि। काशी में महामारी। हे पार्वती पते, हे भोलानाथ, हे भवानी पते, इस विश्वनाथपुरी काशी में आज कली काल की दुहाई फिरी हुई है। काशी में रहने वाले पुरुष शंकर के समान है और स्त्रियां पार्वती जी के सदृश हैं, ऐसा वेद ने कहा है, और इस पर कृपालु चंद्रशेखर की भी सही है। किंतु हे महेश, आज कली के प्रताप से वे लोग जो शंकर को षडानन और गणेश से भी प्यारे हैं, बड़े व्याकुल दिख पड़ते हैं। सारी काशीपुरी को इस कली ने बेहाल कर दिया है। यह कली रूप निष्ठुर किरात आपकी पूरी रूप कल्पता को खेल ही में काट रहा है। इसे अपने मस्तक का नेत्र खोलकर देखिए। जहाँ के महादेव जी जैसे स्वामी और पार्वती जी जैसी स्वामिनी है, तथा लोक और वेद में भी जिस स्थान की महिमा प्रसिद्ध है, जहाँ रुद्र के गढ़ ही योद्धा है और श्री षडानन एवं गणेश जी सेनापति हैं, वहाँ भी कली की कुचाल को किसी ने नहीं रोका। इस विश्वनाथ की बीसी में उस वाराणसी में बड़ा भारी विषाद छाया हुआ है। शंकर के नगर की ऐसी दुर्दशा है कि पूछो मत। वे भस्मासुर को वर देने वाले ठहरे, उनका अमृत छोड़कर विष पीने का समभाव जानकर भी तुलसीदास उनके विषय में किस प्रकार कोई बात कह सकता है। अर्थात उनका तो स्वभाव ही उल्टा है। इसलिए नगर की चिंता ना कर यदि वे कलयुग को पाले हुए हैं तो कोई आश्रय नहीं।
काशी का महत्व लोक और वेद दोनों में प्रसिद्ध है। यहाँ के निवासी श्री शंकर और पार्वती रूप है। काल भैरव जैसे तो यहाँ के कोतवाल हैं। दंडपाड़ी भैरव जैसे दंड देने वाले जज हैं तथा गणेश जी जैसे अनेकों अनुपम सभासद हैं। किंतु कुचाली कलयुग ने वहाँ भी अपनी कुचेष्टा नहीं छोड़ी, अथवा वह मूर्ख जानता नहीं कि यहाँ के राजा साक्षात भूतनाथ है। आजकल सब बातें उल्टी देखने में आती है। दुष्ट लोग तो खूब फलते फूलते और फैलते हैं तथा साधुजन पल पल में दुख उठाते हैं। जैसे कहावत है, घी तो खाए दीप मालिका और दूसरे दिन ठोका जाता है सूप। पांच कोस के बीच में बसा हुआ काशी क्षेत्र पुणे का खजाना और स्वार्थ परमार्थ दोनों का साधक है। यह जानकर आपने यहाँ के निवासियों को अपने पार्श्व में बसाया है, किंतु नीच स्त्री पुरुष इस आदर को सह नहीं सके, इसलिए उन्होंने जो कर्म विचार कर नहीं किए उन्हीं का फल वे कायर लोग भोगते हैं। किंतु यह कली काल आपसे भय नहीं मानता, यह बड़े आश्चर्य की बात है। देखे सुदर्शन चक्र ने भगवान कृष्ण के बिना कहे ही मिथ्या वासुदेव पौंड्रक का वध करने के अनंतर काशी को जला दिया था। उसमें यद्यपि श्री कृष्ण का कोई अपराध नहीं था, तो भी आपके प्रेम की हानि जानकर उनके चित्त में बड़ा ही संकोच है। फिर बेचारा कली तो किस खेत का मूली है। देव का कोप होने पर तो एकमात्र आप आशुतोष का ही भरोसा कहा जाता है, क्योंकि लोगों को व्याकुल देखकर आप ही ने तो कालकूट विष पिया था। हे चराचर का पालन करने वाली माता पार्वती, तेरी कृपा से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और महादेव जी संहार करते हैं। सारे विश्व का तेरे ही में विकास होता है, तेरे ही में उसकी स्थिति है और फिर तेरे ही में उसका लय होता है। हे जगजननी, तुम कृपा तरंगावली से विभूषित करुणामयी सरिता हो, तुम देरी ना करके मुझे आश्रय दो। हे मुनिमन मानस मराली के कुपित होने पर तुम महामारी हो जाती हो और प्रसन्न होने पर तुम ही संसार की साक्षात जननी स्वरूपा हो। अंतः अब तुम कृपा दृष्टि से हम दुखियों की ओर देखो। हे जगन माता, यहाँ के अन्यायी नर नारी यद्यपि पाप और अवगुणों के पूरे निवास स्थान है, तो भी वे हैं तेरे ही दास दासी। हे देवी, वे दरिद्रता के कारण अत्यंत दुखी है। ब्राह्मण लोग भीख मंगे और बड़े डरपोक हो गए हैं, इसलिए लोभ मोह काम और क्रोध रूप कली कलुष ने उन्हें घेर लिया है। देख, भगवान राम ने भी अपनी प्रजा के गुण दोषों की ओर दृष्टि ना देकर लोक मर्यादा की रक्षा की थी, इसमें स्वयं श्री महादेव जी साक्षी हैं। ऐसा जानकर हे माता, इस दास की प्रार्थना पर ध्यान देकर एक बार ऐसा कह दे कि ये सब मेरे हैं। हे महामारी, हे महिमा की खानी एवं मंगल और आनंद की राशि महेश्वरी, ये काशीवासी तेरे ही दास हैं। ना जाने लोगों का पाप है अथवा सिद्ध और देवताओं का शाप है या समय का प्रताप है जिसके कारण काशी तीनों तापों से तप रही है। इस समय ऊंच नीच मध्यम श्रेणी के लोग धनी निर्धन राजा और राव सभी ने हठपूर्वक खुल्लम खुल्ला सब कुछ देखकर भी पीठ फेर ली है। देवताओं की प्रार्थना की ओर महामारियों को भी हाथ जोड़े, परंतु इन्होंने भोलानाथ को सीधा साधा जानकर महामारी ठान रखी है। हे करुणा निधान बलवान वीर हनुमान जी, जहाँ तहाँ आप ही ने यश की राशि लूटी है, अंतः आप ही यहाँ के लोगों का भी दुख दूर करके यशस्वी होइए। इस शिवपुरी रूप सरोवर के नर नारी रूप समस्त जलचर बड़े व्याकुल हैं। यह महामारी उनके लिए माजा हो रही है। वे उछलते हैं, तैरते हैं, घबराकर भागते हैं और हाय हाय करके मर जाते हैं। इस प्रकार सारा जल थल मृत्युमय हो रहा है। इस समय देवता लोग दया नहीं करते तथा राजा लोग भी कृपालुचित नहीं है। अंतः वाराणसी में नित्य नवीन अन्याय बढ़ रहा है। हे रघुराज रक्षा कीजिए, हे वानर राज हनुमान जी रक्षा कीजिए। भगवान राम की बात बिगड़ने पर भी आप ही ने उसे संभाला था, अंतः यहाँ भी आप ही कृपा कीजिए।
एक तो सारे दुखों का मूलभूत यह भयंकर कलिकाल और उसमें भी कोड़ में खाज के समान मीन राशि पर शनिचर की स्थिति है। इसी से इस समय वे धर्म तो लुप्त हो गए हैं, लुटेरे ही राजा हो गए हैं तथा बड़े हुए पाप की गति देखकर साधुजन दुखी हैं। हे दयाधाम भगवान राम, दुर्बल पुरुषों के लिए कोई दूसरा द्वार नहीं है, बल वैभव शून्य पुरुषों को तो एकमात्र आपकी ही गति है। हे महाराज, यदि इस समय आपने इन दोनों की सहायता ना की तो आपके उस सर्वोपरि विराजमान विरद को लज्जित होना पड़ेगा। जय श्री हरि। विविध राम नाम ही मेरा माता पिता है, वही मेरा समर्थ स्वामी और हितकारी है। मुझे राम नाम से ही सब प्रकार की आशा है और राम नाम का ही भरोसा है। राम नाम से ही मेरा प्रेम है और राम नाम जपने का ही नियम है। राम नाम के अतिरिक्त और किसी अनुकूल प्रतिकूल मार्ग का मुझे कोई भेद ज्ञात नहीं है। राम नाम ही मेरे सारे स्वार्थ और परमार्थ को सिद्ध करने वाला है। राम नाम के बिना तुलसीदास किसी काम का नहीं है। मैं राम की शपथ करके कहता हूँ, राम नाम ही मेरा सर्वसव है और वही मेरे जैसे दीन दुर्बल के लिए कामधेनु और कल्पवृक्ष के समान है। जिन लोगों ने पतिकों को लूटकर अथवा ब्राह्मणों को मार सता कर करोड़ों कुमार्गों से धन एकत्रित किया है, उनका वह धन भगवान शंकर के कोप से हृदय को जलाकर जाएगा। यह बात खूब परीक्षा की हुई है। काशी में जितने कंटक पापी हुए हैं, वे अपनी करनी का भली प्रकार फल भोगकर नष्ट हो गए हैं। ये सभी प्रकार आजकल परसों अथवा नरसो दिवाली का दिया चाट कर जाएंगे ही। कहते हैं दीपावली का दिया चाटकर सर्प चले जाते हैं, फिर वे दिखाई नहीं देते। इसी प्रकार ये पापी लोग भी ऐसे नष्ट होंगे कि इनका कोई पता नहीं चलेगा। जिसने अपने शरीर की आभा से कुमकुम को जीत लिया है तथा जिसका मुख चंद्र चंद्रमा से और बदता है, जिसके बोलने में सब प्रकार की समृद्धि चूने लगती है और जो देखते ही सब प्रकार की चिंता और खेद को हर लेती है, यह पक्षिणी के वेश में साक्षात गौरी है या गंगा अथवा आनंद से परिपूर्ण किसी अन्य देवी की मनोहर मूर्ति है, इस क्षेम करी लाल रंग की चिल्ह को कहीं जाते समय प्रेम पूर्वक देखा जाए तो यह सब प्रकार के शोकों की निवृत्ति करने वाली होती है। विधाता ने काशी को मंगल की राशि और परमार्थ की खानी जानकर रचा है और श्री विष्णु भगवान ने उसे बसाया है। प्रलय काल में भी भगवान शंकर ने उसे अपने त्रिशूल पर रखकर बचाया था। उसी को यह मृत्यु के वशीभूत हुआ नीच कली गिराना चाहता है। महाराज परीक्षित ने इसे छोड़कर इस पर कृपा की और इस दुष्ट का भला किया, उस उपकार को इसने भुला ही दिया। हे हनुमान जी रक्षा कीजिए, हे करुणा निधान भगवान राम बचाइए, यह कली रूप कसाई काशी रूप कामधेनु को मारे डालता है, जो ब्रह्मा जी की रची हुई है और स्वयं विश्वनाथ की राजधानी है और जो कृपामय विष्णु भगवान को प्राणों से भी प्यारी है। वह ज्योतिर्लिंगमयी और अगणित लिंगमयी पूरी मोक्ष दान करने वाली तथा जग जंजाल को नष्ट करने वाली है। वह देवी देवता सुरसरी सिद्धजन और मुनिवरों की निवास भूमि है और दर्शन मात्र से ही अभागों के ललाट पर लिखी हुई दुर्भाग्य की रेखा को मिटा देती है। ऐसी काशी की भी इस कलिकाल ने दुर्दशा कर रखी है, जिसे देखकर हे दया निधान श्री राम, यह तुलसीदास हाँ खाता है, आप कृपा कर इसकी रक्षा कीजिए। आश्रम और वर्ण कली के प्रभाव से विकलांग हो गए और सबने अपनी अपनी मर्यादा को भार स्वरूप समझकर त्याग दिया। शिवजी का कोप तो महामारी से ही प्रकट है। स्वामी के कुपित होने के कारण ही संसार का दारिद्र्य दिनों दिन बढ़ता जाता है। स्त्री पुरुष सब आर्त होकर पुकारते हैं किंतु उनकी पुकार कोई नहीं सुनता। मालूम होता है किन्हीं देवताओं ने मिलकर मुठ चला दी थी, अभिचार का प्रयोग किया था किंतु भयभीतों की रक्षा करने वाले कृपालु श्री राम को स्मरण करते ही उन्होंने अपनी करुणा की प्रशंसा करके उसे समय पर अपना काम करने का संकेत कर दिया, जिससे वह बीमारी बात की बात में चली गई। इस प्रकार श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा कवितावली संपूर्ण हुई। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि।
जय जय श्री हरि।